हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे। हम कर चुके हैं सॉल्व एग्जांपल्स, कर चुके हैं हम थ्योरी पढ़ चुके हैं अच्छे से। थ्योरी मैंने फटाफट से कंप्लीट करवा दी थी 1 घंटे में। तो पहले आपको थ्योरी पढ़नी है जिससे आपको चीज़ें समझ में आए, उसके बाद शॉर्ट सॉल्व एग्जाम्पल्स देखने, उसके बाद ही देखना है। डायरेक्टली देखोगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि फिजिक्स यार इंटरकनेक्टेड होती है, इस चीज़ को समझो। फिजिक्स में ऐसा नहीं है कि कोई अलग अलग चैप्टर्स हैं, जैसे केमिस्ट्री में होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर अलग होता है, पी ब्लॉक अलग होता है, अलग अलग चैप्टर्स नहीं है। तो फिजिक्स में कम से कम रोटेशन तक सब कुछ कनेक्टेड है। रोटेशन तक के जो भी लेक्चर आप देखोगे, पहले के सारे लेक्चर देखो, तो वेक्टर्स के लिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स देखो, काइनेमेटिक्स देखो, उसके बाद ही देखो। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, द अपेरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस इन एलिवेटर व्हाइल एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। हमको पता है जब भी एक्सेलरेटर पे ऊपर जाते हैं तो वेट जो होता है वो एम इंटू जी प्लस ए बन जाता है, ठीक है ना, ये बात बता चुका आपको। अब मूंगफली वाला सेल्स मूंगफली यूजिंग ए बीम बैलेंस। अब मूंगफली वाला जो है वो बीम बैलेंस जो होता है ना, जो ये वाला टोक ऐसा जो होता है, ये ऐसे रहता है, फिर ऐसा रहता है, इससे मूंगफली सेल कर रहा है। तो क्या उसके मूंगफली का जो दाम लगाएगा वो ज्यादा लगाएगा क्या? मूंगफली ज्यादा, देखो उस चीज को समझो कि अगर यहाँ पे वेइंग स्केल होती और यहाँ पे 1 केजी की मूंगफली रखी रहती, तो अगर एलिवेटर ऊपर जा रहा होता तो जो हमारा इसके अंदर रीडिंग आती वो 1 केजी से ज्यादा आती, 1 केजी से ज्यादा आती। क्यों ज्यादा आती? बिकॉज 1 केजी से तब आती है जब वो एम जी के बराबर है उसका वो फोर्स। अब जो फोर्स इफेक्टिव मैंने बता चुका हूँ, जी की वैल्यू जी प्लस ए हो जाती है, तो यहाँ पे 1 केजी से ज्यादा वैल्यू आता। मतलब बेसिकली जैसे ये मूंगफली रखी हुई है बहुत सारी, इसमें मूंगफली रखी हुई है और यहाँ पे 1 केजी का ब्लॉक है, तो इसको भी नीचे जो पुल करा जा रहा है वो 1 × g+a से पुल करा जा रहा है, और इसको भी जो नीचे पुल करा जा रहा है m × g+a से पुल करा जा रहा है। अब एक्चुअली अगर 1 किलो है इधर भी और ये m भी 1 किलो है, तो दोनों का जो पुल है वो बराबर रहेगा। ये चीज कैसे फंक्शन करती है? जिस तरफ पुल ज्यादा होता है उस तरफ टिल्ट हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे 1 kg रखा हुआ है तो ग्राउंड पे क्या था इसका पुल? mg, 1 × g, इसका कितना था? mg। एलिवेटर में क्या बन गया इसका? 1 × g+a, इसका क्या बन गया? m × g+a। बट अब भी दोनों बराबर ही हो जाएंगे ना, अगर ये 1 और ये m बराबर रहेगा तो m × g+a और 1 × g+a बराबर रहेगा, तो इसके अंदर कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर हाँ वो ये स्प्रिंग बैलेंस लेके बैठे तो उसको फायदा होगा, तो उसको 1 किलो की जगह मूंगफली बोल सकता है, 1.5 किलो, मतलब 1 किलो की मूंगफली वो 1.5 किलो बोल के बेच सकता है, तो उसको फायदा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अपन ये सवाल कर ही चुके हैं सॉल्व एग्जाम्पल्स में और इलस्ट्रेशंस में कि एक जो पर्सन है जो स्प्रिंग बैलेंस पे खड़ा हुआ है, एलिवेटर में ऊपर जा रहा है, उस पर्सन का वेट ज्यादा आता है, तो ऐसे मूंगफली का वेट ज्यादा आएगा इस केस में, बट इस केस में नहीं आएगा, बीम बैलेंस इस केस में नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रखा है कि एक बॉय है जो कि एक ना बॉक्स को उठा के जंप करता है, तो जब वो जंप कर रहा होता है, जब वो हवा में होता है, तो उसको कितना वेट लगता है? तो यार एक चीज बताओ, कार्टून में देखा होगा दो बॉडी साथ साथ गिर रही है, दोनों बॉडी साथ साथ गिर रही है, तो अगर दोनों बॉडी साथ साथ गिर रही है तो ये इस पर फोर्स लगाएगी या नहीं लगाएगी? ये इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगी ना, क्योंकि अगर दो बॉडी साथ साथ गिर रही है तो दोनों फ्री फॉल कर रही है और दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा, ठीक है। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लो एक फ्लोर है और ये एम ब्लॉक है, तो एम ब्लॉक एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होता है, एक एम जी नीचे होता है, और इसका एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो मैं लिखता हूँ एम जी माइनस एन इज इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर ये ब्लॉक हवा में गिर रहा है, इस पर मान लो कोई नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और ये जी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ एम जी है, तो mg माइनस एन इज इक्वल टू एम जी आ गया, मतलब n का वैल्यू कितना आ गया? जीरो। तो जो भी ब्लॉक हवा में होता है उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन जीरो होता है, उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन जीरो होता है, इसका मतलब वो दूसरे ब्लॉक पे भी जो नॉर्मल रिएक्शन लगाता है वो भी जीरो होता है। इसका मतलब दो बॉडीज जो हवा में है वो एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाती। तो तुम कितना भी भारी भरकम कुछ भी लेके कूद जाओ हवा में, तो जैसे एस्ट्रोनॉट्स करते हैं, फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं वो, तो कोई भी भारी चीज उनको भारी नहीं लग रही होती वो चीज, उनके ऊपर नहीं आती वो चीज, ठीक है। लेकिन जब एकदम से वो लैंड करेगा ग्राउंड पे, तो एकदम से क्या होगा कि जो ब्लॉक था उसके मोमेंटम में चेंज आएगा। जैसे यहाँ पे वो था, वो तो रेस्ट पे आ गया और ब्लॉक की वेलोसिटी वी थी, तो जैसे ही लैंड करेगा उसके बाद ब्लॉक इसके सर पे आ जाएगा, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो इसके मोमेंटम में चेंज आया। मोमेंटम में चेंज कितना है? डी एम बी। फोर्स कितना होता है? डी एम बी अपॉन डी टी। अब टाइम जितना कम होगा फोर्स उतना ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए उसको फोर्स एकदम से ज्यादा लगता है। तो ये लिखा हुआ है, डज द फोर्स ग्रेटली इंक्रीज। बिल्कुल ग्रेटली इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? बिकॉज मोमेंटम में चेंज बहुत ही फटाफट से आता है, तो इसलिए वो फोर्स ग्रेटली इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है, पर्सन ड्रॉप्स अ कॉइन, डिस्क्राइब द पाथ ऑफ द कॉइन एज सीन बाय द पर्सन इफ ही इज इन द कार मूविंग एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी।
अगर वो पर्सन कार के अंदर बैठा हुआ है तो अपन कर चुके हैं एरोप्लेन वाला प्रॉब्लम काइनामेटिक्स के अंदर, कि जब भी मैं कॉइन को ड्रॉप करूंगा तो कॉइन के ऊपर फोर्सेस नहीं आएंगे। क्या फोर्स, क्या नया आएगा? फोर्सेस नया आएगा लेकिन वेलोसिटी सेम रहेगी। ठीक है, कॉइन को जब भी मैं ड्रॉप करूंगा तो फोर्सेस नहीं आएंगे लेकिन वेलोसिटी जो रहेगी वो सेम रहेगी। तो जैसे ही कार के अंदर से उसने कॉइन को ड्रॉप करा, कार 20 स्पीड से आ रही थी, कॉइन भी जो था वो 20 स्पीड से जा रहा था, तो जब कॉइन को ड्रॉप करा तो कार तो आगे जाती जाएगी 20 स्पीड से, लेकिन कॉइन नीचे गिरना चालू हो जाएगा। लेकिन कॉइन का हमेशा कार के, जैसे ये एंड, ये दो पॉइंट्स पकड़ेंगे तो कॉइन हमेशा कार के वर्टिकल डिस्टेंस पे रहेगा, जैसे अपन ने एरोप्लेन के लिए किया था। तो उसका पाथ क्या होगा? स्ट्रेट डाउनवर्ड्स। जब भी कॉइन अपन ड्रॉप करेंगे कार के अंदर तो पाथ क्या होगा? स्ट्रेट डाउनवर्ड। फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर। फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर में अगर तुम ड्रॉप कर रहे हो, मैं अंदर खड़ा हूँ फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर के और इस चौक को ड्रॉप करा मैंने, तो चौक मेरे आंखों के सामने ही रहेगा, हमेशा रहेगा ना। रहेगा ना, क्यों रहेगा? बिकॉज इसके ऊपर भी फोर्स कितना लग रहा है? mg, मतलब इसका भी जो एक्सेलरेशन है वो कितना है? नीचे की तरफ g। मेरा भी जो एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ कितना है? g। तो दोनों के जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है जीरो है, दोनों साथ साथ मूव करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। इज इट पॉसिबल फॉर अ पार्टिकल टू डिस्क्राइब अ कर्व्ड पाथ इफ नो फोर्स एक्ट ऑन इट? तो अगर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो पार्टिकल वैसे तो कर्व्ड नहीं होगा। पार्टिकल हमने बताया कि कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी सेम रहेगी, वेलोसिटी सेम रहेगी तो कर्व्ड हो नहीं सकता। लेकिन इसमें एक और चीज डाल दी, डज योर आंसर डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस? हाँ, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। अगर तुम खुद घूम रहे हो लेकिन पार्टिकल रेस्ट पे, तो पार्टिकल भी घूमता हुआ दिख जाएगा ना तुमको। तो पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही, खुद ही हम घूम रहे हैं वेलोसिटी किसी स्पीड से सर्किल में जा रहे हैं, तो जो भी पार्टिकल होगा वो हमको घूमता हुआ लगेगा। तो इसलिए उस पर फोर्स नहीं एक्ट करते हुए भी वो हमको घूमता हुआ लगेगा। तो अब वापस से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इज इट पॉसिबल फॉर ए पार्टिकल टू डिस्क्राइब कर्व्ड पाथ? हाँ, डिस्क्राइब कर सकता है। अगर हम देखते वक्त खुद डिस्क्राइब कर रहे हैं कर्व्ड पाथ, अगर हम खुद कर्व्ड पाथ में हैं तो पार्टिकल भले ही रेस्ट पे हो, पार्टिकल में भले ही कोई फोर्स ना हो, तब भी वो कर्व्ड पाथ को डिस्क्राइब कर लेगा। सिंपल सी बात है ना। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। अब ये तुमने देखा होगा, जब तुम कार में चल रहे हो एकदम से ब्रेक लगते हैं तो अपन आगे की तरफ ऐसे हो जाते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या भाई कौन सा फोर्स है जो आगे की तरफ पुश कर रहा है अपन को। कुछ लोग बोलते हैं इनर्शिया का फोर्स है, इनर्शिया का कोई फोर्स नहीं होता। सिंपल सा फंडा है कि कार में जब तुम बैठे थे तो कार की स्पीड भी वी थी, तुम्हारी स्पीड भी वी थी। अब कार को एकदम से ब्रेक लगा दिया तो कार तो रेस्ट पे आ गई, बट तुम्हारा जो स्पीड है, अच्छा ये वाला भी पोर्शन जो है वो रुका हुआ है सीट से, लेकिन जो तो सर की स्पीड है वो वी रह गई, तो तुम्हारा सर आगे की तरफ उसी स्पीड से जाता है, कोई नया फोर्स नहीं लगता। जब मैं कार में से एकदम से ब्रेक लगाता हूँ, मैं बाहर की तरफ जाता हूँ, तो कोई नया फोर्स नहीं लगता, वो मेरी स्पीड सेम रहती है, इनर्शिया ऑफ मोशन रहता है। कार रुक जाती है लेकिन मैं आगे मूव करता रहता हूँ, इसलिए मैं आगे की तरफ झुकता हूँ। ऐसे क्या होता है जब हम सर्कुलर मोशन में जाते हैं, तुमने देखा होगा अगर मैं सर्कल में ऐसे टर्न मारूंगा मैं बाहर की तरफ हो जाता हूँ। कभी कार एकदम से घुमाई होगी ऐसे इस तरफ तो तुम बाहर की तरफ निकलोगे, इस तरफ घुमाओगे तो तुम ऐसे निकल जाओगे, है ना। तो वो भी ऐसा नहीं होता कि तुम्हारे ऊपर कोई फोर्स लगता है। कुछ लोग बोलते हैं सूडो फोर्स लग रहा है, कुछ लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, कोई फोर्स नहीं लग रहा। सूडो फोर्स जो होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, इमेजिनरी होता है। ठीक है, एक्चुअली क्या हो रहा होता है, ये कार ऐसे है आगे जा रही है, अब ये कार ऐसे मुड़ गई इस पाथ में, तो तुम तो फिर तुम्हारी वेलोसिटी तो आगे की तरफ ही थी ना। तो कार का ये वाला पॉइंट मान लो, ये वाला पॉइंट तो यहाँ आ गया, लेकिन तुम्हारी वेलोसिटी तो आगे थी ना, तो तुम ऐसे तुम देख लो, तुम इस पॉइंट से इस बाहर की तरफ आ गए। तो कार को जब मैं इस तरफ मोड़ता हूँ तो मैं बाहर की तरफ ऐसे हो जाता हूँ, और कार समझ लो, कार को जब मैं बाहर ऐसे मोड़ूंगा तो मैं इस तरफ हो जाऊंगा। मैं इस तरफ नहीं होता हूँ, मैं एक्चुअली पाथ में चल रहा होता हूँ, लेकिन कार ऐसे मुड़ गई तो उसके रेस्पेक्ट में इस तरफ हो गया, क्योंकि कार इस तरफ चले गई ना, लेकिन मैं तो सर सीधे चला गया, तो कार के रेस्पेक्ट में इस तरफ हो गया, मैं बाहर नहीं जाता। तुम्हारा जो लाइन है ऐसे, तुम ऐसे नहीं चले जाते, ये गलत है, तुम तो स्ट्रेट ही जाते रहते हो, कार इस तरफ चलेगी, है ना। ऐसे ही ये मोमेंट प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया होती है। 16 देखते हैं। इट इज समटाइम हर्ड दैट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ओनली एन आइडियल कंसेप्ट एंड नो सच इनर्शियल फ्रेम एक्चुअली एग्जिस्ट। कमेंट। देखो, जब हमने माना अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तब मैंने बताया था कि जो भी बॉडी अर्थ के ऊपर रखी हुई है उसके ऊपर केवल दो फोर्स तो है नहीं, सन भी फोर्स लगा रहा है, स्टार भी फोर्स लगा रहा है, बहुत सारी चीजें फोर्स लगा रही है, प्लस वो फ्रेम भी एक्सेलरेट कर रहा है, अर्थ भी जो स्पेस में एक्सेलरेट कर रही है। तो इनर्शियल फ्रेम एक्चुअली में कुछ नहीं होता। अगर तुम इस डिस्कशन को वहां पे ले जाना चाहोगे कि स्पेस में सब कुछ हटा देते हैं, केवल एक मास रखते हैं, तो वहां से भी शुरुआत करेंगे तो इनर्शियल फ्रेम एक्चुअली कुछ होता नहीं है। हम ये बोलते हैं कि न्यूटन का लॉ जहां पे हमको अप्लाई करता हुआ दिख रहा है वो इनर्शियल फ्रेम हम बोल देते हैं,
ठीक है ना। तो न्यूटन का लॉ इसलिए अप्लाई कर रहा हुआ है कि अर्थ का जो एक्सेलरेशन सन की वजह से हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट का भी वो एक्सेलरेशन सन की वजह से है। तो फिर हम सन का फोर्स लेते ही नहीं है, मतलब ये लंबा कंसेप्ट है, इसको तुम छोड़ सकते हो। इतना डीप में ना तुमसे जेईई एडवांस में पूछेंगे ना कहीं और पूछेंगे। इतना याद रखो, इनर्शियल फ्रेम एक्चुअली में होता नहीं है। किसी को डिस्कशन अलग से करना है तो मेरे को अलग से कॉल वॉल कर सकते हो, मैं समझा दूंगा पूरा लंबा चौड़ा। बट इसको अभी तुम समझोगे तो कंफ्यूज जाओगे। बेसिकली अपना मेन मोटिव अभी इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो वो मेन मोटिव है अपना। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। अगेन ये सेम चीज बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उससे सब कुछ हटा दिया अपन ने, क्या वो इनर्शियल फ्रेम होगा? जैसे अपन स्पेस में सब कुछ हटा देते हैं, केवल एक मास एम, क्या ये फ्रेम इनर्शियल फ्रेम है क्या? तो ये फ्रेम भी इनर्शियल फ्रेम नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे मान लो एक मास अपन ने लिया, एम मास, ये तो एक फ्रेम ले लिया अपन ने, और दूसरा एक और एम मास लेके आए पर जो सेम उसका है। इस पे फोर्स क्या लग रहा है? इस पे फोर्स लग रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, लग रहा है कि नहीं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से मैं लिखूंगा एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए। तो ए कितना आना चाहिए मेरे पास? एफ जी अपॉन एम आना चाहिए मेरे पास, आना चाहिए कि नहीं? इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना आना चाहिए? ए आना चाहिए। लेकिन इस पे भी फोर्स लग रहा है एफ जी, तो एक्चुअली इसका भी एक्सेलरेशन ए होगा और इसका भी एक्सेलरेशन ए होगा, अगर दोनों मास एम बराबर है। तो ये बात समझ में आ गई क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, फिर मैं आऊंगा कि अर्थ को अपन इनर्शियल फ्रेम क्यों मान लेते हैं। तो जब तुम इसके रेस्पेक्ट में देखोगे, तो इसके रेस्पेक्ट में तो इसका एक्सेलरेशन टू ए हो गया ना इस तरफ। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं, कि दोनों के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है। इन्होंने पूछा क्वेश्चन में कि क्या एक मास जो हवा में खाली पड़ा है वो इनर्शियल फ्रेम है? उस फ्रेम में भी चीजें करने के लिए मुझे कुछ तो ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा ना, जिसके ऊपर मैं न्यूटन लॉ लगा सकूं। तो मैंने मान लो ये ऑब्जेक्ट लिया, इस पे कोई और फोर्स है ही नहीं, केवल इसका फोर्स लगेगा ग्रेविटी वाला। इसका फोर्स लगेगा तो इसका एक्सेलरेशन होगा, बट ये फोर्स इस पे भी लग रहा है तो इसका भी एक्सेलरेशन होगा इस तरफ। इसके रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या हो गया? टू ए हो गया पीछे की तरफ। इसके रेस्पेक्ट में जो अपना फ्रेम है उसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया? टू ए हो गया ना, बिकॉज ए इस तरफ ए इस तरफ, तो इसका कितना हो गया? टू ए हो गया पीछे की तरफ। अब इसका एक्सेलरेशन अगर टू ए हो गया पीछे की तरफ, जबकि आंसर क्या आना चाहिए था? आंसर तो इसके रेस्पेक्ट में ए आना चाहिए था। तो ये भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। अब अर्थ क्यों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? मान लो अर्थ ही है पूरे यूनिवर्स में और कोई नहीं है, तो अर्थ एक कैपिटल एम है और एक छोटी बॉडी मान लो स्मॉल एम की, तो इस पे फोर्स लग रहा है वापस से एफ, इस पे फोर्स लग रहा है वापस से एफ। अर्थ का एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा? एफ इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ इंटू एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। तो एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ देखो तुम क्या हो गया, एफ अपॉन कैपिटल एम। कैपिटल एम बहुत बड़ा होता है, तो एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ जीरो के बराबर हो जाता है लगभग। ये बात समझ में आ रही है? एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ जो है वो जीरो के बराबर हो जाता है लगभग। और इसका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा स्मॉल एफ अपॉन स्मॉल एम। तो अगर तुम अर्थ के रेस्पेक्ट में देखोगे तो अर्थ का एक्सेलरेशन जीरो है अब, और इसका एक्सेलरेशन कितना है? ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। तो जब तुम अर्थ के हिसाब से इसकी इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? समेशन ऑफ ऑल द फोर्स मतलब एफ इज इक्वल टू एम ए। ये सेटिस्फाई कर रहा है ना इसको, पिछले केस में टू ए हो रहा था वो। तो इसलिए अर्थ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाती है छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए। लेकिन अर्थ के सामने एक और अर्थ रख दोगे तो अब अर्थ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं रहेगी। तो ये सब समझाने की कोशिश में कर रहा था, बट ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सब चीजें। इतना याद रख लो कि अपनी कैलकुलेशन के लिए अपन अर्थ को इनर्शियल फ्रेम मान लेते हैं, जबकि एक्चुअली में कोई इनर्शियल फ्रेम होता नहीं है, सब अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन हो गया। क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं। एक स्प्रिंग बैलेंस है, 20 किलो के ब्लॉक रखे हुए हैं, और ग्रेजुएशन से टेंशन अपन को पता पड़ती है इससे, तो बैलेंस की रीडिंग क्या होगी? तो कुछ बच्चे क्या बोलते हैं कि सर इस पे टोटल फोर्स 40 न्यूटन लग गया। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ तुम लोगों को। जैसे मान लो एक रस्सी है, मास जीरो है इसका, तो इस पे फोर्स लगा दिया अपन ने 20 न्यूटन का, तो इसका एक्सेलरेशन इंफिनिटी हो गया, तो ये तो केस पॉसिबल नहीं है। दूसरा है कि इसको बांधा हुआ है और ये एफ इज इक्वल टू 20 न्यूटन है। अब मैं इसलिए बोलता हूं, रस्सी पे नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स जीरो है, और टेंशन इन, याद है थ्योरी के अंदर मैं बोला टेंशन इन द स्ट्रिंग बोलते हैं, टेंशन इन कितनी है? 20। क्यों है? देखो इसका अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा पूरा तो कैसा बनेगा? इस पे तो 20 न्यूटन लग रहा है, लेकिन वॉल पे भी तो 20 न्यूटन लग रहा है। ये फोर्स कौन लगा रहा है? ये वाला पॉइंट लगा रहा है, मतलब इस पॉइंट पे पीछे की तरफ 20 न्यूटन लग रहा है, मतलब स्प्रिंग दोनों तरफ से 20 न्यूटन से खिंची हुई है। तुमको फोर्स एक बना रखा है, दिखा रखा है, लेकिन दोनों तरफ से 20 न्यूटन से वो खिंची हुई है। काट के बताया था मैंने कि ये 20 न्यूटन होगा, ये भी 20 न्यूटन होगा।
तो कहीं भी किसी भी क्रॉस सेक्शन पे 20 न्यूटन का फोर्स हमेशा हर जगह 20 न्यूटन का फोर्स, 20 केजी है तो 200 न्यूटन बेसिकली। तो व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द बैलेंस? तो बैलेंस मेजर करता है टेंशन, तो जो रीडिंग आएगा वो कितना आ जाएगा, 200 न्यूटन आ जाएगा। विल द रीडिंग चेंज इफ द बैलेंस इज हैवी से 2 केजी? अब अगर 2 केजी का बैलेंस होगा लेकिन ये 20 और 20 है तो ये बैलेंस कर रहे हैं ना एक दूसरे को, तो वापस से टेंशन आएगी इसमें कैलकुलेट करोगे तो 200 न्यूटन ही आएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट विल हैपन इफ द स्प्रिंग इज लाइट बट द ब्लॉक से अनइक्वल? अब स्प्रिंग लाइट है लेकिन ब्लॉक के अनइक्वल मासेस हैं। फॉर एग्जांपल इसका मास 10 मान लेते हैं और इसका मास 30 मान लेते हैं, तो क्या होगा? इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ और इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा ऊपर की तरफ, होगा कि नहीं होगा? अब ये पूरी चीज तो लाइट है, तो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा 30 माइनस 10 इंटू जी अपॉन 30 प्लस 10। ये आउटपुट मशीन का फॉर्मूला होता है, ये अपन कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 30 माइनस 10 इंटू जी इंटू 30 प्लस 10 कितना हो गया 20 जी बाई 2। तो अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूंगा तो ये टी हो जाएगा नीचे की तरफ 300 हो जाएगा नीचे की तरफ, तो मैं क्या लिखूंगा नीचे की तरफ ए, तो 300 माइनस टी इज इक्वल टू 30 इंटू 5, जी बाई 2 को 5 ले लिया, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी 150 आ जाएगी। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150, तो मतलब जो मेजरमेंट है वो अलग हो गया। अब यहाँ पे अपन ने दो तीन चीज यूज करी है। पहली चीज अपन ने क्या यूज किया, टेंशन निकाला है अपन ने, एक्सेलरेशन निकाला है अपन ने। तो अगर तुमको ये फॉर्मूला नहीं आता तो डायरेक्टली तुम क्या कर सकते हो, तुम डायरेक्टली टेंशन लिख के और डायरेक्टली कर सकते थे। इसके लिए क्या बनती है इक्वेशन, टी माइनस 100 इज इक्वल टू 10 इंटू ए, इसके लिए क्या बनती है 300 माइनस टी इज इक्वल टू 30 इंटू ए। तो देखो ये क्या बन गया, 300 माइनस 200, 300 माइनस 100 इज इक्वल टू 40 इंटू ए। ये चीज यहाँ पे लिखी थी और टेंशन निकाला था, तो टेंशन डिफरेंट हो जाएगी, बस ये सीधी सी बात है जो अपन को समझनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज जीरो एज मेजर्ड फ्रॉम द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कैन वी कंक्लूड दैट नो फोर्स एक्ट? ऐसा नहीं कि कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, सारे फोर्सेस का जो सम है वो जीरो हो रहा है, तो फोर्स एक्ट कर रहा है लेकिन सारे फोर्सेस का जो मिला के सम हो रहा है वो कितना हो रहा है, जीरो। टेंथ, सपोज यू आर रनिंग इन ए फील्ड व्हेन यू सडनली फाइंड ए स्नेक इन फ्रंट ऑफ यू, यू स्टॉप क्विकली, विच फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर योर डी एक्सेलरेशन? तो सांप को देख के जो तुम रुके हो, फ्रिक्शन का फोर्स, ग्राउंड का जो फोर्स है वो तुमको रेस्पॉन्सिबल है डी एक्सेलरेशन करने के लिए। ठीक है, 11th, इफ यू जंप बेयर फुटेड ऑन हार्ड सर्फेस, हार्ड सर्फेस पे जंप करते हैं तो हमारे लेग जो है वो, या फिर इस चॉक को अगर मैं गिराऊंगा हार्ड सर्फेस पे टूट जाएगी, इसी को अगर मैं मिट्टी में गिराऊंगा रेत के अंदर, राजस्थान में जो रेत होती है, तो ये नहीं टूटेगी। तो ऐसा क्यों है कि सॉफ्ट सर्फेस से पर इंजर नहीं होते और हार्ड सर्फेस पे इंजर हो जाते हैं? तो अगेन बात फोर्स की हो रही है, जैसे जब मैं गिरने की बात कर रहा हूँ किसी सॉफ्ट पे और किसी सॉफ्ट सर्फेस पे, हार्ड सर्फेस पे जब कोई चीज गिरेगी तो यहीं पे रुक जाएगी, सॉफ्ट के अंदर गिर के वो अंदर तक चले जाती है थोड़ी सी, तो इसको एक टाइम मिल जाता है, इसका टाइम t1 है अगर रेस्ट पे आने का, इसकी वेलोसिटी v थी नीचे की तरफ, इसकी भी v थी, फाइनली जीरो हो गई, इसकी भी जीरो हो गई। इसको अगर टाइम t2 लग रहा है, ये तो एकदम से गिर रहा है ना, और ये है आराम आराम से रुक, टाइम लग रहा है इसको, क्यों अंदर तक जा पा रहा है ये। तो हमने बात की फोर्स क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, तो चेंज ऑफ मोमेंटम दोनों केस में सेम है, लेकिन टाइम t1 जो है वो ज्यादा है तो फोर्स जो है वो कम हो गया, फोर्स कम हो गया तो तुम्हारे ऊपर जो धक्का लगा वो कम हो गया, जो अपन ने ब्लॉक की बात की थी, जो इंसान ब्लॉक लेके एकदम से जंप कर रहा था वैसा ही केस है, तो फोर्स कम लगा तो जो धक्का है वो कम लगा, धक्का कम लगा तो चोट नहीं लगी। ठीक है, 12 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ईच टीम पुल्स द अपोजिट टीम विद इक्वल फोर्स इन टग ऑफ वॉर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दो टीम है, टग ऑफ वॉर खेल रही है, तो ये ऐसे पुल कर रहा है, ये ऐसे पुल कर रहा है, ठीक है ना, टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, ऐसे पुल कर रहा है। तो अब क्या बोल रहा है कि न्यूटन को ना, क्या बोलता है कि इस पे जो टेंशन लग रहा होगा टी लग रहा होगा इस तरफ, अगर मैं इसको हटा दूं, और ऐसे इस पे जो टेंशन लग रहा होगा टी लग रहा होगा, स्प्रिंग पे भी टेंशन टी लग रहा होगा और टी लग रहा होगा, ठीक है। तो अगर ये टेंशन टी है, ये टेंशन टी है, तो फिर तो दोनों ही साथ आने चाहिए थे, लेकिन ऐसा क्यों होता है, एक आगे आता है एक पीछे चला जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एक फोर्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, वो फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन का फोर्स। तो ये देखो, ग्राउंड को हम आगे धक्का देते हैं, देते हैं कि नहीं देते हैं? हम ग्राउंड को
खींचते हैं तो ग्राउंड को हम आगे धक्का दे रहे होते हैं, तो ग्राउंड हमको पीछे धक्का दे रहा है। तो स्पेक फ्रिक्शन एफ वन लग रहा है, स्पेक फ्रिक्शन एफ टू लग रहा है। अब अगर तुम ग्राउंड को ज्यादा धक्का दोगे तो ग्राउंड तुमको ज्यादा धक्का देगा। तो जब तुम ग्राउंड को तेज धक्का देना चालू कर दोगे, ये तो बैलेंस है ऊपर वाली चीज, लेकिन जब तुम ग्राउंड को तेज धक्का देना चालू कर दोगे तो एफ वन ज्यादा हो जाएगा, और मान लो ये उतना धक्का नहीं दे पा रहा तो एफ टू कम हो जाएगा। तो एफ वन अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये इस तरफ आ जाएगा, और इसका एफ टू मतलब उस तरफ जो फोर्स है वो कम हो गया तो ये भी इस तरफ आ जाएगा। तो टग ऑफ वॉर को जीतने के लिए दो चीज करनी पड़ेगी, एक तो रस्सी का बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि रस्सी आगे छोड़ दी, रस्सी का भी बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। दूसरा, जो बंदा ग्राउंड को ज्यादा तेजी से पुश कर पाएगा ना वो ज्यादा पीछे जाएगा, और जो उतना पुश नहीं कर पाएगा वो आगे खींच के चलाएगा, चाहे ऐसे फिर वो ग्राउंड के अंदर खींचता हुआ आ रहा है कटर 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 ऐसे, वो भी आगे आ जाएगा। ठीक है, 13 देखो, तो ये पूछ रहा है कि जो पैराशूट करते हैं अपन यूज करते हैं वो एक्सेलरेशन को कम कैसे करता है। तो कैसे कम करता है कि जो पैराशूट है वो हवा का फोर्स लग रहा होता है ऐसे, ये पैराशूट है तो दो फोर्स लगते हैं, एक तो नेट एम जी लग गया नीचे की तरफ, एक ये फोर्स ऑफ एयर लग गया, फोर्स ड्यू टू एयर। तो नेट ने जो एम जी नीचे फोर्स है वो अब कम हो गया, मतलब एम जी तो उतना ही है लेकिन जो नेट फोर्स नीचे की तरफ है वो कम हो गया क्योंकि ऊपर हवा फोर्स लगा रही है उसको। ये तो पता ही ना, हवा का थ्रस्ट फोर्स लगता है, हवा का थ्रस्ट फोर्स लगेगा है ना, थ्रस्ट मतलब धक्का मार रही है। Consider a book lying on the table. The weight of the book and the normal force by the table are equal. अभी मैं बता चुका था पिछले लेक्चर में कि जो mg है वो n के बराबर है बुक के केस में, लेकिन n और mg थर्ड लॉ के एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। नॉर्मल का पेयर नॉर्मल के साथ होगा, mg का पेयर mg के साथ होगा अर्थ का। ठीक है, 15 देखते हैं। टू ब्लॉक्स ऑफ अनइक्वल मासेस आर टाइड बाय स्प्रिंग, ठीक है, द ब्लॉक्स आर पुल्ड स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग स्लाइटली and the system is released on a frictionless horizontal platform. Are the forces due to spring on two blocks equal and opposite? If yes, it is an example. अच्छा, ये क्या बोल रहा है? एक स्प्रिंग ले ली बेसिकली, स्प्रिंग में दो ब्लॉक्स लगा लिए M1 M2, इसको स्ट्रेच कर दिया तो ये लंबी हो गई थोड़ी सी, इसको स्ट्रेच कर दिया और ये इसको छोड़ दिया, छोड़ेंगे तो ये अंदर आएगा, ये अंदर आएगा, स्पेक फोर्स लग रहा होगा, टेंशन बोल देते हैं, स्पेक फोर्स लग रहा होगा, टेंशन बोल देते हैं। तो ये पूछ रहे हैं टेंशन बराबर होगी क्या, पहली बात तो हाँ बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि मुझे पता है स्प्रिंग के इस एंड पे टेंशन टी लग रहा होगा और इस एंड पे भी टेंशन टी लग रहा होगा, स्प्रिंग मासलेस होती है लगभग, तो ये टेंशन इस टेंशन के बराबर होगा, ये टेंशन इस टेंशन के बराबर होगा। बट ये साथ में पूछ रहे हैं कि क्या ये न्यूटन के थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है क्या। अब न्यूटन के थर्ड लॉ का एग्जाम्पल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है कि पहले तो ये वाला किसकी की बात कर रहे हैं, इस टेंशन और इस टेंशन की बात कर रहे हैं, क्या ये न्यूटन के थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है क्या। तो इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है। तीसरी बात क्या है, सेम टाइप के, सेम टाइप के भी है, बट फिर भी ये थर्ड लॉ का एग्जाम्पल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इसका कनेक्शन इसके साथ है, तो इसको जो फोर्स लगा रहा है वो ये लगा रहा है इस तरफ, और इसको जो फोर्स लगा रहा है ये लगा रहा है अपनी तरफ। तो इस पॉइंट पे जो एक्शन रिएक्शन पेयर है वो ये और ये है, इस पॉइंट पे जो एक्शन रिएक्शन पेयर है वो ये और ये है, ये और ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। हालांकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, कौन कौन से, इक्वल है, अपोजिट है, और डिफरेंट बॉडीज पे लग रहे हैं वो भी ठीक है, और सेम टाइप के वो भी ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है कि एक्शन रिएक्शन पेयर की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बट फिर भी ये एक्शन रिएक्शन की पेयर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इसका कनेक्शन इसके साथ है, तो इसका एक्शन रिएक्शन इसके साथ हो रहा है, इसका इसके साथ हो रहा है। तो अब 16th क्वेश्चन वापस से वो है, कार वाला क्वेश्चन कि ट्रेन एकदम से स्टार्ट हुआ, तुम खड़े हो तो एकदम से तुम पीछे ऐसे गिर जाते हो ट्रेन स्टार्ट हुआ तो अगर ट्रेन एकदम से स्टार्ट हो रहा है पीछे गिर जाते हो, तुम पीछे नहीं जाते अगेन, जो ट्रेन स्टार्ट हुआ तुम पीछे ऐसे बैंड हो जाते हो, क्योंकि ट्रेन के रेस्पेक्ट में तुम पीछे गए, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तुम अभी भी ऐसे ही हो। अब ट्रेन आगे चलेगी तो ट्रेन के हिसाब से तुम पीछे आ गए ना, जैसे मान लो तुम इस खिड़की, खिड़की है तो इस खिड़की पे यहाँ पे खड़े थे तो ट्रेन आगे हो गई, तो तुम्हारे पैर है वो तो नीचे रह गए और तुम्हारा सर है वो तो वहीं पे है ना, अभी भी पैर आगे चले गए सर इधर चला गया, एक खिड़की थी कॉन्टेक्ट में तुम्हारा पैर है, अभी खिड़की ऐसे ट्रेन की आगे चले गई मतलब ट्रेन आगे हो गई, तुम्हारा पॉइंट इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट मैं यहीं पे रखूंगा, तो ये खिड़की आगे चले गई लेकिन ये पॉइंट यहीं रह गया, तो तुम टेढ़े हुए ना ट्रेन के हिसाब से,
तो बाहर वाले पर्सन के हिसाब से तुम आगे ही गए हो, ऐसे तुम्हारा सर तो वहीं रह गया, पैर आगे चले गए, लेकिन अंदर वाले के हिसाब से तुम पीछे चले गए। तो ये एक और ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है कि मोशन जो है वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 काफी लंबा है, मैं समझा देता हूँ क्या बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 बोला हुआ है कि एक तो ट्रेन कंपार्टमेंट में एक पेंडुलम लगा रखा है और एक बॉक्स है जो कि ऐसे जा रहा है वेलोसिटी वी से, कांस्टेंट वेलोसिटी है, वी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, इस पे लटका रखा है तो इस पे तो ऐसे लटके रहेगा और ये एंगल थीटा है और थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स ऑफ ए बाई जी है और ये एक्सेलरेशन ए है। तो पहले तो इसके अंदर थीटा कैलकुलेट करते हैं अपन, थीटा क्या होगा ये अपन कैलकुलेट कर चुके हैं थ्योरी के अंदर। इसको विदाउट सूडो फोर्स भी कर सकते हैं, सूडो फोर्स से भी कर सकते हैं, विदाउट सूडो फोर्स से कर लेते हैं। ये ऐसा बन जाएगा टेढ़ा थीटा एंगल अपन कैलकुलेट कर चुके थे। तो दो इक्वेशंस लिखते हैं अपन, टी है ये टी कॉस थीटा है, तो टी कॉस थीटा एम ए के बराबर होगा, ये टी साइन थीटा है ये एम जी के बराबर होगा, तो टेन थीटा कितना आएगा ए बाई जी। तो इस केस का भी जो थीटा है वो टेन इनवर्स ए बाई जी है और ये एंगल थीटा है, तो ये जो वर्टिकल ये तो इसका जो इसमें इंसान जो बैठा होगा उसको तो ये लग रहा होगा ना कि ये बॉल वर्टिकल है तो ये वर्टिकल होगा, तो ये जो एंगल बन रहा होगा थीटा, देखो ये हॉरिजॉन्टल का प्लेन के साथ, तो वर्टिकल का परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है तो वर्टिकल का परपेंडिकुलर के साथ भी एंगल क्या बन रहा होगा थीटा। तो पहले तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि भाई दोनों के एंगल क्या होंगे, तो दोनों के एंगल थीटा बराबर होंगे, टेन इनवर्स ए बाई जी के बराबर होंगे। अब पूछा है कि कैन ए पर्सन सिटिंग इनसाइड द कंपार्टमेंट टेन टेल बाय लुकिंग एट द प्लम लाइन वेदर द ट्रेन इज एक्सेलरेटिंग और ऑन ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट ट्रैक और इट इज गोइंग ऑन द इंक्लाइन। तो इसके अंदर एक बंदा बैठा हुआ है, इसको भी क्या लगेगा छत से मेरी तरफ झुका हुआ है, इसके अंदर जो बैठा हुआ है उसको भी क्या लगेगा मेरी तरफ छत पे झुका हुआ है, तो क्या कोई बता सकता है क्या कि कौन सा एक्सिलरेशन है? ये तो एक्सिलरेशन है, इसका एक्सिलरेशन 0 है, कोई बता सकता है क्या? नहीं बता सकता। कोई मेथड है बताने का? हाँ मेथड है, मेथड क्या है? इसको ऑसिलेट करवाना चालू कर दो SHM, इसको भी SHM करवाना चालू कर दो, इसका जो टाइम पीरियड आएगा वो 2π√L/g आएगा, जी इफेक्टिव होता है, इसमें जी इफेक्टिव कितना है जी के बराबर ही है और इसमें जी इफेक्टिव क्या बन जाएगा टी इज इक्वल टू 2π√L/g इफेक्टिव, इसमें जी इफेक्टिव क्या बन जाएगा अंडर रूट ऑफ जी मतलब जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा। तो दोनों का टाइम पीरियड डिफरेंट आ जाएगा अगर तुम इसको SHM करवाना चालू कर देते हो। तो ये जो टाइम पीरियड है ये अपन SHM के अंदर पढ़ लेंगे और अच्छे से कैसे निकलते हैं अपन, तो वो अपन कर लेंगे, बट ये मेथड है बताने का कि इससे तुम बता कर सकते हो कि दोनों में से कौन सा एक्सिलरेटेड है कौन सा एक्सिलरेटेड नहीं है। ये अगर समझ में नहीं आया तो इसमें मेरी गलती नहीं है, पिछले लेक्चर जाके देखो थ्योरी वाले वो अच्छे से देखो, ये समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मैं होप करता हूँ यार तुम सब लेक्चर्स पढ़ के आ रहे हो तभी आगे बढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं है बीच में चालू करने का, ठीक है। चलो फिर हम चालू करते हैं ऑब्जेक्टिव वन ऑब्जेक्टिव टू नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वी आर डूइंग नाउ ऑब्जेक्टिव वन एंड ऑब्जेक्टिव टू ऑफ लॉज ऑफ मोशन। वी हैव ऑलरेडी डन थ्री लेक्चर्स, वन फॉर थ्योरी, वन फॉर सॉल्व एग्जांपल्स, वन फॉर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। बिफोर यू आर सीइंग दिस लेक्चर आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो थ्रू दोस पर्टिकुलर लेक्चर्स, थ्योरी पढ़ लेना, जो ऑब्जेक्टिव से पहले हमने सॉल्व एग्जांपल्स करे हैं वो देख लेना और जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करे वो भी देख लेना, उससे तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमेशा वही फॉर्मूला होता है, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसके अलावा कोई फॉर्मूला होता नहीं है। तो हम देखते हैं उसको हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे कैसे अप्लाई करने वाले हैं, इस ऑब्जेक्टिव वन के अंदर देखते हैं क्या करने वाले हैं और फिर ऑब्जेक्टिव टू करेंगे। इसका लेक्चर मैं वैसे बना चुका हूँ लैपटॉप पे, तो एक और लेक्चर अवेलेबल है बट तो इसलिए एक मार्क लगे हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। देखते हैं, ए बॉडी ऑफ वेट डब्ल्यू वन इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द रूम थ्रू अ चेन ऑफ वेट डब्ल्यू टू, द सीलिंग पुल्स द चेन बाय फोर्स, एक चेन है ऐसे बनाते हैं चेन को ऐसे और एक वेट है डब्ल्यू टू, इसका वेट है डब्ल्यू वन, इसका वेट है, तो हमको पूछना है कि सीलिंग यहाँ पे टेंशन कितना होगा, मतलब सीलिंग इस चेन को किस फोर्स से पुल कर रही है ये हमको निकालना है, ठीक है ना। तो बॉडी ऑफ वेट डब्ल्यू वन सस्पेंडेड चेन ऑफ वेट डब्ल्यू टू, ये डब्ल्यू वन है ये डब्ल्यू टू है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी निकालना है तो इसके लिए यहाँ का एफडी इसको तोड़ना पड़ेगा, यहाँ का एफडी बनाना ही पड़ेगा, तो इसको यहाँ से हटा दिया, ये चेन है
और ये हो गया W1। तो यहां पे जब मैं टेंशन टी लगाऊंगा तो इसको नीचे W2 है, इसका नीचे W1 है। टोटल जो फोर्स है, इस पूरे का सिस्टम ले सकते हैं हम, इस पूरे का सिस्टम ले सकते हैं, इस टोटल वेट क्या हो गया पूरे सिस्टम का नीचे की तरफ, इसका टोटल वेट हो गया W1 प्लस W2। और क्योंकि एक्सलरेट नहीं कर रहा इसलिए इसके फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, इसलिए जो ऊपर की तरफ टेंशन होगा वो नीचे की तरफ W1 प्लस W2 के बराबर होगा। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। मैंने हॉर्स पुल से कार्ड द फोर्स दैट हेल्प्स द हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय। तो जब फोर्स कार्ड को पुल कर रहा होता है तो फोर्स नीचे अपने पैरों से ग्राउंड को पीछे पुश कर रहा होता है तब वो आगे जा पाता है। ठीक है ना, तो द कार्ट ऑन द हॉर्स, कार्ट तो हॉर्स के पीछे ही फोर्स लगा रही है। ये कार्ट है और ये हॉर्स से बंधी हुई रहती है, ये हॉर्स है, हॉर्स का मुंह है। ठीक है ना, तो कार्ट तो हॉर्स के पीछे फोर्स लगा रही है, फोर्स आगे कौन दे रहा है, हॉर्स पीछे धक्का मार रहा है ग्राउंड को, ग्राउंड इसको इस तरफ पुश कर रहा है, ग्राउंड की वजह से हॉर्स आगे जा पा रहा है। ठीक है ना, तो कार्ट गलत है, ग्राउंड ऑन द कार्ट गलत है, ग्राउंड तो कार्ट को फोर्स दे रहा है वो गलत है, हॉर्स ऑन द ग्राउंड नहीं, ग्राउंड ऑन द हॉर्स, हॉर्स ऑन द ग्राउंड पीछे फोर्स लगा रहा है, घोड़े को अगर आगे जाना है तो ग्राउंड पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, तो ग्राउंड इसको आगे तरफ फोर्स दे रहा है ऐसे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ए कार एक्सेलरेट्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड ड्यू टू द फोर्स ऑफ फोर्स एग्जर्टेड बाय। अगेन कार जो मूव करती है, या फिर हम भी मूव कर पाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, मूव कर पाते हैं अगर फ्रिक्शन नहीं होता, सपोज करो अगर फ्रिक्शन नहीं होता, या फिर एक थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन का भी कंपोनेंट होता है, हम अपने जैसे अगर मैं इस हाथ को मूव करवाऊँ इसके ऊपर, तो एक से स्लिप करता तो मूव नहीं करता, तो मैं इसको फिक्स करा, फिर मैं इसको ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो ये आगे जाता है, फिर ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो आगे जाता है, फिर ऐसे, तो मैं इसको पीछे पुश कर रहा हूँ, ये मेरे को इस तरफ पुश कर रहा है। ठीक है ना, तो ग्राउंड मैन को आगे पुश करेगा, या फिर कार को आगे पुश करेगा ऊपर की तरफ और आगे की तरफ रोड। ठीक है, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इट सस्पेंडेड थ्रू टू लाइट स्ट्रेट बैलेंस शोन द फिगर। तो दोनों के अंदर जो वेट आएगा वो 10 kg का शो करेगा, ये समझ चुका हूँ। इसमें जो टेंशन होगी वो भी 100 न्यूटन मतलब 10 kg × g होगी, इसमें जो टेंशन होगी वो भी 10 × g होगी, इसमें भी टेंशन 10 × g होगी, लाइट है ये, तो ये कहीं से भी काटोगे तो टेंशन आ रही होगी कितनी आ रही है, 100 न्यूटन की आ रही होगी। तो बोथ द स्प्रिंग बैलेंसेज विल रीड 10 न्यूटन। ये मैं समझा चुका था पिछले लेक्चर में कि जब ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला जब क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन तुमको दिख रहा होगा कि स्प्रिंग मूव कर रहा होगा तो क्या होगा, कैसे अपन देखते हैं चीजों को। ठीक है, तो दोनों के अंदर इसमें 10 न्यूटन 10 kg का रीडिंग आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा विद द हॉरिजॉन्टल द फोर्स एग्जर्टेड बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक एज अ मैग्नीट्यूड। ये स्मूथ है, स्मूथ है इसका मतलब मूव कर सकता है। तो जब मैंने बताया था तुमको कि इसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं फोर्स के, एक तो दो फोर्स होते हैं, एक तो नीचे की तरफ एम जी और एक इस तरफ नॉर्मलाइजेशन। अब इसके अलॉन्ग एम जी का कंपोनेंट क्या बन जाता है, एम जी मैंने बताया स्लोप और साइन, एस फॉर स्लोप एस फॉर साइन। तो स्लोप के अलोंग क्या बन जाता है, साइन ऑफ थीटा, और इसके अलोंग क्या बन जाता है, एम जी इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, एक्सेलरेशन ये होगा जी साइन थीटा के बराबर, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा जी साइन थीटा के बराबर, लेकिन इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा तो हम लिख देंगे एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू विल बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आ गया, एम जी कॉस थीटा के बराबर आ गया। ये तब है जब स्मूथ है, ब्लॉक मूव कर पा रहा है, अगर ब्लॉक मूव नहीं कर रहा होता तो कुछ और होता, वो हम फ्रिक्शन में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 6, एक वेज है उस पर ब्लॉक रखा हुआ है, वेज है थीटा एंगल है, इस पर ब्लॉक रखा हुआ है, होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड आगे की तरफ पूरा की पूरा सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है, सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज, ब्लॉक वेज पे ऐसे ही रखा हुआ है, द फोर्स एग्जर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक इज मैग। अब ये देखो, ये डब्बे पे डब्बा प्रॉब्लम है, लेकिन इसको मैं बिना सूडो फोर्स से भी कर सकता हूँ, सूडो फोर्स से तो कर ही सकता हूँ, बिना सूडो फोर्स से क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि अब जो ग्राउंड पे इंसान खड़ा हुआ है वो देख पा रहा है कि ब्लॉक स्ट्रेट स्ट्रेट ही जा रहा है ना, बिकॉज इसमें लिखा हुआ है ब्लॉक वेज पे मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब ये स्ट्रेट जा रहा है, इसका मतलब इस प्रॉब्लम का एक्सेलरेशन किस तरह से मुझे पता है। तो अब ग्राउंड पे खड़ा हुआ इंसान भी इसको कर सकता है, ब्लॉक पे खड़ा हुआ इंसान भी इसको कर सकता है। तो जब तक सूडो फोर्स की जरूरत नहीं होती, हम सूडो फोर्स यूज नहीं करते, अपन सिंपल यूज करेंगे, तो इसका एफबीडी बनाएंगे, एक्सेलरेशन लिख देंगे। तो इसका एफबीडी में क्या क्या आएगा देखो, इसके नीचे की तरफ एम जी आएगा, एक इस तरफ एन आएगा, एक इस तरफ एन आएगा। ठीक है, ये दो फोर्सेस होंगे। अब एन ऐसा है,
और अगर इसका कंपोनेंट लेंगे तो देखो ये है परपेंडिकुलर टू प्लेन का प्लेन के साथ, ये है प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ, ये है हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर टू प्लेन के साथ। आई एम रिपीटिंग अगेन, ये है हॉरिजॉन्टल, ये है प्लेन, ये है हॉरिजॉन्टल, ये है परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो ये कंपोनेंट 90 माइनस थीटा होता है, इसलिए बनेगा m इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, मतलब n साइन थीटा। ये बनता है n साइन थीटा, और ऊपर की तरफ जो बन जाएगा वो बन जाएगा n cos थीटा। तो इफेक्टिवली ब्लॉक पर तीन फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो नीचे की तरफ mg, एक ऊपर की तरफ n cos थीटा, और एक आगे की तरफ n sin थीटा। यहां तक बात समझ आ गई? वर्टिकल डायरेक्शन में ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, बिकॉज ब्लॉक फिक्स है। फिक्स है मतलब ब्लॉक ऊपर नीचे भी नहीं जा रहा, आगे पीछे भी नहीं जा रहा। लेकिन आगे क्यों जा रहा है? क्योंकि ये पूरा का पूरा वेज आगे मूव कर रहा है, इसलिए ब्लॉक आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। ये एक्सेलरेशन से तो वर्टिकल में अपन क्या इक्वेशन लिखेंगे? समेशन ऑफ ऑल द फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन व्हिच इज इक्वल टू 0। वर्टिकल में क्या इक्वेशन होगी? समेशन ऑफ ऑल द फोर्स, समेशन ऑफ ऑल द फोर्स मतलब n cos थीटा माइनस mg इज इक्वल टू 0, मतलब n cos थीटा इज इक्वल टू mg। हॉरिजॉन्टल में क्या इक्वेशन होगी? n sin थीटा इज इक्वल टू mx। हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन बनेगी n sin थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन व्हिच इज इक्वल टू ma। तुम दोनों को क्या निकालना है? n निकालना है अपन को, n निकालना है ना अपन को, अपन को क्या निकालना है? फोर्स एग्जर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक एज अ मैग्नीट्यूड, n निकालना है अपन को। तो इसमें सॉरी एक्सेलरेशन के हिसाब से नहीं रखा, तो a को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो इससे निकाल लो n कितना आ गया, mg अपॉन cos ऑफ थीटा। n कितना आ गया, mg अपॉन cos ऑफ थीटा। अगर a दे रखा होता तो अपन स्क्वायरिंग और एडिंग करते, तो अंडर रूट ऑफ mg स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर का वैल्यू अपने पास आता, ठीक है ना? तो दैट इज नॉट ए बिग डील, हो गया, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नेगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, सपोज द अर्थ सडनली स्टॉप्स अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट प्लेस नियर इट सर्फेस, पर्सन स्टैंडिंग ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ विल। तो क्या होगा? देखो अर्थ के ऊपर जो भी चीज है, अर्थ ऐसे घूम रही है, तो अर्थ के ऊपर जो भी चीज है वो भी घूम रही है ना, ये अर्थ है पूरी। तो अर्थ के ऊपर जो भी चीज है वो ऐसे घूम रही है सर्किल के अंदर, ठीक है ना? जैसे अर्थ ये है तो ऐसे गोल गोल घूम रही है ये, तो अर्थ के ऊपर ये चीज भी गोल गोल घूम रही है। तो अगर इसको यहां से देखोगे सर्किल के अंदर जा रही है, इसको अगर टॉप व्यू बनाओगे, अर्थ का टॉप व्यू बनाओगे, तो कोई भी चीज अर्थ के ऊपर ऐसे घूम रही है, ऐसे मान लो, ऐसे मान लो। तो जब अर्थ स्टॉप हो जाएगी और अट्रैक्ट करना बंद कर देगी, तो कोई भी बॉडी होगी उसके पास एक वेलोसिटी होगी टेंजेंशियली, तो टेंजेंशियली वो मूव कर जाएगा, फ्लाई अलोंग ए टेंजेंट टू द अर्थ सरफेस, ठीक है? टेंजेंशियली वो मूव कर जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं 8। जैसे तुमने देखा होगा, अगर तुम टेनिस की बॉल को गीला कर लोगे पानी में और उसको रोटेट करोगे, तो पानी की बूंदें टेंजेंशियली फ्लाई करती है, कुछ इधर जाती है, कुछ इधर जाती है, कुछ इधर जाती है। तो ये मान लो कि पानी की बूंदे वो इंसान है और ये बॉल अर्थ है, पानी की बूंदे इंसान है और जो बॉल है वो क्या है, अर्थ है। अब पानी की बूंद का अट्रैक्शन खत्म हो गया, मतलब अर्थ ने उस इंसान को अट्रैक्ट करना खत्म कर दिया, तो टेंजेंट के अलॉन्ग, जैसे ऐसे घूम रहा था तो ऐसे सामने, ऐसे घूम रहा था तो ऐसे, ऐसे घूम रहा था तो ऐसे निकल जाएगा, टेंजेंट के अलॉन्ग वो निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। थ्री रिजिड रॉड्स आर जॉइंट टू फॉर्म इक्विलेटरल ट्राइंगल, थ्री रिजिड रॉड्स आर जॉइंट टू फॉर्म इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 1 मीटर, 1 मीटर। थ्री पार्टिकल कैरिंग चार्जेस 20 माइक्रो कूलम आर अटैच टू द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल, द होल सिस्टम इज एट द रेस्ट इन एन इनिशियल फ्रेम, ठीक है? यहाँ पे चार्ज लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, और पूरा की पूरा सिस्टम रेस्ट पे है किसी वजह से। तो द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल एट ए हैज द मैग्नीट्यूड, अब पूरी सारी चीजें रेस्ट पे अगर है तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा किसी भी पार्टिकल पे वो कितना होगा, 0। ये रॉड पे बंधा हुआ है, मतलब एक रॉड है और चार्ज पार्टिकल बंधे हुए, ये रॉड्स हैं। तो इस चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स कौन कौन से होंगे? एक तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर से होगा, इधर से एक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर से होगा, लेकिन जो रॉड होगी वो पुल कर रही होगी, और ये रॉड भी पुल कर रही होगी। रॉड पुल भी कर सकती है, पुश भी कर सकती है, रॉड पुल भी कर सकती है, पुश भी कर सकती है। रॉड से पकड़ के तुम किसी चीज को खींच भी सकते हो, किसी चीज को धक्का भी कर सकते हो, लेकिन रस्सी से तुम किसी चीज को खींच सकते हो केवल, धक्का नहीं मार सकते। स्ट्रिंग हमेशा पुल करेगी, पुश नहीं कर सकती। रॉड पुल भी कर सकती है, पुश भी कर सकती है। तो ये सब मिला के चारों फोर्सेस, पुलिंग फोर्स ये और ये मिला के 0 हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है ना? बट इतना भी करने की जरूरत नहीं, सिंपल पूछा है कि सब चीज रेस्ट पे है ना, रेस्ट पे इसका मतलब क्या होगा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, तो मतलब रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, 0 के बराबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 9th क्वेश्चन।
ए फोर्स एफ वन एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल सो एज टू एक्सेलरेट इट फ्रॉम रेस्ट टू ए वेलोसिटी वी. द फोर्स एफ वन इज देन रिप्लेस बाय एफ टू विच डी एक्सेलरेट इट टू रेस्ट. ठीक है, एक फोर्स ने एक्सेलरेट करा वी वेलोसिटी दी, एक फोर्स ने डी एक्सेलरेट करा. तो क्या पूछा है कि इक्वल होने चाहिए कि अनइक्वल भी हो सकते हैं. तो अनइक्वल भी हो सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि फोर्स से हमको एक्सेलरेशन मिलता है और एक्सेलरेशन अनइक्वल हो सकते हैं. किसी पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से मैंने वी स्पीड तक लेके आया और फिर कुछ और डी एक्सेलरेशन दे दिया, तो क्या आंसर होगा? मे बी इक्वल टू एफ टू, मे बी इक्वल टू एफ टू, मे बी इक्वल हो सकता है, मे बी इक्वल नहीं हो सकता. क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. टू ऑब्जेक्ट्स आर थ्रोन अपवर्ड साइमल्टेनियसली विद सेम स्पीड. द मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन द मास ऑफ बी. सपोज दैट द एयर एग्जर्ट्स अ कांस्टेंट एंड इक्वल फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस. तो कौन सा ज्यादा ऊपर जाएगा वो हमको निकालना है. ठीक है, तो ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट दोनों की इनिशियल स्पीड यू और यू है. अब अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तो दोनों के लिए इनिशियल स्पीड क्या थी? यू. फाइनल स्पीड क्या थी? जीरो. और एक्सेलरेशन क्या था? माइनस ऑफ जी. तीन चीजें पता थी, दोनों की हाइट भी बराबर होती होती बराबर हम प्रोजेक्टाइल मोशन में कर चुके हैं चैप्टर काइनेमेटिक्स वाले में, कि दोनों ऑब्जेक्ट्स अगर सेम स्पीड से फेंकेंगे तो सेम स्पीड सेम टाइम लगेगा ऊपर जाने में और सेम हाइट पे रीच करेंगे. इसमें क्या बोला है? द मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी. तो ए को बड़ा माना बना लो, थोड़ा सा ए को बड़ा बना लो. ठीक है, सपोज द एयर एग्जर्ट्स अ कांस्टेंट एंड इक्वल फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टू बॉडीज. अब इसके ऊपर ब्लॉक ए के ऊपर कौन कौन से फोर्स है? देखो ब्लॉक ए के ऊपर एक तो नीचे की तरफ एम जी है, कैपिटल एम इंटू जी, और एक फोर्स नीचे की तरफ एयर रेजिस्टेंस आर लिख लो इसको. ब्लॉक बी के ऊपर कौन कौन से फोर्स है? एक तो छोटा एम इंटू जी है और एक कैपिटल आर है, तो दोनों ऐड होंगे बिकॉज दोनों नीचे की तरफ है. अगर तुम एक्सेलरेशन निकालोगे तो इसमें अपॉन एम करना पड़ेगा, इसमें निकालोगे इसमें स्मॉल एम करना पड़ेगा. तो ये क्या बन गया? जी प्लस आर बाय एम, और ये क्या बन गया? जी प्लस आर बाय स्मॉल एम. अब जी तो बराबर है दोनों के अंदर, जी तो बराबर है दोनों के अंदर, लेकिन आर बाय एम, आर बाय एम कौन सा वाला बड़ा है? कैपिटल एम बड़ा है, मतलब ये पूरी चीज छोटी हो गई, ये पूरी चीज लेस हो गई और ये पूरी चीज मोर हो गई, ये पूरी चीज लेस हो गई और ये पूरी चीज मोर हो गई. तो रेजिस्टेंस बराबर है, आर और आर बराबर है, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ा? एक्सेलरेशन डिफरेंट हो गए. इसका जो एक्सेलरेशन है वो कम है, इसका जो एक्सेलरेशन है वो ज्यादा है. इसका एक्सेलरेशन कम है, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है. अब तुम्हारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए होता है. बी तो जीरो है, यू बराबर है. जिसका एक्सेलरेशन कम आएगा उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा आएगा, जिसका एक्सेलरेशन कम होगा उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा. तो एक्सेलरेशन इसका कम है तो इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, मतलब ये ज्यादा हाइट रीच करेगा. तो हायर ब्लॉक, भारी ब्लॉक ए विल गो हायर देन बी. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसमें. बहुत ज्यादा कुछ लिखा हुआ है, देखते हैं. ए स्मूथ वेज ए इज फिटेड इन ए चैम्बर हैंगिंग फ्रॉम ए फिक्स्ड स्ट्रिंग. ए ब्लॉक बी प्लेस एट द टॉप ऑफ द वेज टेक्स अ टाइम टी टू स्लाइड डाउन द लेंथ ऑफ द वेज. If the block of place at top of the wedge in the cable supporting the chamber is broken at the same time, the block will. तो इसमें दे रखा है एक लंबा थोड़ा कुछ क्वेश्चन दे रखा है. बेसिकली ये दे रखा है कि अगर एक वेज लिया अपन ने और इसको इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया और इस पूरी चीज को छोड़ दिया फ्री फॉल में, तो ये नीचे स्लाइड कितने टाइम में करेगा? तो मैंने बताया था ये नीचे स्लाइड ही नहीं करेगा, क्योंकि ये भी एक्सेलरेशन जी से नीचे आ रहा है, ये भी एक्सेलरेशन जी से नीचे आ रहा है, दोनों का सेम एक्सेलरेशन है. इस तरफ क्यों मूव करेगा ये? जब ग्राउंड पे होगा तब इस तरफ मूव करता है. क्यों मूव करता है? क्योंकि ये तो फिक्स है, लेकिन इसका नीचे आने का चाहत है, तो जहां से रास्ता मिलता है वो नीचे आता है. पानी है, पानी को अगर इसके ऊपर छोड़ोगे तो पानी ऐसे आएगा ना, टेढ़ा आएगा, लेकिन पानी को और इसको साथ साथ नीचे छोड़ोगे तो दोनों ऐसे आ रहे होंगे नीचे. पानी ऐसे क्यों स्लाइड करेगा फालतू में? तो इसको तो रास्ता नहीं मिल पाता, इसलिए स्लाइड करता है ग्राउंड पे. लेकिन जब वर्टिकल गिर रहा है साथ साथ गिरेंगे तो नीचे नहीं आएगा ये, रिमेन एट द टॉप ऑफ द वेज का आंसर हो जाएगा. 11 वाले का आंसर रिमेन एट द टॉप ऑफ द वेज हो जाएगा. ठीक है, आगे देखते हैं 12 क्वेश्चन. ठीक है, इन इमेजिनरी एटमोसफियर एयर एग्जर्ट्स ए स्मॉल फोर्स एफ ऑन एनी पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल मोशन. मतलब पार्टिकल का जो मोशन है उसके अलोंग ही एयर जो है वो फोर्स लगा रही है. ठीक है, a particle of mass m projected upward takes a time t1 in reaching a maximum height and t2 in return journey. then so ab isme ye bola gaya hai ki upar gaya
और ऊपर से नीचे आया, तो क्या दे रखा है? इन द डायरेक्शन ऑफ, एक फोर्स तो इस तरफ फोर्स एफ लग रहा है, इस तरफ भी फोर्स, इस तरफ नीचे की तरफ फोर्स एफ लग रहा है और नीचे की तरफ एम जी लग रहा है, इसमें ऊपर की तरफ एफ लग रहा है, नीचे की तरफ एम जी लग रहा है, ठीक है। तो इसका अगर एक्सेलरेशन निकालोगे और इसका अगर एक्सेलरेशन निकालोगे, डी एक्सेलरेशन बोल दो इसको, ए टू बोल दो इसको, ए वन बोल दो, तो इसमें दोनों फोर्स सेम जगह है, इसमें दोनों फोर्स अपोजिट है, तो ए टू जो होगा वो बड़ा होगा ए वन से। जब पार्टिकल नीचे आ रहा है तब उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो जो उसके एक्सेलरेशन की वैल्यू है जी की, वो इफेक्टिवली थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि एम जी नीचे लग रहा है लेकिन फोर्स ऊपर लग रहा है, इस केस में फोर्स भी नीचे लग रहा है, एम जी भी नीचे लग रहा है, एयर जो है वो डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल के मोशन में फोर्स लगा रही है, एक इमेजिनरी एटमोसफियर है। अब दोनों ही केस में एक जगह की वेलोसिटी तो जीरो है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, तो अगर एक जगह की वेलोसिटी जीरो है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उसको कम टाइम लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि अपन क्या यहां से यहां तक की जगह इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, इक्वेशन को, इस इक्वेशन को अपन उल्टा करके भी लिख सकते हैं, तो जीरो से लेके वो ऐसे जब आएगा, समझ लो जा तो वो ऊपर रहा है, लेकिन अपन मोशन को उल्टा करके भी लिख सकते हैं, इक्वेशन सेम रहेगी। तो इस केस में एक्सेलरेशन कम है, इससे ज्यादा है, इसमें अगर एक्सेलरेशन ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, आप सोचो सेम डिस्प्लेसमेंट एक तो ज्यादा एक्सेलरेशन से हो रहा है और सेम डिस्प्लेसमेंट कम एक्सेलरेशन से हो रहा है, तो टाइम किसमें ज्यादा लगेगा? सेम एक्सेलरेशन एक तो ज्यादा, सेम डिस्प्लेसमेंट एक तो ज्यादा एक्सेलरेशन से हो रहा है, तो इसमें जो टाइम t2 लगेगा वो कम लगेगा और t1 जो लगेगा वो ज्यादा लगेगा, तो t1 इज मोर देन t2। नेक्स्ट देखते हैं, थर्टीन 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 हो गया, थर्टीन नहीं हुआ। ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ एलिवेटर ड्रॉप्स ए कॉइन, द कॉइन रिचेज द फ्लोर इन टाइम t1 इफ द एलिवेटर इज स्टेशनरी, तो t1 टाइम लेता है अगर स्टेशनरी है तो, एंड इन टाइम टू इफ इट इज मूविंग यूनिफॉर्मली, अगर देखो यूनिफॉर्मली मूव करेगा तो नेट ग्रेविटेशन जो होगा वो तब भी जी के बराबर होगा, बिकॉज मैंने बताया था कि जब ऊपर जा रहा हो तो जी प्लस ए कर देंगे, नीचे आ रहा हो तो जी माइनस ए कर देंगे, लेकिन ए तो जीरो है, ए कितना है? जीरो है। क्यों जीरो है? बिकॉज एक्सेलरेशन जीरो है, बिकॉज यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, तो अब भी वो उतना ही टाइम लेगा, टी वन विल बी इक्वल टू टी टू, अब भी वो उतना ही टाइम लेगा। तो ये अगर कुछ बच्चों होंगे जिनको हो सकता है समझ में नहीं आ रहा, तो मैं वापस से बोल रहा हूँ कि पिछले लेक्चर देखो, किसी भी चैप्टर को हमेशा शुरू से पढ़ो, पहले थ्योरी पढ़ो उसकी, क्योंकि मैं थ्योरी के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ, फिर मैं जब सॉल्व एग्जाम्पल बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, फिर तो मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ तुमको, है ना। तो अभी तुम सुन रहे हो ये सब क्या बोल रहा हूँ, तुमको अजीब लग रहा होगा, अगर तुमने पिछले लेक्चर देखे, पिछले लेक्चर देखें तो फिर सब सही लग रहा होगा तुमको, ठीक है। फोर्टीन देखते हैं, ए फ्री यूरेनियम न्यूक्लियस कैप्ट इन ए ट्रेन एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल, व्हेन द ट्रेन इज स्टेशनरी एंड न्यूक्लियर डिकेज एंड ए पैसेंजर मेजर्स द सेपरेशन बिटवीन द अल्फा पार्टिकल टू कॉल इट न्यूक्लियर फ्लक्स, अगर डिकेज एक्सप्रेस एंड ट्रेन टू द यूनिफॉर्म लव टू बी द डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल टू कॉल इट न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूगल, ये भी एक्स ही होगा, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें भी एक्स ही होगा, ठीक है ठीक है। ये इसको डिके से घबराओ मत, ये बोल रहे हैं कि एक एक यूरेनियम का न्यूक्लियस है, एक पर्सन बैठा हुआ है ट्रेन के अंदर, दो केस ले रहे हैं, एक तो ट्रेन की स्पीड जीरो है, ये डिके होगा तो एक अल्फा पार्टिकल को एमिट करा, अल्फा पार्टिकल आगे जा रहा है, ये पीछे आ रहा है, तो कुछ टाइम बाद ये यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, इसके बीच का डिस्टेंस है वो एक्स, इसने मेजर करा, ठीक है। दूसरे टाइम में ट्रेन वी की स्पीड से आगे जा रही है, तो ये वाली चीज भी वी की स्पीड से आगे जा रही थी पूरी की पूरी चीज, तो इसकी मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी वी वन है, इसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ वी टू है। अब क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी थी, इसकी अल्फा पार्टिकल की, तो जब डिके करेगा तो जो अल्फा पार्टिकल निकलेगा उसकी जो आगे की स्पीड होगी वो वी वन होगी प्लस वी होगी आगे की तरफ, और इसकी स्पीड क्या होगी, पीछे की तरफ वी टू माइनस वी। पहले ये रेस्ट पे था तो ये वी वन से आगे चला गया, वी टू से पीछे चला गया, अब ये पूरी चीज आगे वी स्पीड से जा रही थी तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, आगे की तरफ वी वन प्लस वी, ब्लास्ट के बाद टूटने के बाद इसकी स्पीड वी वन है, लेकिन अगर ये पूरी की पूरी चीज आगे वी तो बाहर से देखोगे, बाहर से देखा है कि अंदर से देखा है, इनफैक्ट इधर डिके इन द डिस्टेंस बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एट टाइम इज मेजर्ड बाय द पैसेंजर इज व्हेन द ट्रेन इज स्टेशनरी न्यूक्लियर डिकेज पैसेंजर मेक्स द सेपरेशन बिटवीन द अल्फा पार्टिकल पैसेंजर
पैसेंजर है ना, तो पैसेंजर तो अंदर ही है, तो पैसेंजर के रिलेटिव तो इसकी, ठीक है, तो इतना भी नहीं करना। पैसेंजर के रिलेटिव तीनों ही नीचे मूव कर रहे थे ना, इनिशियली समझ रहे हो, तो तीनों ही इनिशियली टूटने से पहले ये वीसे मूव कर रहा था, तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी जो स्पीड है जीरो ही है ना, पूरी ट्रेन वीसे आगे जा रही है, ये मैंने इनिशियल बनाया हुआ है इन दोनों का मिक्सचर। तो इनिशियली जब पैसेंजर भी वीसे मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, तो पैसेंजर के रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी है, जीरो है ना, पैसेंजर के रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड जीरो है, तो फाइनली पैसेंजर की सेम इक्वेशन रहेंगी V1 और V2। ठीक है, मैं बस इतना बोलना चाह रहा था, अगर बाहर भी कोई पैसेंजर होता तो उसको भी सेपरेशन एक्स दिखता, क्यों, क्योंकि बाहर जो पैसेंजर होता उसके हिसाब से इसकी स्पीड बन जाती V1+V, और इसकी बन जाती पीछे की तरफ V2 और इस तरफ V, तो भी इसकी रिलेटिव आगे की तरफ तो जीरो हो गई, मतलब V वाली कैंसिल हो गई, आगे की तरफ V1 बची, पीछे की तरफ V2 बची, ठीक है रिलेटिव। ठीक है, तो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं, तो इसके अंदर पता नहीं न्यूटन लॉ का क्वेश्चन क्यों दे रखा है, सिंपल रिलेटिव वेलोसिटी का ही प्रॉब्लम है। ऑब्जेक्टिव नंबर टू करते हैं अपन। ऑब्जेक्टिव नंबर टू, ए रेफरेंस फ्रेम अटैच टू द अर्थ, इनर्शियल नहीं होता लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं इनर्शियल, तो कैन नॉट बी इनर्शियल फ्रेम, फर्स्ट का आंसर बी सही है क्योंकि अर्थ खुद ही रिवॉल्व कर रही है तो इनर्शियल तो हो नहीं सकता। फिर कैन नॉट बी इनर्शियल बिकॉज अर्थ रोटेट कर रही है इसलिए भी इनर्शियल नहीं हो सकता, तो अर्थ का पार्टिकल के ऊपर दो एक्सेलरेशन है, एक तो अर्थ खुद हवा में मूव कर रही है ऐसे, तो अर्थ घूम रही है गोल गोल तो एक्सेलरेट कर रही है, तो अर्थ से सारी बॉडीज एक्सेलरेट कर रही है, एक तो इसलिए इनर्शियल नहीं है, अर्थ पूरी की पूरी स्पेस में घूम रही है तो अर्थ के ऊपर सारी बॉडीज घूम रही है, तो अर्थ के ऊपर जो फ्रेम लेंगे वो भी घूम रहा है, तो वो एक्सेलरेट कर रहा है, कोई भी चीज हवा, कोई भी चीज सर्किल में जाती है वो एक्सेलरेट करती है, ये बात मैं समझा चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में, तो इसलिए। दूसरा, अर्थ खुद रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे, तो खुद अगर रोटेट कर रही है तो सारे के सारे फ्रेम भी रोटेट कर रहे हैं, तो वो एक और सर्किल में जा रहे हैं, मतलब दो सर्किल में जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो डबल सर्कुलर मोशन है, कभी भी सर्कुलर मोशन में पार्टिकल होता है तो एक्सेलरेट कर रहा होता है, और कोई भी फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा होता है तो इनिशियल फ्रेम नहीं होता, अपन को पता है ये, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, डी हो जाएगा। सेकंड, ए पार्टिकल, बी ऑप्शन क्या है, बी सी ऑप्शन क्या है, इनिशियल फ्रेम है बिकॉज न्यूटन के लॉ एप्लीकेबल है, नहीं एक्चुअली वो अप्रोक्सीमेशन है, हम उसमें फोर्सेस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, सन के उन सारे फोर्सेस को नेग्लेक्ट कर देते हैं हम उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर टू, ए पार्टिकल स्टेज एट रेस्ट एट सी इन फ्रेम, वी कैन कंक्लूड दैट द फ्रेम इज इनर्शियल, नहीं, पार्टिकल रेस्ट पे तब भी रह सकता है जब फ्रेम नॉन इनर्शियल हो लेकिन पार्टिकल पे फोर्सेस बैलेंस हो रहे हो सूडो को मिला के, ठीक है, जैसे एक ये था, जैसे एक एलिवेटर मान लो ए से ऊपर जा रहा है, एक ब्लॉक लटका हुआ है, रेस्ट पे तो ही है कि नहीं, अंदर कोई पर्सन खड़ा होगा उसको रेस्ट पे लगेगा ना ये, तो इसमें सूडो फोर्स अगर सब मिला के फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं इसलिए रेस्ट पे, तो जरूरी नहीं फ्रेम का इनर्शियल होगा तो ये रेस्ट पे रहेगा, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो, अब अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा पार्टिकल पे लेकिन तुम्हारा फ्रेम कुछ और है, जैसे अपन ने बात की थी कर्व पाथ पे जा रहा है पार्टिकल, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के अंदर, तो हो सकता है पार्टिकल रेस्ट पे हो सकता है पार्टिकल पे फोर्सेस जीरो हो, बट हो सकता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपना कुछ और हो, जैसे जैसे मान लो यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है तो इस पे फोर्सेस जीरो है लेकिन इसके हिसाब से ये रेस्ट पे थोड़ी है, इसके हिसाब से तो इनका डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है ना, ये नॉन लीनियर फ्रेम है तो इसके हिसाब से क्या लग रहा है, इसको ही मूव कर रहा है, ठीक है ना, द फ्रेम में भी इनर्शियल बट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो, हाँ इनर्शियल फ्रेम हो और जीरो फोर्स हो तब ठीक है, तब वो रेस्ट पे रहेगा, द फ्रेम में भी नॉन इनर्शियल बट देर इज ए नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स, हाँ और नॉन जीरो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा तो नेट फोर्स जो होना चाहिए कुछ ना कुछ होना चाहिए जिससे अपन सूडो को कैंसिल आउट कर सके, मतलब जैसे इसमें बात की अपन ने नॉन इनर्शियल फ्रेम, यहां से मैं देख रहा हूं तो इसका टेंशन mg, टेंशन mg के बराबर नहीं होना चाहिए, ये ऊपर मूव कर रहा है एक्सेलरेशन, जैसे अपन को पता है टेंशन कितना होता है mg+ma होता है, ठीक है ना, तो टेंशन mg के बराबर होता तो ग्राउंड पे स्टेशनरी रहता, तो इनर्शियल फ्रेम में टेंशन और एमजी बराबर होते तो स्टेशनरी था, तो ये सी ऑप्शन हो गया था, फ्रेम में भी इनर्शियल बट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो, अब यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है पार्टिकल पे, कुछ बच्चे बोलते हैं रेस्ट पे थोड़ी है पार्टिकल, अंदर के फ्रेम से रेस्ट पे, बाहर के फ्रेम से ऊपर जा रहा है ना पार्टिकल ए से,
टेंशन तो वैल्यू एम जी प्लस एम ए है, इस पे फोर्सेस कौन कौन से, एम जी नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ, तो टेंशन ज्यादा है ना, इस पे नेट फोर्स ऊपर की तरफ है। तो ये बोल रहा था फ्रेम में भी नॉन इनर्शियल, अब फ्रेम नॉन इनर्शियल है बट देर इज नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा वो कुछ ना कुछ आना चाहिए, जिससे अपन आप सूत्र लगा के, अब इस पे सूत्र लगाएंगे एम ए और अब बैलेंस कर देंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, ए पार्टिकल इज फाउंड। तो मैं वापस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो देख लो, जिससे आपको सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। शुरू से देखना, थ्योरी देखना, फिर एग्जाम्पल देखना, देखो तो पूरे देखो, चाहे से कुछ कम चैप्टर्स करो लेकिन पूरे देखो, आधे आधे देखने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। फिजिक्स और सब्जेक्ट की तरह नहीं होती कि कहीं से भी चालू कर दिया, शुरू से चालू करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, ए पार्टिकल इज फाउंड टू बी एड्रेस्ड व्हेन सीन फ्रॉम ए फ्रेम एस वन एंड मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी व्हेन सीन फ्रॉम अनदर फ्रेम एस टू। मार्क आउट द पॉसिबल ऑप्शन, बोथ द फ्रेम आर इनर्शियल, बोथ द फ्रेम। तो एक पार्टिकल है, एस वन की बात कर लेते हैं पहले अपन, तो एक पार्टिकल है जो कि एस वन के, ए पार्टिकल इज फाउंड टू बी एड्रेस्ड व्हेन सीन फ्रॉम ए फ्रेम एस वन एंड मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी व्हेन सीन फ्रॉम अनदर फ्रेम एस टू। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, तो जैसे अपन ने काइनेमेटिक्स का लास्ट ऑब्जेक्टिव टू किया था ना, वैसे ही अपन इसको करने वाले हैं। तो ए पार्टिकल इज फाउंड टू बी एड्रेस्ड, तो अपन बोल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू एस वन इज इक्वल टू जीरो, और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एस टू इज इक्वल टू वी, ये है पहली बात। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्सीलरेशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू एस डैश। अगर ये जीरो आता है तो दोनों फ्रेम इनर्शियल हो सकते हैं, दोनों फ्रेम नॉन इनर्शियल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक इनर्शियल है दूसरा नॉन इनर्शियल है, समझ रहे हो। तो वेलोसिटी एक की जीरो है, कितना कॉन्स्टेंट है, तो एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एस वन क्या हो गया, जीरो। इसमें भी वेलोसिटी फिक्स है, देखो वेलोसिटी जीरो है तो वो भी एक फिक्स वैल्यू है वेलोसिटी की, इसमें भी वेलोसिटी की फिक्स वैल्यू है, तो एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एस टू क्या आ गया, ये भी जीरो आ गया। इसका मतलब अगर हम दोनों को माइनस करेंगे तो एक्सीलरेशन ऑफ एस टू विद रिस्पेक्ट टू एस वन ये कितना हो जाएगा, हमारे पास जीरो हो जाएगा। मतलब यहाँ तो दोनों की दोनों फ्रेम का एक्सीलरेशन जीरो है, यस यस डैश है, यहाँ दोनों को दोनों फ्रेम, अगर ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है तो ये भी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, ये एस या फिर ये एस। ऐसा नहीं हो सकता एक का एक्सीलरेशन जीरो है दूसरा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, यहाँ तो दोनों का एक्सीलरेशन जीरो है तो दोनों इनर्शियल हो गए, या दोनों सेम एक्सीलरेशन से मूव कर रहे हैं दोनों नॉन इनर्शियल फ्रेम है, सेम टाइप से नॉन इनर्शियल फ्रेम है। वापस बता देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एस वन जीरो है, वेलोसिटी फिक्स ही है ना लेकिन, तो एक्सीलरेशन भी जीरो हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वापस से एक्सीलरेशन जीरो हो गया, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो एक्सीलरेशन ऑफ एस टू विद रिस्पेक्ट टू एस वन क्या जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। फोर देखते हैं, फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, फिगर फिगर दिखाना है, फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो इन द रीजन। तो डिस्प्लेसमेंट का फिगर बना रखा है अगर, तो पहले ही अपन काइनेमेटिक्स में कर चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम एक्स और टी, एक्स और टी का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है और उसका भी स्लोप एक्सीलरेशन देगा, मतलब तुमको स्लोप तो जीरो चाहिए, तुमको स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए, स्लोप क्या है वेलोसिटी। अब इसका जो डिफरेंशिएशन है वो अपन को क्या देता है एक्सीलरेशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या देगा स्लोप का एक्सीलरेशन। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो है मतलब एक्सीलरेशन जीरो है, एक्सीलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए। तो एक्स और टी ग्राफ का जहां पे कांस्टेंट स्लोप आएगा वो रीजन होगा जहां पे हमको एक्सीलरेशन जीरो होगा, एक्स और टी ग्राफ का जहां पे स्लोप, स्लोप मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा वहां पे एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा। तो स्लोप कॉन्स्टेंट मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसे अपन देखे थे कौन से दो दो तीन लोकेशन हैं वो अपन देख लेते हैं। हाँ, तो ए से लेके बी आंसर है और सी से लेके डी भी अपना आंसर है ना। तो ग्राफ में एक एक चीज अच्छे से याद करा करो, कंफ्यूजन होता ही है सबको, फटाफट से नींदों में कोई नहीं बता सकता ग्राफ क्या है, तुम लोग रटा मत करो, तुम लोग एक ही चीज को अच्छे से समझा करो कि एक्स और टी का जो स्लोप है वो वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन जीरो, तो स्लोप को कांस्टेंट करना पड़ेगा, स्लोप कांस्टेंट मतलब ऐसे ऐसे, ये ए बी और पी डी दो पॉइंट्स अपने पास होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ,
कितने क्वेश्चन है इसके अंदर, 8 क्वेश्चन है। फिफ्थ देखते हैं। सपोज द हैवी ब्लॉक कैप्ड ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस एंड बीइंग पुल्ड बाय टू रोप्स ऑफ इक्वल मास, किस रोप का मास है हमें, इसका मास है हमें, एट टी इक्वल टू जीरो द फोर्स ऑन द लेफ्ट रोप इज विदड्रॉन बट द फोर्स ऑन द राइट एंड कंटिन्यूज टू एक्ट, लेट एफ वन एफ टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस बाय द राइट रोप एंड द लेफ्ट रोप ऑन द ब्लॉक। ठीक है, देखो शुरू में फालतू में कुछ फोर्सेस लगा रखे हैं, वो क्यों है वो पता नहीं अपन को। यहाँ पे फोर्स दे रखा था एफ और बोला है एफ वन विद द मैग्नीट्यूड बाय द राइट रोप एंड एफ वन, यहाँ के बीच में एफ वन फोर्स लग रहा है, यहाँ के बीच में एफ टू फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो टी इज लेस देन जीरो, टी इज मोर देन जीरो के लिए कर रहा है। टी इज लेस देन जीरो के लिए क्या होगा, एफ वन एफ टू बराबर होंगे और एफ के बराबर होंगे, ये अपन कर चुके हैं जो अपन ने शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन किया था। टी इज लेस देन जीरो के लिए एक्सीलरेशन जीरो है पूरे सिस्टम का, टी इज लेस देन जीरो के लिए, टी इज लेस देन जीरो के लिए ये फिगर है, फिगर का एक्सीलरेशन जीरो है। एक्सीलरेशन अगर जीरो है, दोनों को दोनों साइड से सेम से पुल कर रहे हैं, तो कहीं से भी काटूंगा मैं तो उस तरफ उतना ही पुलिंग फोर्स आना चाहिए। अगर मैं यहां से काटूंगा ये एफ है बट इसका एक्सीलरेशन जीरो है, इस तरफ एफ लग रहा है बट एक्सीलरेशन क्या है जीरो है, तो इस तरफ भी फोर्स कितना आना चाहिए, एफ आना चाहिए, तो हर पॉइंट का फोर्स एफ आना चाहिए। तो टी इज लेस देन जीरो के लिए एफ वन इज इक्वल टू एफ टू इज इक्वल टू है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड गलत है। और टी इज मोर देन जीरो के लिए कोई ऑप्शन सही नहीं है, टी इज मोर देन जीरो के लिए क्या बन जाएगा, टी इज मोर देन जीरो के लिए हटा दिया तो इसका पूरे का एक्सीलरेशन ए आ जाएगा, छोटा एम कैपिटल एम छोटा एम, तो तुम लिख लो एफ इज इक्वल टू छोटा एम प्लस एम इन टू ए, तो ए कितना आ गया एफ अपॉन टू एम प्लस एम। अब अगर तुम एफ टू निकालोगे तो एफ टू कैसे निकालोगे, ये मास एम है इससे एफ टू लग रहा है, तो एफ टू शुड बी इक्वल टू एम इंटू ए, कितना आ जाएगा एम इंटू एफ अपॉन टू एम प्लस एम, ऐसे तुम इसको एफ वन निकाल सकते हो। एफ वन कैसे निकालोगे, ये है ये है ये एफ वन लग रहा है, तो एफ वन इज इक्वल टू एम प्लस कैपिटल एम, इसका मास कितना है छोटा एम, इसका मास कितना है कैपिटल एम, तो स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए को ये लिख दोगे, तो तुम देखोगे कि जो एफ वन का वैल्यू है ज्यादा आएगा, बिकॉज एफ वन क्या है एम प्लस एम इंटू ए, F2 क्या है स्मॉल एम इनटू ए, तो F1 का वैल्यू ज्यादा आएगा, तो F1 इज मोर देन F2 आएगा पहली बात, तो दूसरी बात है बराबर नहीं आएगा F के, तो ये इक्वेशन भी गलत है, केवल इसका आंसर A आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 6 तो हो गया, 6 नहीं हुआ, कौन सा क्वेश्चन पे अपन 6 पे, 6 हो गया 6 था। द फोर्स एग्जर्टेड बाय द फोर्स ऑफ एलिवेटर ऑन द फुट ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग देयर इज मोर देन द वेट ऑफ द पर्सन इन द एलिवेटर इज, मैंने बोला ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करना चाहिए तब अपना फोर्स जो होता है ज्यादा होता है, इफेक्टिव ग्रेविटी जी प्लस ए बन जाता है जब एक्सेलरेट ऊपर की तरफ, तो एक्सेलरेट ऊपर की तरफ कैसे कैसे कर सकता है कि या तो ऊपर ही जा रहा हो और स्पीड इंक्रीज कर रही हो, या फिर नीचे आ रहा हो और स्पीड डिक्रीज कर रही हो। भाई नीचे अगर आ रहा है और स्पीड डिक्रीज कर रही है इसका मतलब फोर्स ऊपर की तरफ है ना, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, ऊपर जा रहा है स्पीड इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, और नीचे आते वक्त अगर स्पीड डिक्रीज कर रही है नीचे की तरफ तो भी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। ठीक है, इसके आंसर क्या हो जाएंगे, बी और सी, गोइंग अप एंड स्पीडिंग अप, गोइंग डाउन एंड स्लोइंग डाउन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इफ द टेंशन इन द केबल सपोर्टिंग एन एलिवेटर इज इक्वल टू द वेट ऑफ द एलिवेटर, तो टेंशन अगर एलिवेटर के वेट के बराबर है, एमजी के बराबर है, ना तो जी प्लस ए आ रहा ना जी माइनस ए आ रहा, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, सिंपल सी बात है। तो एक्सेलरेशन जीरो के दो केस होते हैं, या तो एलिवेटर एच पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो पहला क्या है, पहला गलत होगा, दूसरा गलत होगा, सी और डी ऑप्शन हो सकते हैं, ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है बट स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए, सी और डी ऑप्शन है। ठीक है, 8 देखते हैं वापस से, फ्रेम की बात है, ए पार्टिकल इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू फ्रेम्स एस वन एंड एस टू, द फ्रेम एस टू मूव्स विद रेस्पेक्ट टू एस वन विद एन एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ऑफ एस टू विद रेस्पेक्ट टू एस वन को अपन ए बोल देते हैं। आगे क्या है, विद एन एक्सेलरेशन है, लेट एफ वन एंड एफ टू बी द सूडो फोर्सेस ऑन द पार्टिकल व्हेन सीन फ्रॉम एस वन एंड एस टू रेस्पेक्टिवली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉसिबल, तो सूडो फोर्स कब लगाएंगे, जब नॉन इनर्शियल फ्रेम होंगे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इसमें तो कुछ बोला ही नहीं है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन सा है, इनर्शियल फ्रेम कौन सा है, तो कौन कौन सा केस हो सकते हैं कि एस वन इनर्शियल है, एस टू नॉन इनर्शियल, एक हो सकता है कि एक हो सकता है कि एस वन नॉन इनर्शियल है और एस टू इनर्शियल है, ये भी हो सकता है कि एस वन भी नॉन इनर्शियल है और एस टू भी नॉन इनर्शियल है,
लेकिन ये नहीं हो सकता कि एस वन इनर्शियल है और एस टू इनर्शियल है, ये क्यों नहीं हो सकता? ये से नहीं हो सकता क्योंकि, ये से नहीं हो सकता क्योंकि, क्यों नहीं हो सकता? ये से नहीं हो सकता क्योंकि अगर दोनों इनर्शियल होते तो दोनों का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन भी जीरो होता, ठीक है? तो अब एफ वन इक्वल टू जीरो, एफ टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा हो सकता है? ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि एस वन इनर्शियल हो सकता है, एस टू नॉन इनर्शियल हो सकता है। तो एफ वन का सूडो कोड आया लेकिन एफ टू का सूडो कोड नहीं है, उल्टा भी हो सकता है। तीसरा केस ये भी हो सकता है, दोनों नॉन इनर्शियल सोच रहे हैं, दोनों नॉन इनर्शियल कैसे हैं, ऐसा भी हो सकता है। एक 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, एक 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, तो दोनों के बीच में एक्सेलरेशन आ गया ना, तो दोनों नॉन इनर्शियल भी हो सकते हैं। नॉन इनर्शियल अगर हो गए दोनों के दोनों तो भी सूडो फोर्सेस के वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन चौथा केस पॉसिबल नहीं है, इनर्शियल 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 में सूडो फोर्सेस जीरो और जीरो आएंगे, तो जीरो और जीरो पॉसिबल नहीं है। डी और सी इज नॉट पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ए पर्सन सेज दैट ही मेजर द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल टू बी नॉन जीरो व्हाइल नो फोर्स फॉर एक्टिंग ऑन इट। ये तो अपन बात कर चुके हैं, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, तो पर्सन खुद एक्सीलरेट कर रहा था, पर्सन खुद मूव कर रहा था। ही इज लायर, नहीं ऐसी बात नहीं है, लायर नहीं है वो। हिज क्लॉक क्लॉक तो रन स्लो नहीं, हिज मीटर स्केल माइट हैव बीन लॉन्गर, नहीं मीटर स्केल से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मूवमेंट नहीं है तो नहीं है, है तो है। ही माइट हैव यूज नॉन इनर्शियल फ्रेम, है ना, तो खुद वो एक्सीलरेट कर रहा था, इसलिए पार्टिकल तो रेस्ट पे था, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में पार्टिकल उसको एक्सीलरेट करता हुआ दिख गया। तो ये अपने पास थे ऑब्जेक्टिव वन और ऑब्जेक्टिव टू। आई होप थिंग्स आर क्लियर। अगर क्लियर नहीं है तो उसका एक रीजन है कि पिछले लेक्चर तुमने नहीं देखे, पिछले लेक्चर अगर देखते हुए आ रहे हो तो सारी सारी चीज क्लियर होगी, पॉट शॉर्ट कोई ऐसी वजह हो ही नहीं सकती कि क्लियर नहीं हो, ठीक है ना? क्योंकि एक एक चीज एस टी वर्मा ने 2-3 बार रिपीट कर दी है, चीजों को काफी अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो अपना ये हो गया है खत्म। अब 42 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर जो अपन करने वाले हैं अभी इस लेक्चर के बाद। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय। हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग कर रहे हैं न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन की पूरी एक्सरसाइज एस सी वर्मा की। जो भी पहले के लेक्चर से आप देख सकते हो, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स सॉल्व एग्जांपल्स, ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टू पूरा करवा चुका हूं मैं। तो इसके अंदर मैं डायरेक्टली रिजल्ट्स यूज करूंगा जो मैं थ्योरी के अंदर पढ़ा चुका हूँ, वो सारे रिजल्ट्स, ठीक है? तो हम चालू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। टोटल 42 क्वेश्चन है, तो हम बीच में एक लेक्चर 20-21 क्वेश्चन पे बना लेंगे, उसके बाद वापस से चालू करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो एक 2 kg का ब्लॉक है, एक 2 kg का ब्लॉक है, इसको अपन पुल करके लेके जा रहे हैं और 10 मीटर से मूव कर रहा है 2 सेकंड्स में, 10 मीटर्स इन 2 सेकंड्स। अगर ये 10 मीटर्स मूव कर रहा है 2 सेकंड्स में, तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो 10 इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस सॉरी ए 2 स्क्वायर। तो ये 2 से 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ए कितना आ गया? 5 आ गया। अब ए अगर 5 आ गया मतलब एक्सेलरेशन 5 है, तो फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब 10 न्यूटन्स। फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन, मतलब 2 इंटू 5, मतलब कि 10 न्यूटन्स, ठीक है? सेकंड सवाल देखते हैं। सब देखो, बुक लेके बैठ जाओ ऐसे में और खुद से देखो सवाल को, पॉज कर लो वीडियो को और फिर आगे बढ़ो। तो इसमें बोला गया है कि एक कार है जिसका इनिशियल स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, उसको अपन को 4 मीटर के अंदर अंदर रोकना है, तो उस पर कितना फोर्स लगाना है? तो ऑब्वियसली फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन होगा उस फोर्स की वजह से, मतलब डी एक्सेलरेशन होगा, तो वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी। अब 3 चीजें मुझको पता है, वी यू और टी, तो उससे मैं क्या निकाल सकता हूँ? एक्सेलरेशन। अगर मुझको 3 चीजें पता है, वी यू और टी, उससे मैं क्या निकाल सकता हूँ? एक्सेलरेशन। अब इसमें किलोमीटर पर आवर है या मीटर्स में, तो इसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर्स पर सेकंड में। तो कैसे करेंगे? 40 × 5/18 कर देंगे, तो ये कितना हो गया अपने पास? इनिशियल वेलोसिटी हो गई। तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 लिखेंगे, तो v कितना है? v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो v कितना है? 0। u कितना है? 40 × 5/18 प्लस a इंटू टाइम कितना है? 4। तो 4 से कैंसिल हो गया, 10 बच जाएगा, तो बच जाएगा 50/18। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? माइनस ऑफ 50/18। अब एक्सेलरेशन दे रखा है, मास दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, मास दे रखा है, तो फोर्स कितना आएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन, तो देखो जेट टू में मतलब इनिशियल स्पीड जीरो है, वेलोसिटी कितनी रीच कर रहे हैं, 5 × 10 की पावर 6, वेलोसिटी कितनी रीच कर रहे हैं, 5 × 10 की पावर 6, तो यू पता है यू जीरो है, वी पता है वी कितना है, 5 × 10 की पावर 6, वी कितना है 5 × 10 की पावर 6, डिस्टेंस दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो तीन चीजें दे रखी है, इससे एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस करके अपन एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, बी दे रखा है यू कितना है जीरो और डिस्टेंस दे रखा है, तो एक्सेलरेशन पता पड़ जाएगा, अब एक्सेलरेशन पता पड़ जाएगा तो फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास दे रखा है उसको एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, मास दे रखा है उसको एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स हमारे पास आ जाएगा, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, एक ब्लॉक है उसका मास दे रखा है, इसको सीलिंग से सस्पेंड करा हुआ है, एक ब्लॉक है उसका मास कितना है 0.2 kg, उसको सीलिंग से सस्पेंड करा हुआ है, ए सेकेंड ब्लॉक ऑफ मास 0.3 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द फर्स्ट ब्लॉक, फिर उसके नीचे एक और ब्लॉक लगा रखा है, फाइंड द टेंशन इन द टू स्ट्रिंग, तो दोनों स्ट्रिंग में हमको क्या निकालनी है टेंशन, तो इसका एफबीडी बना, इसका फिगर बनाते हैं पहले, तो ये 0.2 kg है, इसके नीचे 0.3 kg है, तो यहां पे मुझे टेंशन निकालनी है T1, यहां पे मुझे टेंशन निकालनी है T2, तो पहले T2 की बात कर लेते हैं, T2 किस स्ट्रिंग में, इस स्ट्रिंग में, तो T2 निकालने के लिए मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में कि T2 निकालने के लिए इसको कट करना पड़ेगा और T2 हमको बनाना पड़ेगा एफबीडी के अंदर, तो कैसे बनाएंगे, 0.3 kg T2 ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ कितना जाएगा 3 × 10, ठीक है, तो T2 का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, ऐसे अगर मैं इस पूरे सिस्टम की बात करूंगा, इसको एक सिस्टम मान लूंगा, तो T1 कितना आ जाएगा, T1 आ जाएगा 5 newtons, क्यों, बिकॉज इस सिस्टम का मास कितना है 0.5, नीचे कितना है 10 है, जी को 10 लिखने को बोला है, तो 5 newtons अपने पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, समझ गए ना कैसे करना है, इसको कट करोगे तो इसके ऊपर लगेगा T1, T1 ऊपर लग रहा है, नीचे कितना लग रहा है इस पूरी बॉडी पे 0.5 × 10 मतलब कि 5 newtons, नीचे कितना लग रहा है इस पूरी बॉडी पे 0.5 × 10 मतलब कि 5 newtons, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, टू ब्लॉक्स ऑफ इक्वल मास आर टाइड टू ईच अदर थ्रू अ लाइट स्ट्रिंग, वन ऑफ द ब्लॉक इज फुल, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो कैसा है प्रॉब्लम देखो, एक मास ये है एक मास ये है और हम फोर्स एफ लगा रहे हैं, एक मास ये है एक मास ये है, हम फोर्स एफ लगा रहे हैं, अब हमको कैसी है टेंशन चाहिए स्ट्रिंग के अंदर, तो टेंशन निकालने के लिए मुझे स्ट्रिंग को कट करना पड़ेगा, इसका मेरे को एफबीडी बनाना पड़ेगा, ये टेंशन लग रहा है टी, इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा ए, ये टेंशन लग रहा है टी, इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा ए, तो मैं टेंशन क्या लिख दूंगा एम इंटू ए, टेंशन क्या लिख दूंगा एम इंटू ए, वो बात ठीक है, बट ए भी तो पता करना पड़ेगा मुझको, ए भी तो मुझको पता करना पड़ेगा, तो ए के लिए मैं इस पूरी बॉडी को एक सिस्टम मान लूंगा, और ये पूरा बॉडी आगे मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, पूरा बॉडी को क्या मान लिया एक सिस्टम, और पूरा आगे मूव कर रहा है किससे ए एक्सेलरेशन से, तो फोर्स एफ लग रहा है, पूरा मास कितना हो गया 2m, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे एफ इज इक्वल टू 2m इंटू ए, ए कितना आ गया एफ अपॉन 2m, तो ये एफ को क्या लिख दिया हमने, एफ को लिख दिया 2m इंटू ए, तो ए कितना आ गया एफ अपॉन 2m, तो ए एफ अपॉन 2m आ गया, इसको यहां डाल देंगे तो टेंशन कितना आ जाएगा एम इंटू एफ अपॉन 2m, मतलब कितना आ गया एफ अपॉन, कितना आंसर आ गया एफ अपॉन 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फोर्स निकालना है हमको 2 पे 4 पे 6 पे, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दे रखा है, क्या ग्राफ दे रखा है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का, अब सोचो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से फोर्स कैसे निकालोगे, तो हमको पता है ग्राफ से हम दो चीज निकाल सकते हैं स्लोप और एरिया, तो वीटी का स्लोप क्या होता है एक्सेलरेशन होता है, वीटी का स्लोप क्या होता है एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा फोर्स आएगा, वीटी का स्लोप क्या होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आएगा, तो 2 पे देखो 2 पे स्लोप क्या है, मतलब यहाँ का स्लोप और यहाँ का स्लोप क्या है, यहाँ का स्लोप है वर्टिकल अपन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कितना है 15, हॉरिजॉन्टल कितना है 3, मतलब यहाँ का स्लोप कितना है 5, मतलब एक्सेलरेशन कितना है 5, यहाँ का स्लोप क्या है वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कितना है 15, हॉरिजॉन्टल कितना है 3, मतलब स्लोप कितना आ गया इसका 15 / 3 मतलब कि 5, 5 इसका स्लोप है 50 ग्राम, इसका मास मल्टीप्लाई कर लो, ग्राम को 50/1000 लिख लो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, तो 0.25 न्यूटन आ जाएगा, इसमें स्लोप क्या है जीरो, इसका स्लोप क्या है जीरो, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया जीरो, एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो फोर्स क्या आ जाएगा यहाँ पे जीरो, फिर इसका स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव कितना है 15/3 मतलब -5, तो 0.25 आ जाएगा नेगेटिव मतलब पीछे की तरफ। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 7, तो दो ब्लॉक्स है एम ए और एम बी,
इसको पुश करा एफ फोर से, एफ फोर्स नहीं कुछ और फोर्स दे रखा है इसको, कुछ फोर्स से कुछ करा। इफ द ब्लॉक ए एग्जर्ट्स अ फोर्स एफ ऑन ब्लॉक बी, इफ ए ब्लॉक ए, ब्लॉक ए कितना फोर्स लगा रहा है इस पे, एफ फोर्स लगा रहा है, व्हाट इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटर ऑन ए, तो हमको ये फोर्स निकालना है। तो यार इस फोर्स को एफ वन लिख देते हैं पहले तो, और इन दोनों के बीच में क्या फोर्स है एफ, मैं क्या बोला हुआ है ए ब्लॉक बी ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रहा है, एफ लगा रहा है। तो अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा एम ए का और इसका बनाऊंगा एम बी का, इस पे एफ लग रहा है, ये एफ कौन लगा रहा है, एम बी पे जो एफ लग रहा है वो कौन लगा रहा है, ए ब्लॉक बी ब्लॉक पे एफ लगा रहा है, ए ब्लॉक बी ब्लॉक पे एफ लगा रहा है, तो बी ब्लॉक भी ए ब्लॉक पे कितना लगाएगा, पीछे की तरफ एफ लगाएगा, और इस पे फोर्स एफ वन पे लग रहा है। एफ वन अपन को निकालना है, अपन को क्या निकालना है, एफ वन फोर्स निकालना है। तो अब दो मेरे पास ब्लॉक्स आते हैं, दोनों के मैं एक्सेलरेशन बराबर होंगे दोनों के, बिकॉज दोनों साथ साथ ही मूव करेंगे भाई, दोनों के एक्सेलरेशन बराबर के होंगे, दोनों के दोनों साथ साथ ही मूव करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं आगे चला जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन भी ए, इसके लिए इक्वेशन क्या बन गई, एफ इज इक्वल टू एम बी इंटू ए, भाई इसका एक्सेलरेशन कितना है ए है, तो इसके लिए इक्वेशन क्या बन गई, एफ इज इक्वल टू एम बी इंटू ए, इसके लिए क्या बनेगी, एफ वन माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए इंटू ए, क्या बनेगी, एफ वन माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए इंटू ए। अब एफ वन तो हमको निकालना है, और एफ हमको क्वेश्चन में दे रखा है, ए नहीं पता, एफ वन तो हमको निकालना है, एफ क्वेश्चन में दे रखा है हमको, ए नहीं पता, तो ए के लिए हम क्या यूज कर देंगे, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम बी, तो क्या बन गया, दिस इज इक्वल टू एम ए, ए को क्या लिख देंगे, ए को लिख देंगे एफ अपॉन एम बी, एफ अपॉन एम बी। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, एफ वन माइनस एफ, एफ वन माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए अपॉन एम बी इंटू एफ, एफ वन माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए अपॉन एम बी इंटू एफ, इस एफ को इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, एफ कॉमन आ जाएगा, वन प्लस एम ए अपॉन एम बी बन जाएगा। तो एफ वन की वैल्यू क्या आ गई, एफ वन इज इक्वल टू वन प्लस एम ए अपॉन एम बी इंटू, हर एक चीज को पढ़ने का बहुत ही बेसिक तरीका होता है, एफबीडी बनाओ, तोड़ तोड़ के एफबीडी बनाओ, आंसर अपना आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट क्या है, रेनड्रॉप्स ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर, रेनड्रॉप है 1 मिलीमीटर की उसकी रेडियस है, एंड मास 4 मिलीग्राम, मास कितना है 4 मिलीग्राम, मास कितना है रेनड्रॉप का 4 मिलीग्राम, 30 मीटर पर सेकंड से आ रही है, 30 मीटर पर सेकंड से आ रही है, 30 मीटर पर सेकंड से आ रही है, फॉल्स ऑन द हेड ऑफ बाल्ड पर्सन, तो किसी बाल्ड पर्सन के सर के ऊपर आके गिर रही है, ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड से, द ड्रॉप स्प्लैश ऑन द हेड एंड कम टू रेस्ट, तो ड्रॉप की फाइनल स्पीड क्या हो गई, v इक्वल टू 0 हो गई, तो u दे रखा है, v दे रखा है, u दे रखा है 30 और v कितना दे रखा है 0, अज्यूमिंग इक्विवेलेंटली दैट द ड्रॉप कवर डिस्टेंस इक्वल टू देयर रेडियस ऑन द हेड, तो हम क्या मान के चलेंगे कि ड्रॉप ने कितना डिस्टेंस कवर किया हेड पे, रेडियस के बराबर, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया ड्रॉप का, 1 मिलीमीटर हो गया, क्योंकि 1 मिलीमीटर रेडियस है, तो ड्रॉप ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 मिलीमीटर, एस्टिमेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच ड्रॉप ऑन द हेड, अब वापस से फोर्स की बात की है, लेकिन अगर मुझे यू पता है, वी पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो इन तीनों से मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ कैसे, अगर मेरे को यू पता है, वी पता है और एस पता है, तो इससे मैं एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वी तो 0 है, U कितना है 30 मीटर पर सेकंड, 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू, डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 मिलीमीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर को अगर मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन 1000 मीटर्स, भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर्स, तो 1 मिलीमीटर में कितने मीटर्स, 1 अपॉन 1000 मीटर्स, तो यहां से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, देखो ये इस तरफ जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा, 30 का स्क्वायर 900 अपॉन 2 इंटू 1000, इतना बड़ा तो एक्सेलरेशन हो गया, 900 इंटू 1000 इंटू 2, नेगेटिव होगा ऑब्वियसली बात है, नेगेटिव आंसर आएगा, 900 इंटू 1000 अपॉन 2, अब दे रखा है 4 मिलीग्राम है, दे रखा है 4 मिलीग्राम, तो फोर्स निकालना है, तो एक्सेलरेशन हमको पता है, मास कितना है 4 मिलीग्राम, एक्सेलरेशन हमको पता है, मास कितना है 4 मिलीग्राम, एक्सेलरेशन पता है, मास पता है, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 मिलीग्राम से, तो 4 मिलीग्राम का मतलब क्या होता है, 4 अपॉन 4 × 10⁻⁶ kg, मिलीग्राम मतलब ग्राम का भी 1 अपॉन 1000, 1 kg में 1000 ग्राम, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, तो 1 kg में कितने मिलीग्राम होगा, 10⁶,
तो 1 मिलीग्राम में कितने केजी होगा, 10 की पावर माइनस 6। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो यहाँ पे 6 माइनस है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 0.9/2 बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 करूंगा तो 0.9/2 बन जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, 4 × 0.9/2, 2 से 2 गया, मतलब 1.8 न्यूटन का अपने पास आंसर आ जाएगा, 1.8 न्यूटन का अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सवाल है। काइनामेटिक्स यूज करके हमने एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन को यूज करके हमने फोर्स निकाला, काइनामेटिक्स यूज करके हमने क्या निकाला, हमको v पता था, u पता था और s पता था, तो इससे हमने एक्सेलरेशन निकाला और फिर एक्सेलरेशन से क्या निकाला, फोर्स निकाला। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर एक फोर्स लग रहा है जो कि माइनस के एक्स है, तो फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है पोजिशन पे, तो पार्टिकल का मास इतना है, फोर्स इतना है, के दे रखा है, व्हाट विल बी द इनिशियल एक्सेलरेशन इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ पॉइंट x = -50। तो फोर्स कितना है, माइनस ऑफ kx, फोर्स कितना है, माइनस ऑफ kx, k कितना दे रखा है 15, x कितना दे रखा है 20, k कितना दे रखा है 15, x कितना दे रखा है 0.2 बोल दूं, x कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर, तो कितना बन गया, ये बन गया 15 to 30, लेकिन एक डॉट पीछे आएगा मतलब कि माइनस ऑफ 3, तो फोर्स कितना दे रखा है अपन को, माइनस ऑफ 3, फोर्स कितना दे रखा है अपन को, माइनस ऑफ 3, और मास कितना दे रखा है 0.3 kg, मास कितना दे रखा है 0.3 kg, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास कितना होगा 10 न्यूटन, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा 10 m/s² न्यूटन नहीं, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, m/s², एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, m/s², तो 10 m/s² इसका एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, आगे देखते हैं। 10 बोथ द स्प्रिंग शोन इन द फिगर आर अनस्ट्रेच्ड, तो दोनों के दोनों जो स्प्रिंग्स है वो अनस्ट्रेच्ड है। ठीक है, इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस x, x डिस्टेंस करेंगे ब्लॉक को, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में फोर्सेस के अंदर कि स्प्रिंग के अंदर जो एक्सेलरेशन फोर्स होता है वो होता है kx, स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स होता है वो कितना होता है, k × x। तो अगर मैं ये ब्लॉक है मेरे पास, ये ब्लॉक है मेरे पास, ये k1 है, ये k2 है, ये ब्लॉक है मेरे पास, ये k1 है, ये k2 है, इसको अपन ने x डिस्टेंस से आगे डिस्प्लेस कर दिया, यहां पे मतलब ब्लॉक यहां पे आ गया, ये डिस्टेंस कितना है x, तो ये भी पुल करेगी पीछे की तरफ, ये क्या करेगी, पुल करेगी पीछे की तरफ और ये पुश करेगी इस तरफ, स्प्रिंग पुल भी कर सकती है पुश भी कर सकती है, ये क्या करेगी, पुल करेगी पीछे की तरफ, ये क्या करेगी, पुल करेगी पीछे की तरफ और ये क्या करेगी, पुश करेगी इस तरफ, तो ये कितने फोर्स से पुल करेगी, k × x, इसका k कितना है, k1 × x, और ये किस फोर्स से पुश करेगी, k2 × x, ये किस फोर्स से पुल करेगी, k1 × x, वो किस फोर्स से पुश करेगी, k2 × x, तो टोटल फोर्स क्या हो गया ब्लॉक के ऊपर, टोटल फोर्स हो गया k1 + k2 × x, टोटल फोर्स क्या होगा, k1 + k2 × x, टोटल फोर्स क्या होगा, k1 + k2 × x। अब फोर्स पता है तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, ये फोर्स है, इसको अगर मास से डिवाइड कर दिया तो एक्सेलरेशन आ गया, यही आंसर है, k1 + k2 × x / m, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट का मतलब अपन ने डिस्प्लेसमेंट को राइट में माना, अपन ने डिस्प्लेसमेंट को राइट में माना, तो इसका फोर्स किस तरफ आ रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है, एक्सेलरेशन भी किस तरफ आएगा, पीछे की तरफ आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। A small block B on placed on another block A of mass 5 kg and length 20 cm. तो इसका जो length है 20 cm है, इसका mass कितना है 5 kg, ये A है, A का mass कितना है 5 kg, और एक small block B रखा हुआ है यहाँ पे, B block रखा हुआ है, ठीक है 5 kg में। Initially the block B is near the right hand, a constant horizontal force of 10 newton is applied, 10 newton का force लगाया, all the surfaces find the time because, तो B सेपरेट क्यों होगा, देखो इसमें बोला है फ्रिक्शनलेस है, बोला होगा कहीं पे ऑल सर्फेसिस आर फ्रिक्शनलेस, तो फ्रिक्शनलेस तो क्या होगा, जैसे मान लो ये चौक है और ये नीचे वाला ब्लॉक है, अब इस ये चौक यहां पर है, अब अगर मैं इसको आगे धक्का मारूंगा तो चौक पीछे आ गई ना, वापस से बताता हूं, अगर मैं इसको ये ब्लॉक B रखा हुआ है ऊपर नीचे A है, A को मैं आगे धक्का मारूंगा देखो चौक पीछे आ गई, पीछे आ गई ना चौक, तो फ्रिक्शन नहीं होगा, तो ये चीज यहीं पे रहेगी, ये चीज मूव नहीं करेगी, तो फाइनल सिचुएशन में क्या होगा, बी तो यही जाएगा लेकिन ए यहाँ पे आ जाएगा, तो ए कितना डिस्प्लेस हो गया इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, कितना डिस्प्लेस हो गया, 20 0.2 मीटर डिस्प्लेस हो गया, ए ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हो गया उतना ही, और बी ब्लॉक तो वहीं पे रह गया, अगर तुम इस चौक को भी देखोगे ढंग से तो चौक डिस्प्लेस नहीं हो रही है, चौक वहीं पे रह रही है, मैं ब्लॉक को आगे लेके जाऊंगा चौक वहीं पे रहेगी देखो, और चौक वहीं पे गिर जाएगी, वहीं पे नीचे गिर गई है चौक,
थोड़ा सा आगे पीछे होता है बिकॉज थोड़ा सा फ्रिक्शन तो है इसके अंदर, लेकिन अगर तुम एक्चुअली फ्रिक्शन लेस कर दोगे पूरा सरफेस को तो चौक वहीं पे नीचे गिर जाएगी, चौक वहीं पे नीचे गिर जाएगी, तो ये ब्लॉक वहीं पे नीचे गिरेगा। एक्चुअली मुझे नीचे बनाना चाहिए था, एक्चुअली मुझको नीचे बनाना चाहिए था बट मैंने स्पेस नहीं था ऊपर। तो ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हुआ है ए वाला 0.2 मीटर, तो हमको डिस्प्लेसमेंट पता है डिस्प्लेसमेंट कितना है 0.2 मीटर, ठीक है। हमको 5 kg पता है, 10 न्यूटन पता है, मतलब हमको एक्सेलरेशन पता है कितना है, टू, ए कितना है टू, यू कितना है जीरो, एस कितना है 0.2, डिस्प्लेस कितना हुआ ब्लॉक ए 0.2, एक्सेलरेशन कितना है टू, एक्सेलरेशन कितना है टू बिकॉज 10/5 कितना हो गया टू, और हमको यू भी पता है जीरो। अगर तीन चीजें मुझे पता है तो मैं टाइम निकाल सकता हूँ एस इक्वल टू यू टी प्लस आर पी टी स्क्वायर, तीन चीजें पता है काइनेमेटिक्स इक्वेशन में तो मैं टाइम निकाल सकता हूँ एस इक्वल टू यू टी प्लस आर पी टी स्क्वायर, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस आर पी टी स्क्वायर, एस कितना है 0.2, यू टी तो जीरो है, हाफ ऑफ 2 × t² तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो टी स्क्वायर कितना आ गया 0.2, टी स्क्वायर कितना आ गया 0.2, 0.2 का रूट लोगे तो 0.45 आता है, तो टी कितना आ गया 0.45, 0.45 सेकंड इसको लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 एक काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है कि एक मैन है वो गिर गया नीचे और दो दोस्त उसको उठा रहे हैं, है ना, इसका फिगर कुछ ऐसा है। इसको उठा रहे हैं, मैं एक बार दिखा देता हूं तुम लोगों को, है ना। ये बुक पे मत करो, खुद से ऐसे होना कि बुक लेके बैठो, ठीक है। ये डी दे रखा है, ये हाइट एस दे रखा है, यहां से लेके यहां तक का हाइट एस दे रखा है। तो बोला है द फोर्स एग्जर्टेड बाय ईच फ्रेंड ऑन द रोड इंक्रीजेस एज द मैन मूव्स अप। हमको प्रूव करना है कि इसका एक दोस्त होगा यहां पे जो रस्सी से इसको खींच रहा है वो रोड को आगे धक्का मार रहा होगा, ऐसे ही ये वाला जो दोस्त होगा वो भी रोड को आगे धक्का मार रहा होगा। तो देखो पहली चीज तो ये देख लेते हैं, ये बंदा रेस्ट पे, ये बंदा रेस्ट पे, ये बस खींच रहे हैं। तो एक बार अगर मैं इसका एक्टिविटी बनाऊंगा तो इसको टेंशन खींच रहा है ऐसे और ग्राउंड इसको धक्का दे रहा है, फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स दे रहा होगा, फ्रिक्शन अपन नहीं पड़ा तो ग्राउंड एक धक्का दे रहा होगा इसको, फ्रिक्शन फोर्स है। तो टेंशन फ्रिक्शन के बराबर ही होगा, टेंशन किसके बराबर होगा, फ्रिक्शन के बराबर होगा, और फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, फ्रिक्शन वो फोर्स है जिससे ग्राउंड को धक्का दे रहे हैं, ग्राउंड इसको फ्रिक्शन से पीछे पुश कर रहा है, मतलब ग्राउंड को आगे आगे पुश करेंगे ग्राउंड को ऐसे, तभी तो खींच पाएगा वो। अगर मुझे किसी को खींचना है तो मैं फ्रिक्शन धक्का ग्राउंड पे फोर्स आगे लगाऊंगा ना, जैसे अपने टग ऑफ वॉर वाला प्रॉब्लम किया था, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है कि फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज करेगी जैसे जैसे इंसान ऊपर आएगा, फ्रिक्शन इंक्रीज करेगा मतलब टेंशन इंक्रीज, मतलब मैं प्रूव कर दूं कि टेंशन का वैल्यू इंक्रीज करेगा एज मैन मूव्स अप, एज मैन मूव्स अप, मतलब मुझे क्या प्रूव करना है कि टेंशन का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा जैसे जैसे वो इंसान है वो ऊपर आएगा। और इसमें ये भी दे रखा है स्लोली, ये भी दे रखा है इसमें, अगर तुम क्वेश्चन पढ़ोगे, अगर तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तो इसमें ये भी दे रखा होगा कि स्लोली द फ्रेंड्स आर स्लोली पुलिंग हिम आउट ऑफ दिस, स्लोली पुल कर रहे हैं। जब भी स्लोली पुल करो ना बच्चों, आगे भी पढ़ना वर्क एनर्जी पावर के अंदर, स्लोली का ही मतलब होता है, स्लोली का मतलब क्या होता है कि उसकी स्पीड बहुत ही कम है, ऑब्वियसली बात है स्पीड कम है, और स्पीड कम है तो स्पीड इनिशियली भी बहुत कम थी और फाइनली बहुत कम है, और अगर इनिशियली बहुत कम है फाइनली बहुत कम है तो एक्सीलरेशन भी हम 0 के आसपास लेके चलते हैं। तो स्लोली का मतलब क्या होता है, स्लोली का मतलब होता है कि एक्सीलरेशन क्या है उसका 0 है बट बहुत ही कम है। तो अब जैसे यहाँ पे एक मास एम लगा देते हैं अपन, क्योंकि ये तो कुछ नहीं करना खड़ा हुआ है, तो अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा तो एम लगेगा, इस तरफ टेंशन टी लगी, इस तरफ टेंशन टी लगी, नीचे एम टी लग रहा है। अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा तो इस तरफ टेंशन टी लग रहा है, इस तरफ टेंशन टी लग रहा है, नीचे एम टी लग रहा है। तो अगर मैं ये एंगल थीटा मानता हूं, अगर मैं ये एंगल थीटा मानता हूं या फिर ये एंगल थीटा मान लो, तुमको आसान पड़ेगा, ये एंगल थीटा मान लो, ये एंगल थीटा मान लो, तो अगर मैं ये एंगल थीटा मानता हूं तो ये क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा, ये भी कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा। अगर मैं इस एंगल को थीटा मानता हूं तो ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा, ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। अब एक्सेलरेशन 0 के बराबर है, एक्सेलरेशन बहुत ही कम है, इससे जो ऊपर का फोर्स है वो नीचे के फोर्स के बराबर होना चाहिए, एक्सेलरेशन बहुत ही कम है तो ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के बराबर होना चाहिए, इसलिए 2t sin थीटा mg के बराबर आ गया। 2t sin थीटा किसके बराबर आ गया, mg के बराबर, 2t sin थीटा किसके बराबर आ गया, mg के
बराबर आ गया, यहां तो बात क्लियर हो गई। अब तो टी कितना आ गया, टी आ गया हमारे पास एम जी अपॉन टू साइन थीटा, एम जी अपॉन टू साइन थीटा। अब मान लो ये बहुत नीचे था तो थीटा ज्यादा बन रहा था कि अब थीटा ज्यादा बन रहा है, नीचे था तो थीटा ज्यादा था ना, ऐसे पहुंच जाएगा तो थीटा कम बन जाएगा, तो थीटा क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। थीटा पहले इतना था फिर इतना हो गया फिर और इतना हो गया, थीटा क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे मैंने ऊपर जा रहा है थीटा क्या कर रहा है, थीटा डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे मैंने ऊपर जा रहा है वैसे वैसे थीटा क्या हो रहा है, थीटा डिक्रीज कर रहा है। अगर थीटा डिक्रीज करेगा तो साइन थीटा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, सॉरी डिक्रीज करेगा। अगर थीटा डिक्रीज करेगा तो साइन ऑफ थीटा भी डिक्रीज करेगा ना, थीटा साइन थीटा की वैल्यू 0 पे 0 होती है, 90 पे 1 होती है, मतलब इंक्रीज। तो साइन थीटा, अगर थीटा डिक्रीज कर रहा है थीटा क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, पहले ऐसे था फिर ऐसे था फिर ऐसे, थीटा डिक्रीज करेगा तो साइन थीटा डिक्रीज, तो ये पूरी चीज क्या करेगी इंक्रीज करेगी, मतलब टेंशन क्या करेगी इंक्रीज करेगी। साइन थीटा डिनोमिनेटर में है ना, अगर डिनोमिनेटर में जो चीज है वो डिक्रीज करेगी, डिनोमिनेटर में जो चीज है वो डिक्रीज करेगी तो पूरी चीज क्या करेगी इंक्रीज करेगी। तो इसके जैसे जैसे हम इसको ऊपर लेके गए वैसे वैसे ये क्या करेगा इंक्रीज करेगा। इसमें ये पूछा है कि फोर्स निकालो मैन पे जब वो डेप्थ एच पे है, जब वो एच डेप्थ पे है, ये तो डी दे रखा है, तो फोर्स निकालो। तो फोर्स तो हमने निकाल लिया, टेंशन, टेंशन निकालने को बोल रहे हैं कि फोर्स निकालो, फाइंड द फोर्स व्हेन द मैन, कौन सा फोर्स, ये वाला फोर्स मतलब टेंशन के बराबर है, ये ग्राउंड किस फोर्स से पुश कर रहा है जो टेंशन के बराबर है, टेंशन निकाल लिया हमको। तो टेंशन को हमने थीटा के टर्म्स में निकाल लिया। अब थीटा कितना है, ये चीज डी है, डी बाई टू है, और ये चीज एच है, तो साइन ऑफ थीटा क्या बन जाएगा, साइन ऑफ थीटा बन जाएगा एच अपॉन अंडर रूट ऑफ डी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। साइन थीटा क्या बन जाएगा, वर्टिकल अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो डी एच अपॉन डी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। साइन थीटा क्या बन जाएगा, दिस अपॉन दिस हाइपोटेन्यूज, दिस कितना है एच, ये ट्राइंगल बन रहा है ना अपने पास, देखा जाए तो ये ट्राइंगल बन रहा है ना, इस ट्राइंगल में इसको डी मान, डी बाई टू मान लो और इसको एच मान लो, एक्चुअली इतनी क्लैरिटी नहीं है बट ये करना पड़ेगा, इतना अज्यूम करना पड़ेगा। तो जो ट्राइंगल बना उसमें साइन थीटा कितना आ रहा है, एच वर्टिकल अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज इसको डालोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द एलिवेटर इज डिसेंडिंग विद एक्सीलरेशन ऑफ 2, द मास ऑफ द ब्लॉक ए इज 0.5, व्हाट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन द ब्लॉक बी। ठीक है, तो मैंने बताया कि जब भी एक्सेलरेशन, जब भी एलिवेटर नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है तो हल्का लगता है, हल्का लगता है मतलब इफेक्टिव ग्रेविटी कितनी होगी अपनी, कम होगी जी माइनस से। तो कुछ नहीं करना, एवरीबॉडी बनाना तो बनाओ, नहीं बनाना तो मत बनाओ, डायरेक्टली आंसर क्या होगा 0.5 से इसका मास है इंटू जी माइनस ए कर दो, जी को 9.8 की जगह 9.8 ही ले लो, तो क्या आंसर आ जाएगा 0.5 इंटू 9.8 माइनस ये कितना बन जाएगा 7.8। ये 0.5 है मतलब हाफ है, 7.8 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 3.5, 3.9 होगा 3.9 न्यूटन्स। इसमें 4 न्यूटन दे रखा है, तो ऐसे लोगों में ये भी दिक्कत है, कभी बोला है कि 10 ले लो, कभी बोला 10 मत लो, तो 4 न्यूटन दे रखा है, 10 मान के करा हुआ है सवाल को। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूँ, हम ये कर चुके हैं, तो इसके लिए पिछले लेक्चर देख लो अगर नहीं देखे तो, कि अगर कोई चीज ऊपर एक्सेलरेट कर रही होती है तो जी इफेक्टिव जी प्लस ए हो जाता है, और कोई चीज नीचे एक्सेलरेट कर रही होती है तो जी इफेक्टिव जी माइनस ए होता है। तो इसमें नीचे एक्सेलरेट कर रहा है तो जी इफेक्टिव कितना हो गया जी माइनस ए। अब ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, वेट के बराबर लगाएगा, वेट इसका कितना है, तो वेट इसका कितना हो जाएगा एम इंटू जी होता है, तो एम इंटू जी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इसको तुम पूरा के पूरा सॉल्व भी कर सकते हो, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ एग्जाम्पल्स के अंदर कैसे करते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व, तो वो मैं वापस से नहीं बताऊंगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ए पेंडुलम बॉब ऑफ मास 50 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ एलिवेटर, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ द एलिवेटर गोज अप विद एक्सीलरेशन। तो ये भी सिंपल है, देखो अगर ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन 1.2 से, अगर ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन 1.2 से, तो जी फैक्टर कितना हो जाएगा 9.8 प्लस 1.2, तो पहले वाले केस में जी फैक्टर कितना हो जाएगा 11, दूसरे वाले केस में क्या है गोज अप विद डी एक्सीलरेशन 1.2, मतलब ऊपर तो जा रहा है लेकिन डी एक्सीलरेट हो रहा है, मतलब नीचे की तरफ एक्सीलरेशन है, मतलब कितना हो जाएगा जी इफेक्टिव 9.8 माइनस 1.2, मतलब कि 8.6 ये जी इफेक्टिव हो गया। थर्ड वाला केस क्या है गोज अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो एक्सीलरेशन 0 है, तो जी इफेक्टिव कितना हो गया जी ही हो गया, डी क्या है गोज डाउन विद एक्सीलरेशन 1.2, तो नीचे की तरफ एक्सीलरेशन है, तो नीचे की तरफ एक्सीलरेशन होता है तो जी माइनस ए करते हैं, तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा इसमें भी जी माइनस ए, मतलब 8.6। ई क्या है
गोज डाउन विद डीएक्सलरेशन, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है और डीएक्सलरेट कर रहा है, नीचे की तरफ जाके डीएक्सलरेट कर रहा है मतलब ऊपर की तरफ एक्सलरेट कर रहा है। अगर कोई चीज इस तरफ डीएक्सलरेट कर रही है मतलब ऊपर की तरफ एक्सलरेट कर रही है, अगर कोई चीज इस तरफ डीएक्सलरेट कर रही है मतलब ऊपर की तरफ एक्सलरेट कर रही है, तो इसमें ऑपोजिट कितना हो जाएगा, लेवल हो जाएगा जी इफेक्टिव। ठीक है, बस एफ क्या है, गोज डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इसमें भी ए कितना हो गया, जीरो। इसको बस मल्टीप्लाई कर दो 50 ग्राम, 50 ग्राम का मतलब क्या होगा, 50/1000, 50 ग्राम का मतलब क्या होगा, 50/1000, मतलब 50/1000 मतलब कितना हो गया, 50/1000 अगर तुम करोगे तो ऐसे पॉइंट में निकाल लेंगे शायद आंसर। कौन सा क्वेश्चन है, 14th क्वेश्चन है, हाँ न्यूटन ने पॉइंट में निकाल दिया था, पॉइंट में निकाल लो, देखो पहले का आंसर 0.55 आ रहा है, सबको 50/100 से मल्टीप्लाई कर दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अपन को कैसे, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये जो प्रॉब्लम है इनको मैंने सॉल्व एग्जाम्पल एक लेक्चर बनाया उसके अंदर भी करा हुआ है पूरा की पूरा, तो सॉल्व एग्जाम्पल में तुम देखना मैंने बताया हुआ कैसे इन सॉल्व करते हैं, कैसी चीज आई अपने पास, जी इफेक्टिव इक्वल टू जी प्लस है, जी इफेक्टिव इक्वल टू जी माइनस है। ठीक है, और नहीं भी देखना तो इतना फील कर लो कि तुम ऊपर जब एकदम से उठते हो तो इफेक्ट तुमको भारी लगता है, भारी लगता है मतलब इफेक्टिव ग्रेविटी ज्यादा लगती है, और नीचे की तरफ डीएक्स मतलब लिफ्ट एकदम से नीचे आती है मतलब नीचे की तरफ एक्सलेट कर रही है, लिफ्ट नीचे जा रही है एकदम से मतलब नीचे की तरफ एक्सलेट कर रही है, तो जी इफेक्टिव हमको क्या लगता है, कम लगता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ए वेइंग मशीन प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ एलिवेटर, तो ये भी सेम क्वेश्चन है जी फैक्टर से कर लेंगे फटाफट से। एलिवेटर स्टार्ट गोइंग विद सेम एक्सीलरेशन मूव इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर ए व्हाइल एंड फाइनली डी एक्सीलरेट्स टू स्टॉप, तो एक्सीलरेशन पहले पहले एलिवेटर ऊपर जा रहा है ए एक्सीलरेशन से, बाद में जीरो है, बाद में नीचे की तरफ कुछ ए एक्सीलरेशन है, ए टू मान लो इसको, ए वन मान लो, ये तीन केसेस है हमारे पास। द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वेट रिकॉर्डेड आर 72 एंड 60 kg, तो मैक्सिमम वेट तो इस केस में रिकॉर्ड होगा 72 kg, मिनिमम इस केस में होगा 60 kg। अब यहाँ पे एक और चीज है कि जो वेइंग मशीन रिकॉर्ड करती है वेट को, तो वेइंग मशीन मास को रिकॉर्ड नहीं करती, वेट को रिकॉर्ड करती है, वेट मतलब नॉर्मल रिएक्शन को रिकॉर्ड करती है, मतलब एमजी मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लो जी का वैल्यू 10 ले लो, तो वेइंग मशीन पे जब 100 न्यूटन का या 200 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो ये बोल देगा 20 kg का मास रखा हुआ है, बात समझ में आ रही है। वेइंग मशीन का जी एक बार 10 मान लो, तो वेइंग मशीन पे जब 200 न्यूटन का फोर्स लगेगा मतलब 20 किलो का इंसान खड़ा हुआ है, तो वो आंसर 20 किलो देगी। तो वेइंग मशीन का एक सिंपल सा फंडा होता है कि जो 200 न्यूटन है इसमें जी को 9.9 लेने को बोला है वैसे, ठीक है, तो जी को 9.9 लोगे तो जब 200 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो रीडिंग क्या देगी, वो 200/9.9, ऐसे समझ लो कि जब उसके ऊपर 20 किलो का मास होगा तो इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा 20 kg × 9.9 आ रहा होगा, एमजी नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा ना, तो वेइंग मशीन हमेशा वैल्यू क्या देती है, वेट अपॉन जी, वेइंग मशीन हमेशा वैल्यू क्या देती है, वेट अपॉन जी, तो ये वैल्यू क्या 20 दे रही होगी ना, इसकी वैल्यू क्या रही होगी, 20 × 9.9/9.9, तो वेइंग मशीन का हमेशा याद रखो वैल्यू जो देती है वेइंग मशीन, वैल्यू जो देती है वो क्या देती है, वेट अपॉन जी, जी कौन सा, ओरिजिनल वाला जी, क्योंकि उसको तो कैलिब्रेट उसी हिसाब से करा हुआ है 9.9 के हिसाब से, वेइंग मशीन को जो कैलिब्रेशन है उसी हिसाब से करा हुआ है, जैसे 20 किलो का एक वेट रखा तो उसने आंसर दे दिया 20 किलो, अभी ऊपर उठेगा एकदम से ऊपर जाएगा तो इसमें वेट इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, तुम इमेजिन करो खुद को, तुम इमेजिन करो खुद को, तुम एक वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो और किसी ने एकदम से ऊपर उठाना चालू कर दिया पूरा फ्लोर, तो वेइंग मशीन में जो रीडिंग है बढ़ जाएगी, तो रीडिंग क्यों बढ़ गई, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन क्यों बढ़ गया, बिकॉज जी इफेक्टिव बढ़ गया, लेकिन रीडिंग देने का तरीका तो उसका सेम रहेगा, कैसे कि जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है अपॉन 9.9, इसको तुम ये भी लिख सकते हो नॉर्मल रिएक्शन अपॉन जी, नॉर्मल रिएक्शन अपॉन जी, जी कौन सा, जी नॉट वाला, जी नॉट वाला, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब ये 72 kg मेजर करती है, मतलब 72 की ये वैल्यू है, मतलब इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा होगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा वैल्यू इंटू जी नॉट, मतलब कि इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो 72 × 9.9 आ रहा होगा, ठीक है, इसका कितना आ रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, इसका आ रहा होगा 60 × 9.9, बताइए समझ में, जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा कितना आ रहा होगा, 72 × 9.9, क्योंकि वेइंग मशीन क्या देती है अपन को, वेइंग मशीन जो वैल्यू देती है वो क्या देती है, नॉर्मल रिएक्शन अपॉन जी नॉट, जी नॉट कितना बोला इसमें, 9.9 बोला, ठीक है। Assuming the magnitude of acceleration and deacceleration are same, तो इसको a मान लो, इसको भी a मान लो। Find the true weight of the person and the magnitude of acceleration. अब मुझे पता है कि जो normal reaction होगा इस केस में, वो होगा m into g naught plus a.
और इस केस का जो होगा वो होगा एम इंटू जी नॉट माइनस ए, मतलब कि एम इंटू जी नॉट माइनस ए की वैल्यू ये है, कम भी है देख लो, और एम इंटू जी नॉट प्लस ए की वैल्यू ये है, एम इंटू जी नॉट माइनस ए की वैल्यू ये है, एम इंटू जी नॉट प्लस ए की वैल्यू ये है, ठीक है। तो इससे तुमको एम निकालना है, और जी नॉट तो अपन को 9.9 पता ही है, अपन को जी नॉट तो पता ही है 9.9 के बराबर है, 9.9 बराबर है, ठीक है। तो ये अपन को निकालना है, तो कर लेते हैं अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे यार, इन दोनों को है ना ऐड कर दो, एक बार ऐड करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2m जी नॉट इज इक्वल टू 72 प्लस 60 कितना हो गया 6 6 12 132 इंटू जी, ये जी नॉट है ना, जी नॉट कैंसिल हो गया, मतलब m कितना आ गया 132 अपॉन 2m, 132 अपॉन 2 m कितना आ गया 132 अपॉन 2 मतलब कि 66 तो kg उसका मास है। फिर इसे हमको यहां डाल दो, जी नॉट पता ही है a आ जाएगा, ठीक है ना, तो a भी अपन को पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो m कितना है 66 kg आ रहा है, और a की वैल्यू 0.9 आएगी, तुम देखोगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी 0.9। अच्छा ये फिगर बना लेते हैं अपन ऑलरेडी, ये फिगर बना लेते हैं और फिर सवाल को पढ़ते हैं एक बार, देखते हैं कैसे करेंगे सवाल को, फिगर बना लेते हैं फिर सवाल पढ़ते हैं अपन क्या सवाल है। तो फिगर क्या है इसका, ये 1.5 केजी है और ये 3 केजी है और ये ऊपर जा रहा है जी बाय 10 से, है ना। अब सवाल देख लेते हैं अपन क्या है, अरे क्या हो गया ये, फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस शोन इन द फिगर। अच्छा यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस लगा रखा है इन्होंने ना, वो बनाया नहीं मैंने, यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है। तो इस ट्रिक को भी याद रख लो, ये जो ट्रिक है कि जो स्प्रिंग बैलेंस होता है, जो स्प्रिंग बैलेंस होता है या फिर जो वेइंग मशीन होती है वो रीडिंग क्या देती है अपन को, वो रीडिंग देती है अपन को एन अपॉन जी नॉट, है ना। इसको ऐसे कैसे याद रख लो, फॉर्मूला बना के याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कि जो स्प्रिंग बैलेंस होगा, स्प्रिंग बैलेंस भी ऐसे ही काम करेगा जैसे स्प्रिंग बैलेंस कैसे काम करता है। जैसे मान लो स्प्रिंग बैलेंस पे तुमने 2 किलो की चीज लटकाई, स्प्रिंग बैलेंस पे तुमने 2 किलो की चीज लटकाई तो इसकी रीडिंग कितनी आती है 2 किलो। लेकिन स्प्रिंग बैलेंस में तो टेंशन आ रही है ना, स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करेगा, टेंशन मेजर करेगा, टेंशन कितनी है इसकी 2 इंटू जी। तो जब टेंशन 2 इंटू जी होती है, जब टेंशन 2 इंटू जी है तब रीडिंग 2 आ रही है, मतलब टी अपॉन जी वैल्यू इसकी जो है वो इसकी रीडिंग होती है। जी नॉट यूज करेंगे अपन, टी अपॉन जी नॉट जो होगी इसकी रीडिंग होगी। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी, टेंशन अपॉन जी नॉट, और वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी, वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी एन अपॉन जी नॉट, ठीक है ना। तो इसके अंदर अपन देख लेते हैं चीजों को कैसे करेंगे, इसके अंदर अपन देख लेते हैं चीजों को कैसे करेंगे। द एलिवेटर इज गोइंग अप विद एक्सीलरेशन ऑफ जी बाय 10, द पुली स्मूथ रीडिंग, रीडिंग निकाल दिया मतलब यहां पर टेंशन, अच्छा यहां पर जो टेंशन होगी टी और टी, यहां पर टेंशन 2t होगी बिकॉज पुली मास है, यहां पर टेंशन अगर टी और टी होगी तो यहां पर 2t होगी, तभी तो पुली पे नेट फोर्स जीरो करेंगे अपन, ये भी बता चुका हूं मैं पिछले लेक्चर्स में। यहाँ पर टेंशन टी और टी होगी तो यहाँ पे कितनी होगी 2t होगी, ठीक है ना। अब मैं थोड़ी सी इसमें एक और चीज बताना चाहता हूँ हम लोगों को, एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो एक सिंपल मशीन होती है, एटवुड मशीन बोलते हैं इसको, यहाँ पे मास m1 है और यहाँ पे मास m2 है, तो इसका जो टेंशन होता है वो 2m1 n2 अपॉन m1 + m2 इंटू जी होता है। ये अपन निकाल सकते हैं बट पूरा प्रोसेस नहीं कर रहा मैं अभी के लिए, इतना कर रहा हूँ। और एक्सेलरेशन क्या होता है m2 - m1 अपॉन m2 + m1 इंटू जी, बट एक्सेलरेशन तो पूछा नहीं, क्या पूछा है, टेंशन पूछा है। अब जो जी है यहाँ पे वो जी होता अगर अपन बाहर से देखते तो, बट यहाँ पे तो ऊपर जा रहा है ना जी बाय 10 से, अगर बाहर से देख रहे होते अगर इसमें कुछ नहीं हो रहा तो जो तो जी होता, बट यहाँ पे क्या है ऊपर जा रहा है जी बाय 10 से। तो मैंने बताया ऊपर जब भी जाता है जी की जगह पर जी फैक्टर यूज करते हैं और जी फैक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा जी प्लस जी बाय 10। तो यहां पे तुम जी की जगह क्या लिखोगे, जी प्लस जी बाय 10, जी प्लस जी बाय 10। एम वन का वैल्यू कितना है 1.5, एम टू का वैल्यू कितना है 3। तो अपने पास इक्वेशन क्या है 2 × 1.5 × 3 अपॉन 3 + 1.5 कितना हो गया 4.5 × 11g/10। आप कैलकुलेट कर लो, 1.5 3 जा 4.5 3 और 3 कैंसिल हो गए, 2 से 5 चला जाएगा, तो क्या आंसर आ गया 11g/5 11g/5। तो आंसर क्या आ गया टेंशन का 11g/5। अब जी का वैल्यू देखो एससीओ में क्या दे रखा है, 4.4 आंसर दे रखा है पीछे,
टेन ही मान लो एक बार, तो 11 × 10 मान लोगे अगर इसको अपॉन 5 कर दोगे तो 5 × 2 = 10 आया, तो 4। यार एक और कुछ गड़बड़ कर दी यहाँ पे अपन ने, एक और कुछ गड़बड़ कर दिया अपन ने यहाँ पे कि ये तो कैंसिल हो गया, 2 से 5 गया तो 11g/5 आ रहा है ना, 4.4 क्यों आ रहा है, 44 आना चाहिए। 16 का आंसर क्या है, 1.5 kg था क्या, 1.5 kg था क्या, 1.5 kg है, 3 kg है, नहीं नहीं नहीं, हाँ तो हाँ ठीक है, तो ये तो अपने पास कितना आ गया, 22 आ गया, ये तो कितना आ गया 22 नूडल्स, तो अपने पास टेंशन आ गई, वे टेंशन निकाली ना अपन ने यहाँ पे टेंशन टी, तो टेंशन कितनी आ गई अपनी 22 न्यूटन्स, तो ये टेंशन 22 न्यूटन्स, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 44 न्यूटन्स, ये कितनी हो जाएगी 44 न्यूटन्स, टेंशन कितनी हो जाएगी 44 न्यूटन्स। अब हमको क्या पता है रीडिंग कौन सी होती है, टी अपॉन जी, जी को अपन ने 10 माना, तो टी अपॉन जी मतलब कितना हो जाएगा 44/10, टी अपॉन जी कितना हो जाएगा 44/10, 44/10 मतलब 4.4 kg। तो इस प्रॉब्लम के अंदर पर्टिकुलरली बहुत सारे कंसेप्ट आ गए, पहला कंसेप्ट क्या है कि जो स्प्रिंग वैलेंस है उसकी रीडिंग होती है टेंशन अपॉन जी नॉट, स्प्रिंग वैलेंस की रीडिंग क्या होती है टेंशन अपॉन जी नॉट। दूसरा कंसेप्ट, इस फॉर्मूले को तुम याद रख सकते हो डायरेक्टली। तीसरा कंसेप्ट, जब ऊपर जा रहे तो जी पर जी नॉट जी बाय 10 कर देंगे। चौथा कंसेप्ट, अगर यहाँ पर टेंशन टी और टी है तो यहाँ पे 2t बन जाएगी। ये चार कंसेप्ट इसके अंदर लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। A block of 2 kg suspended through ceiling through a massless spring of spring constant K. What is the elongation of the spring? If another 1 kg is added, what would be the further elongation? ठीक है? तो ये block है mass 2 kg का, block है mass 2 kg का, इसको अपन ने spring से लगा रखा है, इसको अपन ने spring से लगा रखा है। spring constant कितना है? 100 है। spring constant कितना है? 100 है। तो अगर मैं इसका FBD बनाऊंगा 2 kg का, तो 2 kg के नीचे लग रहा होगा mg, मतलब 2 × 10, और ऊपर लग रहा है फोर्स, ये फोर्स स्प्रिंग दे रहा है, ये फोर्स कौन दे रहा है स्प्रिंग, इसलिए कि x के बराबर होगा, अब यार x इज द एलोंगेशन, ये फोर्स कौन दे रहा है स्प्रिंग दे रहा है, इसलिए किसके बराबर होगा k × l के, तो k × l 20 के बराबर होगा, बिकॉज़ ये तो रेस्ट पे आ गया, अभी इसमें बोला है ना कि इसको लाके रेस्ट पर रख दिया, सस्पेंड करके रखा हुआ है, सस्पेंड करके रखा हुआ है मतलब स्ट्रिंग स्प्रिंग इलोंगेटेड है, सस्पेंड करके रखा हुआ है मतलब स्प्रिंग इलोंगेटेड है, कितना इलोंगेटेड है x, तो जब स्प्रिंग इलोंगेटेड होगा तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा kx, जब स्प्रिंग इलॉन्गेटेड होगा तो ऊपर की तरफ फोर्स लगा kx, नीचे की तरफ फोर्स की तरफ 20 बैलेंस है, तो kx इक्वल टू 20 आ गया, kx इक्वल टू 2 × 10 आ गया, तो k कितना है 100 है, तो 100 × x इज इक्वल टू 20, तो x कितना आ गया 20/100 मतलब 20 cm, मतलब पहले का आंसर क्या आ गया 20 cm, 17 का आंसर क्या है 0.2 मीटर मतलब 20 cm। आगे क्या बोल रहे हैं, अनदर 1 kg इज एडेड टू द ब्लॉक, एक और 1 kg ऐड कर देंगे इसमें तो ये 3 बन जाएगा, तो 3 के कोरस्पॉन्डिंग आंसर कितना आ जाएगा 30 cm, 3 के कोरस्पॉन्डिंग आंसर कितना आ जाएगा 30 cm, तो कितना और फर्दर एलोंगेशन हो गया 10 cm का और फर्दर एलोंगेशन हो गया, मतलब 0.1 मीटर का और फर्दर एलोंगेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सपोज द सीलिंग इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज दैट ऑफ एलिवेटर व्हिच इज गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन 2, इसका जो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ वो कितना है 2, इसका जो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ वो कितना है 2, अगर एक्सेलरेशन 2 है ऊपर की तरफ तो मैंने बताया बस जी की जगह इफेक्टिव ग्रेविटी कर देते हैं अपन, इफेक्टिव ग्रेविटी कर देते हैं, तो यहाँ पे 10 की जगह 10+2 आ जाएगा, जब भी ऊपर जाओगे इसको ऐसा फील करा करो, जब भी ऊपर जाते हो तो एकदम से भारी सा लगता है, तो ऊपर अगर एक्सीलरेट करेगा, ऊपर अगर एक्सीलरेट करेगा तो जी के अंदर 10+2 कर देंगे, तो कितना बन गया, पहले 20 था ये, अभी कितना बन गया 2 × 12 24 बन गया, तो 20 से आंसर भी 20 आना था, 24 से आंसर कितना आ जाएगा 24, तो एक आ जाएगा 24 cm, 24 cm, और दूसरा आंसर क्या आ जाएगा, भाई 24 है ना, तो 24 का आंसर 20 का आंसर 20 आ रहा था, 24 का आंसर 24 आ जाएगा, 3 kg लगा दोगे तो 3 × 10+2, 3 × 10+2 मतलब 3 × 12 मतलब 36, तो 36 कॉरस्पॉन्डिंग आंसर कितना आ जाएगा 36 cm अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस समझ में आ गया, कैलकुलेशन सेम रखनी है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। The force of buoyancy exerted by atmosphere on the balloon is V in the upward direction. ठीक है ना? तो एक balloon है, उसपे जो force of buoyancy है वो V लग रहा है। एक balloon है, उसपे जो force of buoyancy है वो V लग रहा है, constant है। The force of air resistance acts opposite to the direction of velocity and is proportional to it.
फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस जो है वो के वी के बराबर है और नेगेटिव है। नेगेटिव है क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के अगेंस्ट लगेगा वो। ठीक है, आगे चलते हैं। द बलून कैरीज अ मास एम इज फाउंड टू फॉल डाउन नियर द अर्थ सरफेस विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो क्या बोल रहा है ये कि बलून जो है उसका मास कैपिटल एम है और ये नीचे आ रहा है वी वेलोसिटी से। बलून का मास कितना है? कैपिटल एम। और ये नीचे आ रहा है वी वेलोसिटी से। बलून का मास कितना है? कैपिटल एम। और ये नीचे आ रहा है वी वेलोसिटी से। तो पहले इसमें फोर्सेस लिख लेते हैं। एक तो बॉयंसी का फोर्स होगा बी, एक नीचे एम जी होगा। एक तो बॉयंसी का फोर्स होगा बी, एक नीचे एम जी होगा। और एक क्योंकि इसकी वेलोसिटी नीचे है, इससे ऊपर एक फोर्स होगा के वी। इसकी वेलोसिटी नीचे है, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो माइनस ऑफ के वी है, मतलब अपोजिट ऑफ वेलोसिटी है। तो ऊपर की तरफ एक फोर्स होगा के वी। और बोल रहे हैं कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, मतलब इसका एक्सप्रेशन कितना है? जीरो। पता नहीं ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो एक्सप्रेशन अगर जीरो तो अपन क्या लिखेंगे? एम जी माइनस के वी माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। एम जी माइनस के वी माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। दूसरा केस क्या बोल रहा है ये कि इसमें से कुछ मास हटा दिया। देखो क्या बोल रहा है, हाउ मच मास शुड बी रिमूव फ्रॉम द बलून सो दैट इट मे राइज द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी। कितना मास हम रिमूव कर देंगे कि ये ऊपर उठे वी वेलोसिटी से। दूसरा केस क्या है कि बलून अपने पास ऊपर जा रहा है वी वेलोसिटी से। बलून अपने पास कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है वी वेलोसिटी से। इसमें से छोटा एम रिमूव कर दो, मतलब इसका मास क्या रख देंगे हम? एम माइनस एम। छोटा एम रिमूव कर दो तो मास क्या बन जाएगा? एम माइनस एम। तो इसमें जो ग्रेविटी लग रहा है वो कितना लग रहा है? एम माइनस एम इंटू जी। इसमें जो ग्रेविटी लग रहा है वो कितना लग रहा है? एम माइनस एम इंटू जी। अब क्योंकि इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, इस पे एक और फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ के वी। एक फोर्स सही हो गया, एक फोर्स ये हो गया। और बॉयंसी का फोर्स हमेशा ऊपर लगता है। इसमें बोला हुआ है द फोर्स ऑफ बॉयंसी इज इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड रिमेंस कांस्टेंट। फोर्स ऑफ बॉयंसी हमेशा ऊपर लग रहा है वी। नीचे की तरफ एक फोर्स कितना आया? एम माइनस एम इंटू जी, ग्रेविटी का फोर्स है। के वी नीचे क्यों आया? यहाँ पे के वी ऊपर था बिकॉज वेलोसिटी नीचे थी, यहाँ वेलोसिटी ऊपर तो के वी नीचे आ गया। अब वापस से फोर्स बैलेंस है। क्यों? क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन जीरो है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन जीरो है। वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सीलरेशन जीरो है। तो वापस से अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? यहाँ पे देखो, नीचे को पॉजिटिव मान लो, ऊपर को पॉजिटिव मानना है मान लो, तो नीचे के फोर्सेस ऊपर के फोर्सेस के बराबर होने चाहिए। मतलब एम माइनस एम इंटू जी प्लस के वी, दिस शुड बी इक्वल टू बी। एम माइनस एम इंटू जी प्लस के वी शुड बी इक्वल टू बी। एम माइनस एम इंटू जी प्लस के वी इज इक्वल टू बी। और पहले क्या रहा था? एम जी माइनस के वी इज इक्वल टू बी। अपन को आंसर किसमें चाहिए? 19th का आंसर क्या आ रहा है? बी और एम में चाहिए, बी और एम में। तो के तो अपन ने माना था ना, तो के वी की वैल्यू यहां से यहां डाल दो। समझ रहे हो? के वी तो अपन ने माना ना, तो के वी कितना है यहाँ पे? के वी देखो, के वी होगा एम जी माइनस बी। के वी को इधर ले जाएंगे तो के वी कितना हो गया? एम जी माइनस बी। के वी को इधर ले गए तो के वी कितना आ रहा है? एम जी माइनस बी। तो यह इक्वेशन क्या बन रही है अपनी? ये इक्वेशन एम माइनस एम इंटू जी प्लस एम जी माइनस बी इज इक्वल टू बी। एम माइनस एम इंटू जी प्लस एम जी माइनस बी इज इक्वल टू बी। ठीक है ना? तो अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। एम छोटे एम को अलग हटा देते हैं, बाकी सब एक तरफ ले जाते हैं। तो ये क्या है? टू एम जी, टू कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम इंटू जी इज इक्वल टू टू बी। टू कैपिटल एम जी माइनस छोटा एम इंटू जी इज इक्वल टू टू बी। तो एम जी को इधर लिया, बी को इधर लिया, तो टू इंटू कैपिटल एम इंटू जी माइनस बी अपॉन जी, ये अपने पास स्मॉल एम की वैल्यू हो जाएगी। ये तो कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स। अपन को फिजिक्स की बात कर लेते हैं वापस से। बॉयंसी ऊपर लग रही है, इधर भी, उधर भी ऊपर लग रही है। इधर वेलोसिटी ऊपर है तो के वी नीचे लग रहा है, इधर वेलोसिटी नीचे है तो के वी ऊपर लग रहा है। इधर एम जी नीचे लग रहा है, इधर एम माइनस एम, दोनों में एक्सेलरेशन जीरो है। तो फोर्स अपन को बैलेंस करके लिख लेंगे। फोर्स बैलेंस बहुत आसान होता है करना। या तो तुम ऐसे कर दो कि सारे समर्शन ऑफ फोर्स इक्वल टू जीरो, या फिर तुम कर दो नीचे वाला फोर्स इक्वल टू ऊपर वाला फोर्स। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? सारा सम, मतलब नीचे की तरफ एम जी माइनस के वी माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ मैंने क्या कर दिया? नीचे वाले फोर्स इक्वल टू ऊपर वाले फोर्स। कैसे भी कर दो, आंसर अपने पास आ गया टू इंटू एम जी माइनस बी अपॉन जी। क्वेश्चन नंबर 20 भी वैसा ही है कुछ। क्वेश्चन नंबर 20 भी कुछ वैसा ही है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 भी कुछ वैसा ही है, देखते हैं क्या है। एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉक्स टू बॉक्स ऑफ मास एम इज फाउंड टू एक्सेलरेट अप एट द रेट ऑफ जी बाई सिक्स। तो एक बॉक्स है प्लास्टिक का, उसको पानी के अंदर डाल दिया। एक बॉक्स है मास एम का, उसको पानी में डाल दिया, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना आ रहा है? जी बाई सिक्स। एक्सेलरेशन आएगा जी बाई सिक्स क्यों आएगा? बिकॉज पानी ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा प्लास्टिक को। अगर तुम प्लास्टिक का मग्गा पानी में डालोगे तो अपने आप ऊपर आता है,
तो पानी ऊपर फोर्स लगाता है। तो पहले अपन इसकी कंडीशन लिख लेते हैं, तो ये एम एम जी तो नीचे आ रहा है और पानी का एक फोर्स ऑफ बॉयंसी होता है, तो अपन क्या लिखेंगे, एफ बी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू जी बाई सिक्स। ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है ना जी बाई सिक्स, तो ऊपर की तरफ फोर्स पॉजिटिव मान लो, नीचे की तरफ नेगेटिव मान लो, तो एफ बी माइनस एम जी ऊपर की तरफ नेट फोर्स हो गया, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये पहली क्वेश्चन हमने पास आ गई। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, हाउ मच सैंड शुड बी पुट इनसाइड द बॉक्स सो दैट इट मे एक्सेलरेट डाउन एट द रेट ऑफ जी बाई सिक्स। दूसरी कंडीशन क्या बोली अपन को, दूसरी कंडीशन क्या बोली अपन को, कि इसके अंदर अपन ने सैंड भर दी, तो इसका मास एम तो था ही और सैंड का मास एम वन मान लेते हैं, तो इसका मास कितना हो गया एम प्लस एम वन। सैंड का मास कितना मान लिया, एम वन मान लिया, और इसका मास कितना था एम था। अब भी पानी एक फोर्स ऑफ बॉयंसी लगाएगा, अब भी पानी क्या लगाएगा, एक फोर्स ऑफ बॉयंसी लगाएगा, वो फोर्स ऑफ बॉयंसी सेम रहेगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में फोर्स ऑफ बॉयंसी सेम था, इस क्वेश्चन में फोर्स ऑफ बॉयंसी सेम रहेगा। बाद में पढ़ेंगे अपन फ्लूइड्स के अंदर कब सेम रहता है कब डिफरेंट होता है, बट अभी के लिए मान लो सेम रहेगा। और नीचे कितना फोर्स लग रहा है, एम प्लस एम वन इंटू जी, नीचे कितना फोर्स लग रहा है, मास इंटू ग्रेविटी। अब इसका जो नेट रिजल्ट है वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, नीचे की तरफ पूरी चीज एक्सेलरेट हो रही है जी बाई सिक्स से, तो इस बार नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेंगे, क्योंकि मैं बता चुका जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है उसको पॉजिटिव मानते हैं, जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है उसको पॉजिटिव मानते हैं, अपन काम कर लेते हैं। तो एम वन प्लस एम जी माइनस एफ बी इज इक्वल टू एम प्लस एम वन इंटू जी बाई सिक्स। एम प्लस एम एम वन प्लस एम इंटू जी माइनस एफ बी इज इक्वल टू एम प्लस एम वन इंटू जी बाई सिक्स। तो एफ बी कितना आ गया इससे, एफ बी आ गया इससे अपने पास, देखो ये इस तरफ जाएगा माइनस होगा, तो फाइव एम वन प्लस एम इंटू जी बाई सिक्स, फाइव बाई सिक्स ऑफ एम वन प्लस एम इंटू जी, फाइव बाई सिक्स ऑफ एम वन प्लस एम इंटू जी, फाइव बाई सिक्स ऑफ एम वन प्लस एम इंटू जी, ये आ गया। अब फोर्स ऑफ बॉयंसी किसके बराबर है, सेवन एम जी बाई सिक्स, यहां से आ रहा है सेवन एम जी बाई सिक्स के बराबर है, तो ये किसके बराबर है, सेवन बाई सिक्स एम जी के बराबर है, तो जी से जी कैंसिल हो गया, सिक्स से सिक्स कैंसिल हो गया, मतलब अपने पास क्या आ गया, फाइव ऑफ एम वन प्लस एम टू, फाइव ऑफ एम वन प्लस एम इज इक्वल टू सेवन ऑफ एम, फाइव ऑफ एम वन प्लस एम इज इक्वल टू सेवन ऑफ एम। इस फाइव को नीचे ले आओ, तो एम वन क्या आ गया, एम वन आ गया दिस माइनस दिस, तो टू बाय फाइव ऑफ एम, एम वन कितना आ गया, टू बाय फाइव ऑफ एम, एम वन कितना आ गया, टू बाय फाइव ऑफ एम। तो ये सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह, एक बार वेट लगा के करो, एक बार वेट हटा के करो, एक बार वेट लगा के करो, एक बार वेट हटा के करो। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन पार्टिकल इन एडिशन ऑफ ग्रेविटी वेयर वी इज द वेलोसिटी एंड ए इज द हॉरिजॉन्टल पार्टिकल सो दैट इट कंटिन्यूज टू मूव अपवर्ड। तो बेसिकली एक पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसे वी वेलोसिटी से, वी ऐसे वेलोसिटी है, तो एक फोर्स लगा रहे हैं अपन, तो पार्टिकल का मास अगर एम है तो पार्टिकल के नीचे एम जी लग रहा होगा फोर्स, तो हमको एक फोर्स ऊपर की तरफ चाहिए। ये फोर्स कितना बता रही है, ये फोर्स बता रहे हैं वी क्रॉस ए, ये फोर्स कितना बता रहे हैं वी क्रॉस ए, ये बात समझ में आ गई। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को इस चीज को सॉल्व करने के लिए। तो नीचे की तरफ अगर एम जी है तो इसका इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ऊपर की तरफ, मैक्सिमम बी इंटू ए, इसका जो हाइएस्ट मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, बी इंटू ए, तो बी इंटू ए एम जी के बराबर होना चाहिए, मतलब वी शुड बी इक्वल टू एम जी, तो वी का वैल्यू कितना आना चाहिए, एम जी अपॉन ए, वी का जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना आएगा, एम जी अपॉन ए, क्योंकि एक्चुअली में कितना होगा, बी ए इंटू साइन थीटा होगा एक्चुअली में, तो ये फोर्स, तो बी ए इंटू साइन थीटा करके देख लो तो बी कितना आ रहा है, ए साइन थीटा आ रहा है ना। अब इसने पूछा व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी, व्हाट इज द मिनिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड पूछा है मतलब साइन थीटा को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, नीचे ना साइन थीटा, इसको मिनिमाइज करने के लिए इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, इसको मिनिमाइज करने के लिए इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, इसको मैक्सिमाइज करना है मतलब इसको वन कर दो, तो इसको वन कर दो, कितना आंसर आ गया, एम जी अपॉन ए, स्पीड क्या आ गई, एम जी अपॉन ए, 21 की स्पीड क्या आ गई, एम जी अपॉन ए। अब क्वेश्चन नंबर 22 से क्या है, एटवुड मशीन है, मतलब दो ब्लॉक वाले सिस्टम है, एटवुड मशीन और भी चीजें हैं एटवुड मशीन के साथ, क्या सारे प्रॉब्लम्स, तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, जिसके अंदर मैं एक ट्रिक बता दूंगा पहले कैसे करना है इन सवालों को फटाफट से, और उस ट्रिक से अपन इन सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। और ये सवाल चल रहे हैं लगभग ये मान लो प्रॉब्लम नंबर 36 तक, उसके बाद एक दो बंदर वाले प्रॉब्लम, उसके बाद पुली वाले प्रॉब्लम, सुडो फोर्स वाले प्रॉब्लम दो तीन, तो अपन एक साथ चलेंगे सारे प्रॉब्लम्स को, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय। क्वेश्चन नंबर 26 से चालू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, तो अभी के लिए टेक केयर एंड
हेलो बच्चों, वेलकम बैक। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की एक्सरसाइज। मैं आपको एक दो ट्रिक्स बता दूंगा जिससे आगे के सारे सवाल बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है ना। वो ट्रिक क्या है, इस क्वेश्चन में हम कर लेते हैं वो ट्रिक। तो इस क्वेश्चन में क्या है, अपन M1 M2 मान लेते हैं एक बार वापस से, इसके अंदर एक बार M1 और M2 के हिसाब से निकाल लेते हैं। देखो मुझे एक चीज बताओ पहले, अगर मुझे एक चीज बताओ, अगर अपने पास दो ब्लॉक्स होते जो कि कनेक्टेड है, इसका मास होता 10 kg, इसका मास होता 5 kg, इस पे मैं लगा रहा हूँ 100 N का फोर्स, इस पे मैं लगा रहा हूँ 50 N का फोर्स, तो पहली चीज तो सिस्टम आगे जाता कि पीछे आता, पहली चीज तो सिस्टम आगे जाता कि पीछे जाता। आगे जो फोर्स है 100, पीछे जो फोर्स है 50 है, तो सिस्टम आगे जाता, सिस्टम आगे जाता। या फिर इसको 4 मान लो, जिससे थोड़ा सा अलग दिखे, नहीं तो थोड़ा सा और, ठीक है ना। तो सिस्टम आगे जाता, नेट फोर्स क्या है सिस्टम पे आगे की तरफ, इस पूरे को एक सिस्टम मान लो, इसका एक्सेलरेशन भी ए है, इसका भी ए है, तो जो सिस्टम है वो आगे जा रहा होता है ए एक्सेलरेशन से। नेट फोर्स कितना है सिस्टम पे, 100 - 40। नेट फोर्स कितना है 100 - 40। नेट मास कितना है सिस्टम का, 10 + 4। तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा सिस्टम का। सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स अपॉन नेट मास। नेट फोर्स कितना है 100 - 40, नेट मास कितना है 10 + 4। अब ये जो एटवुड मशीन होती है ना बच्चों, इसके अंदर भी सेम चीज लग रही होती है। इसके नीचे फोर्स क्या लग रहा है, M2G। इसके नीचे फोर्स क्या लग रहा है, M1G। इसको नीचे की तरफ ए मान लो तो ये ऊपर की तरफ ए है। लेकिन अगर तुम इसको खोल के देखोगे, अगर तुम इसको खोल के देखोगे तो ऐसा ही तो कुछ है कि M1 मास यहाँ पर है, M2 मास यहाँ पर है, M1 मास यहाँ पर है, M2 मास यहाँ पर है। यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है M2G, यहाँ फोर्स कितना लग रहा है M1 × G यहाँ। तो इसलिए देखो मैंने 10 × 10 लिया, जी को 10 मान के चलेंगे तो 100, 4 × 10 = 40। तो जैसे इसका मास अगर M2 10 होता तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा था 100, इसका मास अगर 10 होता तो यहाँ पे फोर्स कितना लगता 100, इसका मास अगर 4 होता तो यहाँ पे मास फोर्स कितना लगता 40। तो इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालते, इसका एक्सप्रेशन निकालते नेट फोर्स। इसका तो एक्सप्रेशन ए है ना, क्योंकि ये भी नीचे आ रहा है, ए ऊपर आ रहा है, तो पूरी की पूरी चीज ऐसे जा रही है ए से, ये नीचे आ रहा है ए से ये ऊपर जा रहा है, तो पूरी चीज ऐसे जा रही है ए से। तो अगर मैं ए निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, M2G - M1G, M2G - M1G अपॉन टोटल मास कितना है M1 + M2। अगर M2 का वैल्यू 10 होता तो यहाँ पे 100 आ जाता, 100 - 40 अपॉन 10 + 14। तो ये याद रख सकते हो एक्सेलरेशन क्या होता है, M2G, M2 - M1 × G। तो बेसिकली इसको ऐसे याद रखो, नेट फोर्स अपॉन नेट मास, नेट फोर्स। अब नेट फोर्स में ऐसा मत कर देना कि इसको खोल के जो नेट फोर्स लग रहा है वो, तो खोलना सीख लो सिस्टम को, इसको खोलना सीख लो, उससे प्रॉब्लम आसान हो जाता है। और टेंशन का फॉर्मूला डायरेक्टली याद करो तो एक्स टेंशन का फॉर्मूला कितना होता है, T = 2 M1 M2 अपॉन M1 + M2 × G। अब ये भी डिराइव कर सकते हैं अपन, यहाँ पे टेंशन टी मान के, इसका एक्सेलरेशन ए मान के कर सकते हैं अपन इसको। जैसे सॉल्व कर लेते हैं, जैसे देखो ए तो कितना आ गया था, सॉल्व कर सकते हैं इसको बेसिकली ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा हम याद कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, अब क्या होगा कि कभी अगर स्लोप आ जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, तो यहाँ का फोर्स लेंगे और यहाँ का फोर्स लेंगे, यहाँ का फोर्स कितना हो जाएगा (g sin θ) हो जाएगा। यहाँ का फोर्स कितना हो जाएगा mg, यहाँ का फोर्स कितना हो जाएगा m × g sin θ, है ना। तो वो और हम ले लेंगे, ठीक है। तो अब जैसे हम चालू करते हैं प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 22 देखो। तो M1 M2 कनेक्टेड है, वैल्यू दे रखी है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मेरे को यू पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए। डिस्टेंस निकालने के लिए मुझको यू पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए। तो ये इनिशियली रेस्ट पे था, तो यू 0 है। तो ए कितना होता है, ए होता है, ए होता है M1 - M2 G अपॉन M1 + M2। अब एक वैल्यू 600 ग्राम दे रखी है, 300 ग्राम दे रखी है, एक 600 ग्राम, एक 300 ग्राम, तो हो जाएगा 0.6 - 0.3 अपॉन 0.6 + 0.3 × G। 0.6 - 0.3 कितना हो गया 0.3, 0.3 0.9 से कैंसिल होगा, 3 टाइम्स आएगा, तो g/3 एक्सेलरेशन हो गया। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0t + 1/2 g/3 × 2 / 2 से 2 गया, कितना आ जाएगा 2g/3। तो 20/3 अपने पास आंसर आ जाएगा 22 का, 20/3 मतलब 6.5 के आसपास अपना आंसर आ जाएगा। जी को 9.8 लेके करा एक्सेल वाले, ठीक है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी कितनी रहेगी, 2 M1 M2 / M1 + M2 × G। टेंशन कितनी आती है, 2 M1 M2 / M1 + M2 × G, ठीक है। तो 2 × 0.3 × 0.6 × G को 10 मान लो अपॉन 0.9 मिल जाएगा, तो 3 × 9, 3 × 0.2 = 6, 220, तो 4 न्यूटन टेंशन अपनी स्ट्रिंग में आ जाएगी। इसमें 3.9 आ रहा होगा आंसर, 4 न्यूटन टेंशन आ जाएगी।
फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली. अभी हम कर चुके हैं, जो क्लैंप है ये क्लैंप है, ये पुली है, तो यहाँ टेंशन टी होगी, यहाँ टेंशन टी होगी, इसको काटोगे तो यहाँ पे जो ऊपर टेंशन आएगा टू टी आएगा. भाई जो पुली है वो मासलेस है, अगर पुली मासलेस है तो लाइट लाइट दे रखा है. देखो पुली पुली अगर मासलेस होता है तो जो नीचे की तरफ फोर्सेस है वो ऊपर की तरफ बैलेंस होनी चाहिए, बिकॉज नेट फोर्स को जीरो करना है, तो इसके ऊपर टू टी आ जाएगा, मतलब 2 × 4 = 8 newtons हमारे पास आंसर आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23. कंसिडर द एटवर्ड मशीन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम. प्रीवियस प्रॉब्लम द लार्जर मास इज स्टॉप्ड फॉर ए मोमेंट 2 seconds आफ्टर सिस्टम इज सेट इन टू मोमेंट. तो अब क्या करा अपन ने, जो लार्जर मास था ये 0.6 मान लो, ये 0.3 मान लो, तो ये नीचे आ रहा था, ये ऊपर जा रहा था, तो t इक्वल टू 2 seconds पे, t इक्वल टू 2 seconds पे लार्जर मास को एक बार हाथ से पकड़ लिया, लार्जर मास को एकदम से हाथ से पकड़ लिया. फाइंड द टाइम इलास्ट बिफोर द स्ट्रिंग इज टाइट अगेन. अब क्या हो रहा होगा सिस्टम में, स्ट्रिंग को टाइम टाइट होने में क्यों टाइम लग जाएगा. देखो समझो इस चीज को, कि इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक्सीलरेशन g / 3 निकला था, एक्सीलरेशन क्या निकला था g / 3, तो v कितना होता है 0 प्लस मतलब u प्लस 80, तो ये तो 0 था, तो g / 3 * 2 2g / 3 इसकी क्या थी स्पीड थी, v क्या थी इसकी 2g / 3, मतलब ये भी 2g / 3 से नीचे आ रहा था, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2g / 3, और ये भी वेलोसिटी इक्वल टू 2g / 3 से ऊपर जा रहा था, ये भी 2g / 3 से ऊपर जा रहा था, एक 2g / 3 से नीचे आ रहा था, इसको एकदम से पकड़ लिया हाथ से, तो इसका जो इनर्शिया है वो तो सेम रहेगा ना, इस पे तो अपन ने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, इसको तो अपन ने हाथ से पकड़ लिया, लेकिन जो इसका इनर्शिया रहेगा वो तो सेम रहेगा, तो ये जो ब्लॉक बन जाएगा 0.3 वाला, ये जो ब्लॉक बन जाएगा 0.3 वाला, ये ऊपर जा रहा होगा किसी स्पीड से 2g / 3 की स्पीड से, तो इसका यू मान लो 2g / 3, यू क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अब मैं कंडीशन को कहां से देख रहा हूं, जब मैंने हाथ पकड़ लिया, जब मैंने हाथ से पकड़ लिया अब मैं कंडीशन को देख रहा हूं, तो इसका जो यू हो गया 2g / 3. अच्छा दूसरी बार स्ट्रिंग टाइट रहेगी क्या, ये ऊपर जा रहा है तो स्ट्रिंग लूज हो गई, स्ट्रिंग अगर लूज हो गई तो स्ट्रिंग की टेंशन जीरो हो गई, तो इसमें पूछा भी है ना कि स्ट्रिंग को टाइट होने में कितना टाइम लगेगा, तो स्ट्रिंग लूज हो गई, स्ट्रिंग लूज हो गई मतलब इस पे एक फोर्स नीचे लग रहा होगा एफ इज इक्वल टू 0.3 × g, इसलिए फोर्स लग रहा होगा कितना लग रहा होगा 0.3 × g, मतलब ये बोल दो कि इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी होगा, फ्री फॉल हो गया, इसका जो एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ जी होगा, फ्री फॉल हो गया, तो ये ब्लॉक ऊपर जाके वापस से नीचे आएगा, तो ये ब्लॉक को तो मैंने पकड़ लिया, ये ब्लॉक ऊपर जाके वापस से नीचे आएगा और वापस से टाइट हो जाएगा, ये ब्लॉक ऊपर जाके नीचे आएगा और वापस से जब इस पोजीशन पे आ जाएगा तब टाइट हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम कौन सा बन गया अपन का, कि अपन ने एक ब्लॉक को ऊपर फेंका तो नीचे आने में कितना टाइम लिया, वापस से ऊपर जाके नीचे आने में कितना टाइम लिया, तो उसके लिए अपन ने काइनेमेटिक्स का लेक्चर अगर आपने देखे होंगे, डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर देता हूं मैं, जब भी मैं टाइम की बात करता हूं मैं वाई एक्सिस इक्वेशन लिखता हूं हमेशा प्रोजेक्टाइल के अंदर भी, हर जगह ये भी याद रखो, तो डिस्प्लेसमेंट को जीरो, तो इसके लिए अपन को क्या पता है, यू पता है, यू कितना है 2g / 3, ए कितना है माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट को क्या कर देंगे जीरो, तीन चीजें पता है टाइम आ जाएगा, यू पता है, ए पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, तीन चीजें पता होती है मेरे को काइनेमेटिक्स में, टाइम मैं चौथे और पांचवी चीज निकाल दूंगा, तो क्या कर देंगे s = ut + half t = 0 = ut, ut मतलब 2g / 3 * t + half of माइनस ऑफ g * t स्क्वायर, तो एक आंसर तो t = 0 आएगा, उसको हटा दो, दूसरा आंसर क्या आएगा, t = g से g गया तो t = 4g / 3, नहीं सॉरी g से भी g कैंसिल हो जाएगा, तो t कितना आ जाएगा 4/3, तो 4/3 अपने पास टाइम आ गया. फाइंड द टाइम इलास्ट बिफोर द स्ट्रिंग इज टाइट अगेन. इसका यू कितना है 2g / 3, एक्सेलरेशन g / 3 आ रहा था, द लार्जर मास स्टॉप फॉर अ मोमेंट 2 seconds ऑफ द सिस्टम इज सेट इनटू मोशन. ठीक है, फाइंड द टाइम इलास्ट बिफोर द स्ट्रिंग इज टाइट अगेन, तो v कितना आ गया अपने पास 2g / 3, v आ गया 2g / 3, v आ गया 2g / 3, और ये 2g / 3 है तो ये ऊपर जाएगा, इसके नीचे g लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू s = ut + half t square, s = ut + half t square, तो 0 is equal to ut 2g / 3 * t + half of minus g * t square, तो यार ये तो अपने पास 4/3 आ रहा है आंसर, इसमें पीछे 2/3 दे रखा है सेकंड्स, जो अपना आंसर है वो 4/3 सेकंड्स आ रहा है, पीछे आंसर 2/3 दे रखा है, देखते हैं क्या गलती हुई है अपनी, तो t is equal to 2 पे जो वेलोसिटी है वो a कितना था, a g / 3 आ रहा था, a m1 - m2 / m1 + m2 * t * g, तो 0.6 - 0.3 मतलब 0.3 / 0.9, तो g / 3 एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन g / 3 है, तो वेलोसिटी कितनी होगी, v = u + at, तो 2 सेकंड्स बाद जो वेलोसिटी होगी कितनी हो जाएगी 2g / 3, तो ये g / 3 है, 2g / 3 है, ये ऊपर की तरफ 2g / 3 है, वापस से नीचे आएगा
स्टॉप फॉर अ मोमेंट, अच्छा एक मोमेंट के लिए छोड़ा है, अच्छा एक मोमेंट के लिए छोड़ा है, ओके यहाँ पे गलती कर दी अपन ने, इसको अपन ने एक मोमेंट के लिए छोड़ा, पकड़ के नहीं रखा, ठीक है ठीक है, वापस से कर लेते हैं इस प्रॉब्लम को, इस प्रॉब्लम को वापस से कर लेते हैं। तो गलती कर दी मैंने थोड़ी सी, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 2g/3 नीचे की तरफ, इसको जीरो कर दिया एक बार के लिए, इसकी वेलोसिटी को क्या कर दिया, जीरो कर दिया, और इसकी वेलोसिटी को 2g/3 कर दिया, इसकी वेलोसिटी को क्या कर दिया, ऊपर 2g/3 है, इसकी वेलोसिटी को जीरो कर दिया। अब ये ऊपर जा रहा होगा लेकिन ये नीचे आ रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा, ये नीचे आ रहा होगा, हमको देखना है वो कौन सा टाइम है जब दोनों की दोनों वापस से स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी, मतलब एक तरह से इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो इसका ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बराबर हो जाना चाहिए, ये S1 है, ये S2 है, तो इसका एक्सेलरेशन तो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है, तो S1 कितना हो जाएगा, S1 इज इक्वल टू हाफ gt2, S1 कितना हो जाएगा, हाफ gt2 नीचे की तरफ, बिकॉज नीचे की तरफ g लग रहा है, और S2 ऊपर की तरफ माना है अपन ने, S2 क्या माना है, ऊपर की तरफ माना है, तो ut + 1/2 at2, तो ut + 1/2 at2, तो u कितना है, u तो है 2g/3 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ माइनस जी ऑफ टी स्क्वायर, ये बात समझ में आई, यू कितना है 2g/3, यू क्यों हो गया 2g/3, बिकॉज टी इक्वल टू 2 पे, इसको एक मैंने क्या सोचा था इसको पकड़ के रखा हुआ है, वो गलत पढ़ लिया मैंने, मोमेंट के लिए रोका है, मोमेंट के लिए रोक के वापस छोड़ दिया, मैंने क्या सोचा था इसको पकड़ के रखा हुआ है, तो इसको छोड़ेंगे तो ये भी नीचे आ रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा, तो स्ट्रिंग वापस से टाइट कब हो जाएगी, जब इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो इसका डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ उसके बराबर जब हो जाएगा, समझ रहे हो भाई, अभी स्ट्रिंग टाइट है, अब ये डिस्टेंस तो ज्यादा नहीं हो रहा लेकिन ये डिस्टेंस तेजी से कवर कर रहा है, तो वापस से दोनों के बीच में जब लेंथ एल हो जाएगी, लेंथ एल कब हो जाएगी, जब ये एंड जितना नीचे गया उतना ये ऊपर गया, वापस से लेंथ एल हो जाएगी दोनों के बीच में, क्योंकि अभी जो लेंथ है वो एल से कम हो गई, क्यों कम हो गई, बिकॉज ये ऊपर जा रहा है काफी तेजी से, ये तो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो S2 ये है, S1 ये है, ये ऊपर की तरफ का डिस्टेंस है तो माइनस जी कर दिया, ये नीचे की तरफ का डिस्टेंस है इसलिए इसको पॉजिटिव रखा है, S1 पे रखा है, हाफ gt2 नीचे की तरफ है, तो इसके लिए मैंने नीचे वाले को पॉजिटिव मान लिया, इसके लिए मैंने ऊपर वाले को पॉजिटिव, तो ये और ये बराबर होनी चाहिए, ये और ये बराबर, तो हाफ gt2 शुड बी इक्वल टू 2g/3 माइनस ऑफ हाफ gt2, तो हाफ gt2 शुड बी इक्वल टू 2g/3 इनटू t माइनस ऑफ हाफ gt2, तो g से g कैंसिल हो गया, t भी 0 के बराबर होगा नहीं, तो हाफ t इनटू हाफ t क्या बन जाएगा, टोटल t, तो t कितना आ गया अपने पास 2/3 सेकंड्स, ये कितना आ गया 2/3 सेकंड्स, तो वहां पे अपन ने गलती कर दी थी, अगर हम ये बोलते कि इसको मैंने पकड़ के रखा हुआ है तो मेरा वो आंसर वो सही था 4/3, अगर ये बोलते कि इसको पकड़ के रखा हुआ है, बट यहाँ पे एक मोमेंट के लिए लिखा हुआ था तो वो मैंने पढ़ा नहीं था, तो मोमेंट के लिए करेंगे तो ये भी फिर नीचे जाना चालू कर देगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, फिगर 5E8 कहाँ पर है, आगे है, चलो ठीक है देखते हैं, यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर, इसका मास है 3 kg, लेंथ 30 सेंटीमीटर, मास कितना है 3 kg, द स्ट्रिंग शोन इन द फिगर आर पुल्ड बाय कांस्टेंट फोर्स ऑफ 20 न्यूटन 32 न्यूटन, तो फिगर ऐसा बना रखा है इन्होंने, जो स्ट्रिंग है उसको 32 न्यूटन और ये पुल्ली है इसको 32 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है, इसको 20 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है, ये पुल्ली है, ये इस पे टेबल पे है, ठीक है, इसको 20 न्यूटन का, इसको 32 न्यूटन का, क्या पूछा है आगे, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द 20 सेंटीमीटर पार्ट ऑन द 10 सेंटीमीटर, तो इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है इसको, ये 20 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर है, तो क्या बोला है कि जो फोर्स है 20 सेंटीमीटर वाला 10 सेंटीमीटर पे कितना लगा रहा है वो अपन को निकालना है, अपन को क्या निकालना है 20 सेंटीमीटर वाला 10 सेंटीमीटर पे कितना फोर्स, तो फोर्स इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच का फोर्स निकालने के लिए यहां से काटना पड़ेगा और फोर्स से रिप्लेस करना पड़ेगा, ये मैं बता चुका हूं, जो भी फोर्स अपन को निकालना होता है वहां से अपन सिस्टम को काटना होता है और वहां पर अपन को फोर्स को रिप्लेस करना होता है, पहले अपन निकाल लेते हैं 32 है 20 है, तो इस तरफ 32 इस तरफ 20 नेट फोर्स कितना हो गया, इस तरफ 12 इस तरफ 32 इस तरफ 20 तो नेट फोर्स इस तरफ कितना हो गया, इस तरफ 12, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा 12/3 मतलब कि 4, तो इसका एक्सेलरेशन इस तरफ क्या हो गया 4, इसका जो एक्सेलरेशन इस तरफ क्या हो गया 4, अब तुमको ये फोर्स निकालना है तो यहां से काट दो, ये 20 सेंटीमीटर है और यहां पे 32 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और पुलिंग फोर्स होगा, ये इसको पुल कर रहा होगा, ये वाला जो ब्लॉक है 10 सेंटीमीटर वाला 20 को पुल ही करेगा ना, जब तुम तोड़ने की कोशिश करोगे तो ये वाला ब्लॉक बोले मुझे छोड़ के मत जाते, तभी तो साथ में है, ये वाला ब्लॉक इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, ये वाला ब्लॉक इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो इसका एफ बी डी ये बना 32 और एफ पीछे की तरफ,
इसका मास कितना होगा 2 kg, 2 kg क्यों होगा, 30 सेंटीमीटर का 3 kg है, 30 का कितना है 3 kg, तो 20 का कितना हो जाएगा 2 kg। और इसका एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं 4 है, एक्सेलरेशन कितना है इसका 4 है, इसका जो एक्सेलरेशन है कितना है 4 है। तो हम क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ ऑल द फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, समेशन ऑफ ऑल द फोर्स मतलब 32 माइनस f इज इक्वल टू मास, मास कितना है 2 इनटू 4, 32 माइनस f इज इक्वल टू 2 इनटू 4, तो f कितना आ गया, f इक्वल टू खचखच 32 माइनस 8, 32 माइनस 8 कितना होता है 24 न्यूटन्स, दोनों के बीच में फोर्स कितना आ गया 24 न्यूटन्स, दोनों के बीच में फोर्स कितना आ गया 24 न्यूटन्स, तो 24 का आंसर भी क्या है 24। इसको तुम चाहे तो इससे भी कर सकते थे, इसको तुम चाहते तो 10 सेंटीमीटर वाले से भी कर सकते थे, देखो करके बताता हूं। तो 10 सेंटीमीटर पे जो फोर्स लग रहा था वो आगे लगेगा एफ, पीछे लगेगा 20 न्यूटन, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो आगे की तरफ 4 है, आगे जो फोर्स लगेगा एफ लगेगा, पीछे जो लगेगा 20 न्यूटन, आगे की तरफ एक्सेलरेशन 4। इसका मास कितना है 1 kg, 1 kg क्यों, 30 का 3 है तो 10 का कितना है 1, 30 का 3 है तो 10 का कितना होगा 1, तो हम क्या लिखेंगे एफ माइनस 20 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 34, मास इंटू एक्सेलरेशन तो 1 इंटू 4 मतलब 34, तो एफ कितना आ गया 24। तो कैसे भी कर सकते हो प्रॉब्लम को, आगे पीछे कैसे भी तुम कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, ये सिचुएशन दे रखी है E39 में, तो हमको निकालना है एक्सेलरेशन, हमको क्या निकालना है एक्सेलरेशन, तो मैंने बताया सिंपल सा फंडा, देखो ये 3 है 4 है 5 है, तो ये फिगर बना लेते हैं, ये 3 है ये 4 है ये 5 है, तो अगर ये एंगल थीटा है, एक्चुअली ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल 3 के पॉजिटिव है 37 डिग्री बनेगा, और ये एंगल बनेगा 53 डिग्री, इसका साइन 53 कितना होता है 4/5, साइन 37 कितना होता है 3/5, ये मैं याद कर बच्चों को वेक्टर से कैसे याद करेंगे वो टेन भी बता चुका हूँ, साइन 37 कितना 3/5, साइन 53 कितना, साइन क्यों लिया मैंने, बिकॉज मुझे पता है जब भी ब्लॉक्स होते हैं ऐसे हवा में स्लोप के ऊपर, तो स्लोप के अलोंग जो फोर्स लग रहा होता है वो साइन होता है, स्लोप एच फॉर स्लोप एच फॉर साइन, स्लोप के अलोंग जो फोर्स लग रहा होता है वो क्या होता है साइन होता है। तो 1 kg का ब्लॉक है इधर, 1 kg का ब्लॉक है इधर, अब खोल दो सिस्टम को, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा इस वाले का साइन थीटा, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा क्या होगा एम इंटू जी साइन थीटा, तो एम तो 1 है इंटू जी इंटू साइन ऑफ थीटा कितना 3/5, इस पे फोर्स लग रहा होगा जी इंटू 3/5 नीचे इस तरफ, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा कितना लग रहा होगा 1 इंटू जी इंटू 4/5, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ कितना होगा 1 इंटू 4 इंटू जी बाय 1 इंटू जी इंटू 4/5, इस पे होगा 3/5। तो पहली बात तो इस तरफ मूव करेगा, पहली बात तो इस तरफ, इसको ऐसे भी समझ सकते हो ये ज्यादा स्टीप है, ये ज्यादा स्टीप है तो इस तरफ मूव करेगा, इस तरफ ये ऊपर आएगा ये नीचे आएगा, ठीक है ना। तो इसको अगर खोल दो सिस्टम को, जो मैं पहले करा चुका हूँ क्वेश्चन के अंदर, तो इस पूरे सिस्टम का मास कितना है 2 kg, इस पूरे सिस्टम का मास कितना है 2 kg, क्यों, क्योंकि ये 1 kg ये 1 kg, तो इस पूरे सिस्टम का मास कितना है 2 kg। अब यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है जी इंटू 4/5, यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है 4/5 और जी, पीछे कितना लग रहा है 3/5 और जी, इस तरफ कितना लग रहा है 4/5 और जी, पीछे कितना लग रहा है 3/5 और जी। तो अगर एक्सेलरेशन ए मान लेंगे हम, तो हम क्या लिखेंगे नेट फोर्स कितना है 4/5 जी माइनस 3/5, 4 - 5 4 - 3 1, तो फोर्स कितना है फोर्स है जी बाय 5, ये फोर्स है दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जी बाय 5 इज इक्वल टू 2 इनटू ए, जी बाय 5 इज इक्वल टू 2 इनटू ए, तो ए कितना आ जाएगा जी बाय 10, जी बाय 10 ही आंसर है, ये नीचे आ रहा होगा ये ऊपर जा रहा होगा, ये नीचे आ रहा होगा ये ऊपर जा रहा होगा। इसको तुम पूरा उससे भी कर सकते थे तोड़ के, बट मैंने शॉर्टकट बता ही दिया है, समझना भी सिंपल है, इसको ये पुल कर रहा है इसको ये पुल कर रहा है, तो इसको इस तरफ पुल कर रहा है इसको इस तरफ पुल कर रहा है, दोनों को माइनस कर दो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 भी सेम है। अब 26 में क्या हो रहा है, इस वाले ब्लॉक को अपन F4 से पुल कर रहे हैं, इस वाले ब्लॉक को एम टू जी अपॉन टू से पुल कर रहे हैं, ठीक है देखते हैं, ये M1 ब्लॉक है ये M2 ब्लॉक है, इसको खोल दो, तो भाई इस तरफ जो पुलिंग फोर्स था वो कितना था M2G, M2 को जो पुल कर रहा था M2 को पुल कर रहा था वो M2G था, और इस तरफ कितना पुल हो रहा है M2G by 2, इस तरफ कितना पुल हो रहा है M2G by 2, तो क्या निकालना है एक्सेलरेशन निकालना है M1 का, दोनों सेम ही होगा एक्सेलरेशन, इस तरफ होगा आगे की तरफ होगा A, इस तरफ होगा एक्सेलरेशन आगे की तरफ होगा A, ए कितना होगा कि इन दोनों का नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स हो गया एम टू जी बाई टू, इस तरफ नेट फोर्स हो गया एम टू जी बाई टू, दिस इज इक्वल टू टोटल मास, टोटल मास कितना एम वन प्लस एम टू इन टू ए, ए कितना आ गया एम टू अपॉन टू एम वन प्लस एम टू इन टू जी, ए कितना आ गया एम टू जी अपॉन टू एम वन प्लस एम टू टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स राइट। इसको अगर करना है देखो पूरा भी कर सकते हो, तो
करना है तो पूरा भी कर सकते हो, टेंशन लिखो वो सब लिखो, जैसे इसके लिए क्या बनाओगे, इधर टी इधर एफ वन, इसका ए, इसके लिए क्या बनाओगे एम टू के लिए ऊपर टी नीचे एम टू जी, इसके लिए इक्वेशन आएगी नीचे की तरफ ए मान लो इसको, इस तरफ ए मान लो, तो इसके लिए इक्वेशन क्या आएगी टी माइनस एफ टू इज इक्वल टू एम वन ए, इसके लिए इक्वेशन क्या आएगी एम टू जी माइनस टी इज इक्वल टू एम टू इंटू ए, फिर एफ की वैल्यू डालो, एफ की वैल्यू डालो उससे सॉल्व करो, तो लंबा पड़ जाएगा बस ये है और कुछ नहीं है। तो मैं वही कह रहा था कि ट्रिक बता दूंगा मैं, ट्रिक करने से बहुत आसान चीजें हो जाएंगी। 27 देखते हैं, एम वन फाइव है एम टू टू है, तो स्ट्रेट कर दो वापस से सीधा कर दो, तो एम वन कितना है फाइव, एम टू कितना है टू, इस पे फोर्स लगा रहे हैं 1 न्यूटन का, इसमें फोर्स लगा रहे हैं 1 न्यूटन का, तो फोर्स तो लग रहा है ग्रेविटी पे लग रहा होगा ना, फोर्स तो लग रहा है ग्रेविटी पे लग रहा होगा, तो 1 न्यूटन 1 न्यूटन तो चुन्नू फोर्स है, बहुत ही छोटा फोर्स है, या लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, मुझको नहीं पता कि लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, लगा ही रहे होंगे ग्रेविटी तो लगा ही होंगे, ठीक है ना, तो इस पे एक तो 1 न्यूटन लगा रहे हैं, बट 1 न्यूटन बहुत छोटा हो गया इसलिए पता नहीं 1 न्यूटन क्यों लगा रहे हैं, और साथ में 20 लग रहा होगा, 20 क्यों, बिकॉज ये 50 ये 20, बिकॉज 20 क्यों लग रहा होगा, बिकॉज एम इंटू जी, एम इंटू जी, तो ये 1 न्यूटन 1 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना आ गया इस पे, इसको एक सिस्टम मान लो इस तरफ एक्सेलरेट करेगा, नेट फोर्स कितना आ गया 51 इस तरफ 21 इस तरफ, नेट फोर्स इस तरफ कितना आ गया 30 न्यूटन, दिस इज इक्वल टू 7 इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 30/7, पीछे दे रखा होगा जी के टर्म्स में दे रखा होगा, तो अगर तुम इसको 9.8 लोगे तो उस वजह से आंसर निकाल लो, 7/4 28 आता है, अब पीछे आंसर 4.3 दे रखा है, 7/4 28 बचेगा 2, 7/3 21, तो 4.3 अपने पास आंसर आ जाएगा टूवर्ड्स, मतलब ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा, ये नीचे ये इस तरफ आ रहा है ना, ये इस तरफ आ रहा है ना, मतलब ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एम वन इफ द स्प्रिंग ब्रेक्स बट एफ कंटिन्यूज टू एक्ट। अब क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कि एम वन का मोशन बताओ मुझको, एम वन का मोशन बताओ मुझको, स्प्रिंग टूट गई तो वो कनेक्शन नहीं है, लेकिन एफ नीचे लग रहा है और एम वन जी नीचे है ही, एफ नीचे है और एम वन जी नीचे है, तो नेट फोर्स कितना है एम वन जी प्लस एफ, तो इसका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, और कितना एक्सेलरेट करेगा, तो एफ प्लस एम वन जी अपॉन एम वन हम इसको लिख देंगे, ये कितना हो गया 1 + 5 × g / 5, तो कितना हो गया 0.2 + g, ये एक्सीलरेशन नीचे की तरफ हो जाएगा, नीचे की तरफ फोर्स कितना है, एक तो एफ एक एम वन जी है, तो नेट फोर्स कितना हो गया एफ और एम वन जी, एक्सीलरेशन क्या होता है टोटल फोर्स अपॉन मास, टोटल फोर्स कितना है इतना अपॉन मास, तो 5 का मास था डिवाइड कर दिया 1/5 कितना होता है 0.2, तो 0.2 / g इसका अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं फिगर E12 की बात की है, E12 फिगर कैसा है पता नहीं कहां पर है E12, और इसका एक और पेज है आपको काफी लंबा नहीं है, E12 आगे है, आगे मतलब इस तरफ है, ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं सारी वैल्यूज लिख लेते हैं, पर फिर फिगर देख लेंगे क्या है, तो M1 दे रखा है 1, M2 दे रखा है 2, M3 दे रखा है 3, याद करना बहुत आसान है, ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ M1 M2 M3, तो पहले तो अपन को एक्सेलरेशन निकालना है, आगे क्या है द स्ट्रिंग फ्रॉम द अपर पुली टू M1 इज 20 सेंटीमीटर व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर M1 स्ट्राइक्स द पुली, तो स्ट्रिंग का लेंथ बोल देते हैं, लेंथ 0.2 मीटर दे रखा है, बता दूंगा कौन सा लेंथ है, फिगर देख लेते हैं, फिगर देख लेते हैं, तो ये स्ट्रिंग का जो लेंथ है ना वो 0.2 है, पहले तो अपन एक्सप्रेशन निकालते हैं M1 M2 और M3 के। अब मैं बता चुका हूँ ऐसे कंडीशन में क्या करना है, बहुत सिंपल होता है ये मैं बता चुका हूँ लेक्चर में, पिछला जो लेक्चर लिया था मैंने जिसके अंदर मैंने एग्जाम्पल्स करवाए थे शॉर्ट एग्जाम्पल्स, उसके अंदर बता दिया था मैंने कैसे करना होता है इन प्रॉब्लम्स को। सबसे सिंपल तरीका क्या है, ये 3 है ये 2 है ये 1 है, ये 3 है ये 2 है ये 1 है, हम क्या मान लेंगे इसका एक्सप्रेशन नीचे मान लेते हैं A1, इसका भी नीचे मान लो A2, ऊपर भी मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, इसका भी नीचे मान लेते हैं A3, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव अपने आप आ जाएगा, इस पर टेंशन, अच्छा इस पर टेंशन टी है, अगर इसमें टी है तो इसमें 2T होगा, इसमें भी 2T होगा, तो ये 2T ऊपर लग रहा है, ये टी ऊपर लग रहा है, ये टी ऊपर लग रहा है, तो मैंने बताया था क्या लिखते हैं समीशन ऑफ टेंशन इंटू एक्सिलरेशन को हम जीरो कर देते हैं, क्यों करते हैं, बिकॉज हम समीशन ऑफ टेंशन इंटू एक्स को जीरो करते हैं वैसे तो, हम समीशन ऑफ टेंशन इंटू एक्स को जीरो करते हैं वैसे तो, बट एक्सिलरेशन को दो बार डिफरेंशिएट, डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सिलरेशन आएगा, डिफरेंशिएशन को दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सिलरेशन आएगा, बता चुका हूँ फॉर एग्जाम्पल में, ठीक है ना, तो टेंशन डॉट ए, इसके अंदर भी नेगेटिव है बिकॉज ए नीचे ऊपर की तरफ टेंशन, इसमें भी नेगेटिव है बिकॉज ए नीचे ऊपर की तरफ टेंशन, इसमें भी नेगेटिव है ए नीचे और ऊपर की तरफ टेंशन, तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव कॉमन ले लो, 2T × A1 + T × A2 + T × A3 इज इक्वल टू 0, तो टी भी हट गया, तो क्या आ गया 2A1 + A2 + A3
इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट इक्वेशन तो ये है अपने पास, 2a1 plus a2 plus a3 equal to zero, 2a1 plus a2 plus a3 is equal to zero। एक तरीका ये भी होता है, एक तरीका, बट वो टू ब्लॉक में होता है, उसको छोड़ो। तो 2a1 plus a2 plus a3 equal to zero। दूसरी अपन क्या करेंगे, अपन इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे लॉज ऑफ मोशन, तीन इक्वेशन आएगी, इसकी इसकी और इसकी, इसकी और इसकी और इसकी। तो एक्सेलरेशन नीचे है तो नीचे की तरफ पॉजिटिव मान के लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन नीचे है तो नीचे की तरफ पॉजिटिव मान के लिख सकते हैं। तो फर्स्ट वाला a1 ब्लॉक देखो, नीचे की तरफ फोर्स कितना आएगा, 1 into g, ऊपर की तरफ कितना है 2t, ये 1 into a1 बन जाएगा। कोई डाउट यहां पर, 1g minus 2t is equal to 1a1, इसके लिए क्या बन जाएगा, नीचे की तरफ फोर्स कितना है 2g, ऊपर की तरफ कितना है t, a2 a2 बन जाएगा, 2 a2 बन गया ना, 2 into a, a a2, ये कितना है नीचे की तरफ फोर्स 3g माइनस ऊपर की तरफ टेंशन कितना है टी, ये 3a3 बन गया, ये क्या बन गया 3a3, तो ये भी आ गया। अब यहां से हमको एक्सेलरेशन निकालना है तीनों ब्लॉक्स का, तो a1 a2 a3 निकालना है और टेंशन भी निकालनी है, क्योंकि टेंशन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। शायद मैं सवाल पढ़ लेता हूं वापस से, क्या करना था हमको, हमको निकालना है एक्सेलरेशन निकालना है और हाउ लॉन्ग, टेंशन निकालनी है एक्सेलरेशन निकालना है, टेंशन निकालनी और एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे इसको, टेंशन निकालनी एक्सेलरेशन निकालना, तो कैसे करेंगे देखो, टेंशन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब यार ये दिक्कत लगता है मेरे को, तो एक काम करते हैं अपन सबको, है ना, पहले तो डिवाइड कर देते हैं, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो टी बाई टू बन जाएगा, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो टी बाई थ्री बन जाएगा। तो a1 आ गया मेरे पास, a2 आ गया, a3 आ गया। अब मेरे को बताया 2a1 plus a2 plus a3 is equal to 0, 2a1, 2a1 मतलब कितना हो गया 2g minus 4t, तो मैं क्या लिखूंगा 2g minus 4t plus a2, a2 कितना है g minus t by 2, g minus t by 2 plus a3 कितना है g minus t by 3, g minus t by 3, this is equal to 0। तो 2g plus g plus g कितना हो गया 4g, 2g plus g plus g कितना हो गया 4g minus 4t minus t by 2 minus t by 3, 4t, तो 4t तो हो गया, ये 0.5 होता है, अरे यार 0.5 पॉइंट, टी बाई टू और टी बाई थ्री कितना होता है 5, टी बाई सिक्स है ना, तो 4 प्लस हाफ प्लस 1/3 को अलग से कैलकुलेट कर लो, तो ये कितना बन जाएगा 6, 6 4 24 प्लस 3 प्लस 2 24 25 26 27 28 29 24 25 26 27 28 29, तो प्लस माइनस 29 टी अपॉन 6 इक्वल टू 0। तो टी आ जाएगा अपने पास, टी कितना आ जाएगा देखो, टी आ जाएगा 24g अपॉन 29, टी आ जाएगा 24g अपॉन 29, टी कितना आ जाएगा 24g अपॉन 29। a1 के लिए कर दो g माइनस 2t, तो a1 कैसे निकालेंगे, a1 कितना आ जाएगा, a1 इज इक्वल टू g माइनस 48g अपॉन 29, 48g अपॉन 29, तो 29 ऊपर जाएगा, 29 माइनस 48 अपॉन 29 इंटू जी, देखो नेगेटिव आ रहा है, 48 में 29 माइनस करोगे कितना आएगा 48 38 28 19 अपॉन 29, तो माइनस ऑफ 19 अपॉन 29 जी। इसका क्या मतलब हुआ नेगेटिव का, कि नेगेटिव का मतलब पहली बार तो ये ऊपर जाएगा, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, पहली बार तो ये ऊपर जाएगा, तो इसका एक्सप्रेशन ऊपर की तरफ होगा, कितना होगा 19 अपॉन 29 जी। ऐसे इसमें भी डालोगे तो आ जाएगा, इसमें भी डालोगे तो आ जाएगा। तो पहला सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल क्या था कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 0.2 मीटर है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस इतना है 0.2 मीटर, से टाइम कितना लगेगा, तो लिख लो s = ut + apertis पर u तो 0 है, s = ut + apertis पर u तो 0 है, 0.2 = 0 plus half of 19 upon 29 into g into t2, तो t का वैल्यू यहां से निकाल लो, तो t का वैल्यू यहां से निकाल लो, आंसर आ जाएगा, t का वैल्यू यहां से निकाल लो आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया 2 2 4, तो ये बन जाएगा 0.4 × 29 / 19, जी नीचे आएगा, क्या जी नीचे आएगा 9.8 मान लो इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब यार ये सॉल्व करना तो डिफिकल्टी है, तो कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेना यहाँ, तो ठीक है, इसको एक बार है ना 3/2 मान लो, 29 / 19 3/2 मान लो, तो ये बन गया 1.5, इसको भी 10 मान लो, तो 1.5 कितने जा 10, 15, 6 जा 90 और 15, 10 बचा वापस से, तो 15, 6 जा 90, 6.66 आएगा, तो 0.4 अपॉन 6.66 आ रहा है, 6.66 को मान लो 20 अपॉन 3,
ट्वेंटी अपॉन थ्री, तो बन गया 0.4 अपॉन 20 इंटू 3, इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ वैसे, बट ठीक है एक बार इसको कर लेते हैं। ये बन जाएगा 200, तो ये बन जाएगा 2 से कैंसिल कर दो 2, ये बन जाएगा 6 अपॉन 100, रूट ऑफ साइन कितना जाएगा 6 अपॉन 100, तो 1/10 तो बाहर आ गया। 6 का रूट कितना होता है, 6 का रूट 2.5, 25 25 625 होता है ना, तो 6 का रूट कितना होता है 2.4 2.5 के लगभग, तो 2.5 अपॉन 10 मतलब 0.25 अपने पास आंसर आ जाएगा, 0.25 अपने पास आंसर पीछे दे रखा है, 0.25 आंसर हमको दे रखा है। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं 29। इन द प्रीवियस प्रॉब्लम सपोज m2 इज इक्वल टू 2 एंड m3 इज इक्वल टू 3, ये तो दे रखा था, व्हाट शुड बी द मास m सो दैट इट रिमेंस एट रेस्ट, व्हाट शुड बी द मास m, नहीं यार ये कोई एक आगे चल गया अपन, अरे यार ये तो है क्वेश्चन प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या दिक्कत है, सेम ही तो है क्वेश्चन नंबर 28। लेट m1 इज इक्वल टू, व्हाट शुड बी द मास m सो दैट इट रिमेंस एट रेस्ट, ये समझ में नहीं आया कौन सा क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन में तो m2 को 2 मान रखा है, m3 को 3 मान रखा है, मेरे हिसाब से यहां पे मिसप्रिंट है, यहां पे मास m1 आएगा, व्हाट शुड बी द मास m1 सो दैट इट रिमेंस एट रेस्ट, m1 का वैल्यू क्या हो सो दैट इट रिमेंस एट रेस्ट, इसको पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है m1 का वैल्यू क्या हो कि ये रेस्ट पे रहे, m1 का वैल्यू क्या हो कि ये रेस्ट पे रहे, ये ऐसे जा रहा है फिर एक गोली है, ये 2 है ये 3 है, यहां मिसप्रिंट है, एम स्प्रिंट है, मास एम की जगह एम बनाना चाहिए, ठीक है तो ये रेस्ट पे है मतलब ये पुली रेस्ट पे, ये रेस्ट पे मतलब ये पुली में रेस्ट, इसको फिक्स मान लो, इसको फिक्स मान लो, हम कर चुके हैं ये फिक्स होगा मतलब थोड़ा सा ऊपर से फिक्स मान लो, यहां से फिक्स मान लो, ये रेस्ट पे तो ये भी रेस्ट पे रहेगा ना, ये मूव करेगा, ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा, तो इसमें जो टेंशन है वो अपन निकाल चुके हैं 2m1 m2 / m1 + m2, टेंशन कितना होगा 2m1 m2 / m1 + m2 इंटू जी, मतलब कितना बन गया 2 × 2 × 3 अपॉन 5 इंटू जी को 10 मान लो, 2 × 10 कितना बन गया 3 × 6 × 12 24, 24 न्यूटन का टेंशन आ गया, टेंशन कितना होता है 2m1 m2 / m1 + m2 × g, जी को 10 मान लो, m1 m2 कितना है 2 × 3, m1 + m2 कितना है 5, 5 × 10 2 × 3 = 6 × 12 = 24, 24 न्यूटन टेंशन आ गया, यहाँ 24 यहाँ 24 से यहाँ 48, यहाँ 24 यहाँ 24 से यहाँ 48, मतलब यहाँ पे टेंशन जो है 48 न्यूटन लग रही है, मतलब जो मास होएगा वो कितना हो जाएगा 4.8, तभी तो नीचे 4.8 इंटू जी से मल्टीप्लाई होके वो 48 बनाएगा, तो जो आएगा 4.8 kg अपने पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग शोन इन द फिगर, द पुली एंड द स्ट्रिंग आर लाइट एंड ऑल द सरफेस ऑफ फ्रिक्शन इज 1 kg, 1 kg, ठीक है 1 kg 1 kg, ये 1 है ये 1 है, तो ये ऐसे बांधा हुआ है, ये इसको पुलिस ऐसे बांधा हुआ है, ठीक है तो अगर ये नीचे की तरफ एक्सीलरेट करेगा तो ये वाला स्ट्रिंग भी आगे ये पीछे की तरफ एक्सीलरेट करेगा, ठीक है ये अगर ऐसे एक्सीलरेट करेगा तो ये पीछे की तरफ एक्सीलरेट करेगा, अब इसको खोल दो पूरे को ऐसे, तो इस पे 1 है और ये भी 1 है, इस पे तो कोई फोर्स नहीं है, इस पे फोर्स कितना है mg, mg मतलब 1 × g, मतलब 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, नेट फोर्स कितना लग रहा है 10 न्यूटन का लग रहा है, टोटल मास कितना है 2 kg, नेट फोर्स कितना है 10 न्यूटन का, टोटल मास कितना है 2 kg, तो एक्सीलरेशन कितना आ गया 5, इसका भी एक्सीलरेशन कितना आ गया 5, एक्सीलरेशन क्या आ गया 5, एक्सीलरेशन इसका भी क्या आ गया 5, अब टेंशन पूछा है तो टेंशन के लिए तो यहां से काट के बनाओ, यहां से काट के बनाओ, कहीं से बना दो, टेंशन पूछा है तो या तो यहां से काट, यहां से काट दो, तो यहां पे टेंशन टी लग रहा है, ये 1 है, इसका एक्सीलरेशन कितना है t = 5, तो क्या लिख देंगे t = mass × acceleration, मतलब 1 × 5 मतलब t 5, टेंशन कितना आ गया 5 न्यूटन्स, पीछे हो सकता है 4.9 दे रखा हो, जी को 9.8 देंगे तो 4.9 5 दे रखा है, तो जी को 10 दिया हुआ है, ठीक है नेक्स्ट करते हैं, सिंपल सवाल होते हैं बहुत ही सिंपल सवाल 31। अब 31 के अंदर हमको एजिंग चीज यूज करनी पड़ेगी कि दोनों के एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, ठीक है 31 में हमको ये भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है कंसीडर सिचुएशन शोन बोथ द पुलीज एंड द स्ट्रिंग आर लाइट, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मास कैपिटल एम एंड 2m, ठीक है तो एक तो 2m का मास है, फिर ये पुली है, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये यहाँ पे फिक्स है, ये पुल्ली के ऊपर से जाके नीचे जा रहा है, ये एम है। अब मैं यहाँ पे एक और तुमको रामबाण बताने वाला हूँ एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालने के लिए, मैं ये तो बता ही चुका कि समेशन ऑफ टी इंटू ए कर दो, उसको 0 कर दो, तो वैसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे टेंशन अगर टी होगा तो यहाँ भी टी होगा, यहाँ भी टी होगा, यहाँ 2t हो जाएगा, तो अगर इसका एक्सेलरेशन नीचे मान रहे हो a1, इसका आगे मान रहे हो a2, इसका नीचे माना a1,
इसका आगे माना ए टू, तो हम क्या लिखेंगे, या तो दोनों की दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो टू के इंटू ए टू, टू के इंटू यहाँ पे जो ऊपर है नीचे, तो माइनस के इंटू ए वन इक्वल टू जीरो, तो टू ए टू इज इक्वल टू ए वन, रिलेशन क्या है, टू ए टू इज इक्वल टू ए वन। नहीं तो मैं दूसरा फंडा क्या बताने वाला था, जो मैं 2 क्वेश्चन पहले बताने वाला था, कि एक्सिलरेशंस आर इन द इनवर्स रेशियो ऑफ टेंशंस, एक्सिलरेशंस आर इन द इनवर्स रेशियो ऑफ टेंशन, तो इस पे टेंशन टी, इस पे 2t, मतलब इसका एक्सिलरेशन अगर a होगा इसका 2a होगा, मतलब इसका एक्सिलरेशन डबल होगा, मतलब a1 = 2a2a। तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, अगर दो ब्लॉक सिस्टम है तो एक्सिलरेशंस आर इन द इनवर्स रेशियो ऑफ द टेंशंस, मतलब अगर इसका a तो इसका 2a, तो a2 को a लिख दो, a2 को a लिख दो, तो a1 कितना बन जाएगा 2a, a2 को a लिख दो तो a1 कितना बन गया 2a, ठीक है ना, तो इसको a लिख दो, इसको नीचे कितना लिख जाएगा 2a, एक्सिलरेशंस आर इन द इनवर्स रेशियो ऑफ द टेंशन, इसकी टेंशन कम है ना, तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा, इसकी टेंशन ज्यादा, इसका एक्सेलरेशन कम, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं हम, इसका बनाते हैं पूरा एफबीडी वगैरह बनाते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना है, टेंशन निकालना है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली ए इन द फिगर में निकालना है, ठीक है, करते हैं। चलो तो इसके ऊपर क्या इक्वेशन बनेगी, 2t इज इक्वल टू 2m * a, इसके लिए क्या बनेगी, नीचे की तरफ पॉजिटिव लेंगे, तो mg माइनस a इज इक्वल टू m * 2a, mg माइनस t इज इक्वल टू m इंटू टू ए, दोनों को ऐड करोगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज t से t कैंसिल नहीं होगा, एक्सेलरेशन निकालना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा, नहीं हमको तो t कैंसिल करना है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 2mg माइनस 2t इज इक्वल टू 4ma, 2mg माइनस 2t इज इक्वल टू 4ma, इसको और इसको ऐड कर दो, इसको और इसको ऐड कर दो, ऐड करोगे देखो 2t 2t कैंसिल हो गया, 2t यहाँ पे कितना आ गया 2mg इज इक्वल टू 6ma, m से m गया तो a कितना आ गया g बाय 3, a कितना आ गया g बाय 3, a कितना आ गया g बाय 3, ये बात समझ में आ गई, a कितना आ गया g बाय 3, तो एक्सप्रेशन कितना हो गया, मास m का g बाय 3 31, नहीं इसका एक्सप्रेशन 2a था तो इसका बन जाएगा 2g बाय 3, a का वैल्यू g बाय 3 है तो इसका एक्सप्रेशन 2a है तो ये बन जाएगा 2g बाय 3, पीछे आंसर कितना है 2g बाय 3, ठीक है। फाइंड द टेंशन इन रेजिस्टेंस, टेंशन के लिए फॉर्मूला यूज कर लो, 2t इज इक्वल टू 2ma, 2t इज इक्वल टू 2ma मतलब t इज इक्वल टू ma, t इज इक्वल टू ma, t इज इक्वल टू ma मतलब t इज इक्वल टू mg बाय 3, टेंशन कितना आएगा mg बाय 3, टेंशन इज इक्वल टू mg बाय 3। तीसरा पूछ रहा है, अभी एक नई चीज पूछ रहा है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली ए इन द फिगर, तो क्लैंप का एक बार एफडी बना देते हैं, क्लैंप पे देखो क्या क्या लग रहा है, एक तो नीचे टेंशन लग रहा है, किस तरफ टेंशन लग रहा है, इसके नीचे टेंशन लग रहा है, किस तरफ टेंशन लग रहा है क्लैंप पे, है ना, बाकी तो फिक्स्ड है वो, भाई क्लैंप ऑन द पुली पूछा है ना, ये पुली है, ये क्लैंप है, तो पुली का अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा तो पुली पे एक और फोर्स लगाना है, इस तरफ एफ लगाना पड़ेगा ना, तभी तो बैलेंस, पुली पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए कि नहीं, पुली पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए कि नहीं, पुली मासलेस लेते हैं तो पुली पे नेट फोर्स भी जीरो करना पड़ेगा हमको, तो पुली पे एक तरफ टेंशन टी लग रहा है, टेंशन टी, तो इस तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा एफ, ये फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये जो छोटा सा डंडा है ये प्रोवाइड कर रहा है, क्लैंप बोलते हैं इसको, तो इन सब का जो मैग्नीट्यूड का समीशन है वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, तो ये तो टी और ये टी है, तो इस एफ को अपन रिजॉल्व कर लेते हैं, थीटा मान के और थीटा ये मान के, तो ये कितना बन जाएगा एफ कॉस थीटा, ये कितना बन जाएगा एफ साइन थीटा, तो एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू टी, एफ साइन थीटा इज इक्वल टू टी, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू टी, एफ साइन थीटा इज इक्वल टू टी, तो एफ कितना बन जाएगा, इसको स्क्वायर और ऐड करेंगे तो एफ कितना बन जाएगा, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, स्क्वायर और ऐड करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, स्क्वायर और ऐड करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 1, तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर मतलब 2t स्क्वायर, तो एफ कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2t, टेंशन कितना था mg / 3, टेंशन कितना था mg / 3, तो कितना फोर्स आ जाएगा रूट ऑफ 2 mg / 3, कितना फोर्स आ जाएगा रूट ऑफ 2 mg / 3, और डिवाइड करोगे तो tan ऑफ थीटा बना जाएगा, देखो एफ एफ कैंसिल टी टी कैंसिल, tan ऑफ थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री, तो क्लैंप 45 डिग्री पे फोर्स लगा रहा है रूट ऑफ 2 mg / 3 का, क्लैंप 45 डिग्री पे फोर्स लगा रहा है कितना रूट ऑफ mg / रूट ऑफ 2 mg / 3 का, 32 देखते हैं, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास एम इन द सिचुएशन शो ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस एंड पुलीज एंड स्ट्रिंग आर लाइक, तो हमको क्या क्या याद रखना है, पहली चीज तो हम याद रखेंगे कि द एक्सेलरेशन आर इनवर्स ऑफ द टेंशन, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फटाफट से बनाते हैं, देखो ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे आया, यहाँ टेंशन टी ले लो, यहाँ टी ले लो, यहाँ टी ले लो, ये ऐसे है,
यहाँ टू पी होगा, ये प्रोसेस है ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन टी है, यहाँ पे टू टी है, तो अगर इसका एक्सप्रेशन नीचे की तरफ ये होगा, इसका टू ए होगा ऊपर की तरफ, बात समझ में आई, एक्सप्रेशन आ गया इनवर्स रेशियो का टेंशन से, याद रख सकते हो। या फिर अगर दिक्कत है तो टी इंटू ए वन, देखो इसको टी इंटू ए टू करोगे तो टू टी ऊपर की तरफ ना इस पे, तो टू टी माइनस ऑफ टू टी इंटू ए प्लस टी इंटू टू ए, तो कैंसिल भी हो रहा है, वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, शॉर्टकट बता दिया। इसका मास कितना है 2m, इसका मास कितना है, एंगल कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल है, तो यहाँ जो g होगा एम जी साइन 30 लगेगा, मतलब एम जी बाई टू लग रहा होगा, और यहाँ जो नीचे लग रहा होगा 2mg लग रहा होगा, यहाँ लग रहा होगा mg बाई टू, यहाँ लग रहा होगा 2mg। इसके लिए इक्वेशन लिख दो तो t माइनस mg बाई टू इज इक्वल टू 2ma, इसके लिए इक्वेशन क्या आएगी, आगे की तरफ फोर्स t है, पीछे की तरफ क्या mg बाई टू इज इक्वल टू एम इंटू टू ए, एम इंटू टू ए, एम इंटू टू ए, ये नीचे आ रहा है तो इसके नीचे पॉजिटिव मानेंगे, तो नीचे की तरफ क्या फोर्स है 2mg, ऊपर की तरफ क्या फोर्स है 2t इज इक्वल टू 2ma। दो इक्वेशन आगे, दो वेरिएबल है, क्या पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है, मास m का मतलब 2a पूछा है, तो a निकालो उससे 2a निकाल लो, टेंशन को कैंसिल करना है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो क्या बन जाएगा 2t माइनस mg इज इक्वल टू 4ma, तो वापस से सेम आंसर आ जाएगा अपने पास, 2t 2t कैंसिल, 3mg सॉरी माइनस है, mg इज इक्वल टू 6ma, mg इज इक्वल टू 6ma, तो a कितना आ गया g बाय 6, लेकिन अपन को तो 2a निकालना है ना, ऑफ मास कैपिटल m, कैपिटल m, तो कितना आ जाएगा जी बाय थ्री, कितना आ जाएगा आंसर जी बाय थ्री, अब तक प्लेन जी बाय थ्री अब तक प्लेन अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। अब 33 में सूडो फोर्स भी लगेगा, क्यों, डब्बे पे डब्बा प्रॉब्लम है, जिनको नहीं समझ में आ रहा डब्बे पे डब्बा क्या होता है, मैं लेक्चर में बता चुका सॉल्व एग्जाम्पल्स के अंदर, और जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था सूडो फोर्स की, ज्यादा लंबी थ्योरी नहीं है, एक घंटे में पूरी थ्योरी कवर कर ली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की, तो पढ़ लो। डब्बे पे डब्बा जब प्रॉब्लम होता है तो सूडो फोर्स लगाते हैं, तो प्रॉब्लम देख लेते हैं एक बार, सूडो फोर्स लगाना भी कि नहीं लगाना वो डिपेंड करेगा कि ये डब्बा मूव कर रहा है इसके ऊपर, अगर मूव नहीं कर रहा तो बिना सूडो फोर्स के भी अपन सवाल को कर देंगे। ये एम डैश है, ये एम है, और ये ऐसे लगा हुआ है स्ट्रिंग से, और ये कैपिटल एम है, कैपिटल एम है, ये छोटा एम, ये एम वन, ये थीटा। फाइंड द मास एम ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक इन द फिगर विच विल प्रिवेंट द स्मॉलर ब्लॉक फ्रॉम स्लिपिंग ओवर द ट्रायंगुलर ब्लॉक। तो इसमें कोई सूडो फोर्स लगाना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया ये टोटल जो बॉडी है स्लिप नहीं करती, मतलब इस टोटल बॉडी को एक बॉडी मान लो, ये इसके ऊपर स्लिप नहीं कर रहा, मतलब साथ साथ मूव करेंगे हम, साथ साथ हैं टाइप मूव करेंगे, तो इसको एक ब्लॉक मान लो ठीक है, स्लिप ऑल द सर्फेस ऑफ फ्रिक्शन इन द सब राइट। अब सिंपली प्रॉब्लम हो गया तो वापस खोल दो, खोलोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एम डैश प्लस एम, और ये क्या बन गया कैपिटल एम, इस तरफ एम जी लग रहा है और तो कोई फोर्स नहीं है, इस तरफ एम जी लग रहा है और तो कोई फोर्स नहीं है, इस तरफ एम जी लग रहा है और तो कोई फोर्स नहीं है ठीक है ना, सब साथ साथ मूव कर रहे हैं, सब साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू एम जी अपॉन एम प्लस एम डैश प्लस एम, ये तो इसका एक्सप्रेशन हो गया एम जी अपॉन एम प्लस एम डैश प्लस एम। नहीं इसमें एक और दिक्कत है, इसमें एक और दिक्कत है, ये बात समझ आएगी, यहाँ तक समझ आएगी। अब हमको प्रॉब्लम इसमें कन्वर्ट हो गया कि मेरे को इसका एक्सप्रेशन पता है, मेरे को ये पढ़ना है कि ये ब्लॉक इसमें स्लिप ना करे इसकी कंडीशन क्या है, मेरे को इसका एक्सप्रेशन पता है, मेरे को ये ब्लॉक इसमें स्लिप ना करे इसकी कंडीशन क्या है, तो इसको तुम सूडो फोर्स से भी कर सकते हो, बिना सूडो फोर्स से भी कर सकते हो, बिना सूडो फोर्स भी कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर स्लिप नहीं कर रहा, स्लिप करता तो सूडो फोर्स लगाना पड़ता, बिकॉज इसका एंगल थीटा फिक्स होता है इसके रेस्पेक्ट में। जब मैंने सूडो फोर्स पढ़ाया तब देखना मैंने क्या बताया उसके अंदर, अभी के लिए भूल जाओ, सूडो फोर्स लगाना ही नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर सूडो फोर्स लगाना ही नहीं है, बट इस दोनों के बीच में क्या बन रहा होगा, इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा एन, ये मास एम है, नॉर्मल का ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा होता है, तो ये कंपोनेंट होगा एन साइन थीटा, तो हम लिखेंगे एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, एक इक्वेशन ये बन गई, एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, एक इस ट्राइंगुलर वेज के लिए बनाना पड़ेगा, इस पर एक तो टेंशन टी लग रहा है, एक इसका नॉर्मल रिएक्शन एन लग रहा होगा, एक तो टेंशन टी लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन एन लग रहा होगा, ये कंपोनेंट क्या होगा नॉर्मल का, एन साइन थीटा होगा कि नहीं, एन साइन थीटा, एन साइन थीटा,
एन साइन थीटा, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, टी माइनस एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम डैश इंटू ए। ये इसको स्क्रिप्ट नहीं करवाना, एक बार इसी का एफडी देख लेते हैं पूरा की पूरा, इसका एफडी इसको भूल जाओ, एक बार इसका एफडी देख लेते हैं, एम ब्लॉक का वापस से देख लेते हैं एफडी। तो एक तो पूरा एफडी मार लेते हैं एम ब्लॉक का, तो मेरे पास स्पेस कम था इसलिए मिटाया है, इक्वेशन सेम रहेगी, वापस से बना लेते हैं। ये स्लोप है, ये एम ब्लॉक रखा हुआ है, इस पर एक नॉर्मल डायरेक्शन टेन लग रहा है, एक एम डी लगेगा, तो इसका जो एफडी बनेगा उसके अंदर एक तो एन आ रहा होगा, एक नीचे की तरफ एम डी आ रहा होगा, एन के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इस तरफ क्या होगा एन साइन थीटा, ऊपर क्या होगा एन कॉस थीटा। ये अपन कर चुके हैं वैसे प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम अपन कर चुके हैं वैसे, जब मैं एक्स थ्योरी पढ़ा रहा था तब अपने सेम प्रॉब्लम करा था, मैंने चूड़ों को एक्सप्लेन किया था। तो वाई के अंदर क्या इक्वेशन लिखेंगे, इसके अंदर वाई के ये तो कोई मूवमेंट नहीं है, तो वाई के लिख देंगे एम जी इज इक्वल टू एन कॉस थीटा, एम जी इज इक्वल टू एन कॉस थीटा। और एक्स के लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे, एक्स में ये ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, ये ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तो अपन लिखेंगे एन साइन थीटा, एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। मतलब बेसिकली इसको तुम याद भी कर सकते हो, अगर डिवाइड करोगे दोनों को तो एन साइन थीटा फॉर एन के स्क्वायर कितना है, टेन ऑफ थीटा, टेन ऑफ थीटा कितना हो जाएगा ए बाई सी। ये अपन को यहां से निकालना था, जब भी इसको एक्सेलरेट करवाओगे और ये स्लिप नहीं करेगा तो टेन ऑफ थीटा कितना होगा, ए बाई जी के बराबर होगा। तो बस ए को क्या लिख दोगे तुम, ए को लिख दोगे जी टेन थीटा, तो जी टेन थीटा इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एम जी अपॉन एम प्लस एम डैश प्लस एम। निकालना क्या था हमको, फाइंड द मास एम, कैपिटल एम निकालना है, तो कैपिटल एम इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो जी से जी कैंसिल कर दो, तो इसको टेन ऑफ थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा एम टेन थीटा प्लस एम इंटू एम डैश प्लस एम इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल एम, कैपिटल एम इस तरफ है, इस तरफ ले जाओ माइनस कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, समझ गए, एम कॉमन इसको इस तरफ ले आओ, ये बन जाएगा 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा, तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, दिस होल अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, टेन थीटा से डिवाइड करोगे दोनों जगह तो कॉट थीटा माइनस वन आ जाएगा आंसर। एम डैश प्लस एम टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, टेन थीटा को भी नीचे लेके आओगे तो 1 अपॉन टेन थीटा कॉट थीटा बन जाएगा, माइनस ऑफ टेन थीटा वन बन जाएगा, करके देख लेना हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, वो तेरी खतरनाक है, बहुत सारा कुछ काम करना है इसके क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर, तीन प्रॉब्लम के बराबर है क्वेश्चन नंबर 34, मजे ले रहे हैं इस बार सर, अपने तीन क्वेश्चन की जगह एक क्वेश्चन दे दिया उन्होंने 34 में, 34 ठीक है। तो अगर एक घंटा हो गया तो मैं आगे का लेक्चर बाद में बनाता हूँ, एक घंटा नहीं हुआ तो 47 मिनट्स हुए, तो अपन कर सकते हैं। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए एंड बी इन द थ्री सिचुएशन शोन इन द फिगर, तीनों को सवाल खुद से करना है तुमको, सॉल्व क्यों करना है खुद से, ये मैं बता देता हूँ इसके अंदर एक चीज जो बता देता हूँ मैं, इसके अंदर बता चुका, इस तरफ टी मान लेना, इस तरफ टी हो जाएगा, इस तरफ टी, इस तरफ टू टी हो जाएगा, अगर इसका एक्सप्रेशन ए है तो इसका टू ए होगा, इक्वेशन लिख देना आंसर आ जाएगा। इसके अंदर भी सेम है, इसको टी मान लेना, इसको टी मान लेना, इसको टी मान लेना, यहाँ पे टू टी हो जाएगा, तो यहाँ पे टी है, यहाँ पे टू टी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टू टी है, मतलब इसका एक्सप्रेशन अगर ए होगा तो इसका टू ए होगा। एक्सप्रेशन आर इन द इनवर्स रेशियो ऑफ द टेंशंस, एक को नीचे मानना, एक को ऊपर मानना, ऑब्वियसली बात है, इसमें भी नीचे मानोगे इसको आगे मान लोगे। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि इसमें फिगर देखो थोड़ा अजीब सा है, वो अजीब सा क्या है वो समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर टेंशन टी मान लो, यहाँ पर टेंशन टी होगी, यहाँ पर टेंशन टी होगी, यहाँ पे टूटी बन जाएगी, तो ये टी है, ये टूटी है, इसका एक्सप्रेशन अगर नीचे मान रहे हो 2a मानना पड़ेगा, इसका ऊपर मानना पड़ेगा, a मानना पड़ेगा, तो ये भी हो गया, ऐसा कुछ खास नहीं है इसके अंदर भी, ये भी हो गया। 34 का एक बार आंसर देख लेंगे, फ्री फॉल वाला केस तो नहीं है ना, हाँ नहीं है, तो इसके लिए क्या लिखोगे, देखो ऊपर की तरफ लिख दो 2t माइनस 50 इज इक्वल टू 5 पे, इसके क्या लिखोगे नीचे की तरफ 40 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 मतलब 8 है, 40 माइनस 3 इज इक्वल टू 80 है, 20 माइनस 50 इज इक्वल टू 5 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, सॉल्व कर लेना, है ना, करना है पूरा सॉल्व कर देता हूँ मैं, 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 69, इसको 20 माइनस 50 इज इक्वल टू 5 के साथ ऐड करोगे, ऊपर की तरफ ऐड कर रहा हूँ मैं, तो 20 20 कैंसिल हो जाएगा, 80 माइनस 50 कितना हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 16 और 21 है, ये कितना आ जाएगा 30 अपॉन 21,
जी नहीं है सॉरी, तो 3 7 20 10/7 मतलब g/7 अपने पास आंसर आ जाएगा, a g/7 और दूसरा आंसर 2g/7 आ जाएगा। सेम प्रॉब्लम से, सिंपल प्रॉब्लम से कर लोगे अब तुम, मैं बता देता हूँ ऑलरेडी, एग्जांपल सुन लोगे तो कर लोगे, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। 35 देखते हैं, 35 प्रॉब्लम देखते हैं। 35 में क्या है, 50 ग्राम है, यहाँ भी मिसप्रिंट है, थोड़ा सा ऊपर से आएगा, ये नीचे दे रखा है। 500 ग्राम है, 100 ग्राम है, और पूछा है कि 500 ग्राम का एक्सेलरेशन बताओ। अब ठीक है, खोल दो सिस्टम को पूरा, ये 50 है, ये 100 है, ये 500 है। पहले तो इसको केजी में लिख लो, 50 को क्या लिखोगे 1/20, 100 को लिखोगे 1/10, इसको क्या लिखोगे 1/2। इस पे कितना फोर्स लग रहा है, आगे लग रहा है 1/2 × g लग रहा है कि नहीं, एम जी। इस पे जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा, इस पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगा कितना लगेगा, m × g sin 30, m × g sin 30 मतलब g/2, मतलब mg/2 मतलब 1/10 × g/2, मतलब कि इस तरह जो फोर्स लग रहा होगा कितना लग रहा होगा, 1/10 × g/2, g/2 मतलब कि g/20 फोर्स इस पे लग रहा होगा। इस पे जो फोर्स लग रहा होगा नीचे लग रहा होगा, नीचे 50 मतलब mg लग रहा होगा, इस तरफ जो फोर्स लग रहा है 1/20 × g ही लग रहा होगा, ठीक है। तो अब नेट फोर्स निकाल लो सिस्टम पे कितना है, तीनों का एक्सप्रेशन सेम होगा, तीनों ऐसे जाएंगे, तो नेट फोर्स कितना है, उस तरफ हाफ जी, इस तरफ g/20, इस तरफ g/20, तो g/20 कितना होगा, g/10, g/2 माइनस g/10 कितना होगा, g/2 माइनस g/10, दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है, हाफ प्लस 1/10 प्लस 1/20 × a, तो g/2 माइनस g/10 कितना हो गया, 10 हो गया, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4 g/10 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 20 एलसीएम, 10 प्लस 2 प्लस 1, 10 प्लस 2 प्लस 1 आएगा, 2 10 जो 20, 10 2 जो 20, 20 बन जाए 20 × a, तो 0 से 0 हटा दो, 10 प्लस 2 12 प्लस 1 13, 4 2 जो 8, 8 g/13 एक्सेलरेशन अपने पास आ जाएगा, 8 g/13 अपने पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्या 8 g/13 डाउनवर्ड अपने पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। सिंपल देखो कितना सिंपल, तो इसलिए मैंने बताया ट्रिक अगर जान लोगे ना तो बहुत प्रॉब्लम सिंपल बन जाएगा, अब इस पर टेंशन वगैरह निकालने की जरूरत ही नहीं, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है तुमको बिल्कुल भी। 36 ए मंकी ऑफ मास 15 kg इज क्लाइंबिंग ऑन रोप विद वन एंड फिक्स्ड टू द सीलिंग, एक रोप है, एक मंकी है, पाक्षिक बूम पाक्षिक पाक्षिक बूम पटा, ये मंकी है, इसका मास है 15 kg, ये क्लाइंब कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कुछ चाहिए 1, हाउ मच फोर्स शुड इट अप्लाई टू द रोप, तो रोप पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा, देखो मंकी का एफडी बनाते हैं, तो मंकी पे एक तो नीचे एमजी लग रहा होगा फोर्स, ऊपर जाने के लिए अपन क्या करते हैं, अगर अपन को ऊपर जाना है तो अपन रोप को नीचे खींचेंगे, अगर हम लोग रोप को नीचे खींचेंगे तो रोप हमको ऊपर खींचेगी, हम लोग ऊपर जाने के लिए रोप को नीचे खींचते हैं, मतलब रोप को हम नीचे खींचेंगे तो रोप हमको कहाँ खींचेगी, ऊपर, तो रोप मंकी को कहाँ खींच रही होगी, ऊपर की तरफ एफ फोर्स से खींच रही होगी, और एक्सेलरेशन इसका ऊपर की तरफ 1 m/s², तो इसका पूरा लिख लेते हैं इक्वेशन, एफ माइनस एम कितना है 15, 15 जी, जी को 10 मान लो, इज इक्वल टू ऊपर की तरफ 15 × 1, तो एफ कितना आ गया 165 N, अगर 9.8 है थोड़ा सा कम आ जाएगा, ठीक है ना। हाउ मच फोर्स ये आ गया आंसर, इफ द रोप इज 5 m डाउन इन द मंकी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द सीलिंग, अभी तो एक्सेलरेशन 1 दे रखा है अपन को, तो s इक्वल टू यूटी पर सॉफ्ट स्क्वायर लगा दो, तो s कितना है अपने पास 5 इज इक्वल टू हाफ 1 t स्क्वायर, तो t कितना होगा रूट ऑफ 10, रूट ऑफ 10 लगभग 3.5 के 3.14 के आसपास होता है, 3.1 के आसपास आएगा, रूट ऑफ 10 दे रखा है, 165 N आंसर दे रखा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 कहां गया, 38 ये पूरा काफी है इधर, ये आओ ये मंकी वाले प्रॉब्लम, ये मेरे दोस्तों को बहुत दिक्कत आती है इसके अंदर। अच्छा ये तो ये भी है क्या, 37 कौन सा करा अपन ने, 36 करा गया अपन ने, हाँ हमने 37 कर लिया, नहीं हमने 37 नहीं करा, 37 करते हैं। ए मंकी क्लाइंबिंग ऑन द रोप दैट गोज ओवर ए स्मूथ लाइट पुली एंड सपोर्ट्स अ ब्लॉक ऑफ इक्वल मास एट द अदर एंड, तो एक मंकी है, ये पुली है, ये मास एम है, और यहाँ एक मंकी है,
खच खचाक, खच खच खच, इसका मास भी एम है। सो दैट वॉट एवर फोर्स द मंकी एग्जर्ट्स ऑन द रोप, द मंकी एंड द ब्लॉक रिमेन्स इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन है बेसिकली, मूव इन द सेम डायरेक्शन में देखकर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये बोला है कि कुछ भी फोर्स मंकी लगाए रोप पे तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन मंकी का एफडी बना लेते हैं। तो मंकी का एफडी कैसे बनेगा, खच 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 खचाक, नीचे एमजी लग रहा है और मंकी पे अपन ऊपर फोर्स मान लेते हैं एफ। मंकी को एफ फोर्स कौन दे रहा है, मंकी को एफ फोर्स ऊपर कौन दे रहा है, रोप दे दिया, तो रोप पे इस पॉइंट पे नीचे फोर्स लग रहा होगा एफ। अब रोप पे जो फोर्स होता है वो तो रोप पे टेंशन होती है ना, रोप को अगर तुम एफ फोर्स खींचोगे तो रोप के अंदर टेंशन कितनी होगी, एफ होगी। मतलब इस पॉइंट पे भी जो फोर्स लग रहा होगा एफ लग रहा होगा, ये मास एम है। आई बात समझ में, अगर इस तरफ एफ फोर्स लग रहा है तो जो रोप का अगर तुम एफडी बनाओगे तो इस तरफ भी एफ लग रहा होगा, क्योंकि इस तरफ एफ है तो इस तरफ भी एफ लग रहा होगा ऊपर की तरफ रोप। तो मंकी का नीचे एमजी आ रहा है, ऊपर एफ आ रहा है, ब्लॉक का भी नीचे एमजी आ रहा है और ऊपर एफ आ रहा है। इस पे ऊपर एफ है, इस पे ऊपर एफ है, इस पे नीचे एमजी, इस पे नीचे एमजी, एमजी एमजी बराबर है, क्यों, क्योंकि दोनों का मास सेम है। एफ और एफ बराबर है बिकॉज मंकी को ऊपर खींचा गया एफ फोर्स से, किसने, रोप ने, तो रोप को नीचे खींचा गया, मतलब यहां से रोप नीचे खींच गया, मतलब यहां से भी रोप नीचे खींच रही होगी, मतलब यहां पे एफ फोर्स हो रहा है, तो दोनों का नेट फोर्स बराबर है, दोनों का मास बराबर है, दोनों का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। द मंकी इज होल्डिंग ए टेल ऑफ, अब ये मंकी जो है ना बड़ी मस्ती मार रहे हैं, दो बंदर हैं, एक दूसरे के टेल को पकड़ा हुआ है, पूंछ को पकड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये एक मंकी है, टक टक टकाच टक टक, और ये इसकी पूंछ है, इसने इसको पकड़ा हुआ है, फिर इसने इसकी पूंछ को पकड़ा हुआ है, इसकी पूंछ है ऐसे लंबी सी पूंछ निकल रही है इसकी, टकाच टकाच तुम टक टक और टक, ऐसे पकड़ा हुआ है एक और मंकी, ठीक है ना। अभी क्या बोल रहा है, द मंकी बी शोन इन, ऊपर वाला ए नीचे वाला बी है, अगर देखते हैं मास ऑफ द मंकी है 5 kg इन 2 kg, इसका मास है 5 किलो और ये छोटा बच्चा बंदर है ना, इसलिए इसने पूंछ पकड़ी हुई है, बच्चे लोग करते हैं। इफ इट टेक ए कैन टॉलरेट अ टेंशन ऑफ 30 न्यूटन इन टेल, इसकी टेल में जो टेंशन हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 30 न्यूटन। व्हाट फोर्स इज अप्लाई, इट अप्लाई ऑन द रोप इन ऑर्डर टू कैरी द मंकी बी विद इट, तो बी को साथ में लेके जाने के लिए कितना फोर्स चाहिए, या रोप तो ब्रेक हो रही थी, ऐसा क्वेश्चन था वो, क्वेश्चन कुछ और था क्या, वो तो वो पूछ रहे थे, एक क्वेश्चन था जिसके अंदर वो पूछा था कि रेंज क्या होगी, वो इसमें रेंज ही आ जाए क्या, ठीक है वापस पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन। ए मंकी बी इज होल्डिंग ऑन द टेल ऑफ द मंकी व्हिच इज क्लाइंबिंग ऑन द मास ऑफ द मंकी आर 5 and 2, इफ ए कैन टॉलरेट टेंशन ऑफ 30 न्यूटन इन हिज टेल, व्हाट फोर्स शुड इट अप्लाई ऑन द रोप इन ऑर्डर टू कैरी द मंकी बी विद इट। ठीक है, तो अपन बी का एफबीडी बनाते हैं। पहले बी का जो एफबीडी है, नीचे की तरफ कितना है, 20 लग रहा है, 20 क्यों लग रहा है, बिकॉज 2 kg मास है इसका, और ऊपर एक टेंशन आ रहा होगा, ऊपर क्या आ रहा होगा, एक टेंशन आ रहा होगा। अब इस टेंशन का मैंने बोला 30 न्यूटन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट इससे कम तो हो सकता है, 30 न्यूटन से ज्यादा नहीं होना चाहिए बट इससे कम तो हो ही सकता है। तो मान लेते हैं इसका एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ ए है, तो हम क्या लिख देंगे, टी माइनस 20 इज इक्वल टू 2 into a, तो टी कितना हो जाएगा, 20 प्लस 2 into a, टी कितना हो जाएगा, 20 प्लस 2 into a, टी कितना हो जाएगा, 20 प्लस 2 into a, ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या है कि ये दोनों 5 kg और 2 kg वाले एक सिस्टम बन के ऊपर जाएंगे, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम बन के ऊपर जाएगा जिसको इसने पकड़ा हुआ है। तो ये एक मंकी है 5 kg वाला, इसकी पूंछ को एक और मंकी ने पकड़ा हुआ है, बट ये दोनों ऐसे सिस्टम, इसको ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा, एफ बोल देते हैं उस फोर्स को एफ। इस पूरे सिस्टम का नीचे जो मास है वो कितना है, 7 t, और इसको अपन एक्सेलरेशन ए से ऊपर ले भेज सकते हो, इसके लिए कुछ क्या करेंगे, एफ माइनस 70 इज इक्वल टू 7 into a, एफ माइनस 70 इज इक्वल टू 7 into a, ये बात समझ में आ गई। हमको क्या चाहिए, हमको एक कंडीशन तो चाहिए कि यहाँ पे टेंशन 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है 20 तो ऑलरेडी है, टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 30, जब ये 30 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस
10, तो मतलब एक्सिलरेशन की वैल्यू 0 से लेके 5 तक जा सकती है। क्यों? 0 होगा अगर एक्सिलरेशन तो टेंशन 20 है, 1 होगा तो 22 हो जाएगी, 5 होगा तो 30 हो जाएगी, उससे ऊपर नहीं जा सकती। तो एक्सिलरेशन की वैल्यू 0 से लेके 5 तक जा सकती है, एक्सिलरेशन की वैल्यू 0 से लेके 5 तक तो जा सकती है, बिकॉज इसकी टेंशन जो है यहाँ पे जो टेंशन है वो 30 तक जा सकती है। 20 तो वैसे भी होगी, अगर ये मूव नहीं करेंगे लटके भी रहेंगे तो 20 होगी, लेकिन 0 से लेके 5 तक जा सकती है। तो यही एक्सिलरेशन से अब पूरी बॉडी ऊपर जा रही है, तो एफ की वैल्यू कितनी है? 70 प्लस 7 इंटू ए। एफ की वैल्यू कितनी है? 70 प्लस 7 इंटू ए। तो एफ की वैल्यू 70 प्लस 7 इंटू ए, 7 ए की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? ए की वैल्यू 0 से लेके 5 तक है, तो 7 की वैल्यू 0 से लेके 35 तक हो सकती है। तो इस पूरी चीज की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई? 70 से लेके 105 न्यूटन तक आ गई। 70 न्यूटन जब फोर्स लगाएगा तो ऊपर नहीं जाएगा, वहीं पे खड़ा रहेगा, और टेल में जो टेंशन होगी वो कितनी होगी? 20। 105 जब फोर्स लगाएगा तो ऊपर जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? 5। टेल में जो फोर्स होगा वो होगा 30, और 70 से 120 के 105 के बीच में होगा, तो एक्सेलरेशन 0 से 5 के बीच में होगा, टेल में टेंशन 20 से लेकर 30 न्यूटन के बीच में होगी। तो ये मंकी प्रॉब्लम अपना हो गया, सिंपल होते हैं प्रॉब्लम, पता नहीं बच्चों को इतनी दिक्कत क्यों होती है। 39 देखते हैं, चार क्वेश्चन और बच्चे, 39 देखते हैं। 39 प्रॉब्लम, फिगर शोज ए मैन ऑफ मास 60 kg। तो मैं फिगर इसमें से देख के बना दे रहा हूँ। ये फिगर है, इसके अंदर एक इंसान खड़ा हुआ है और इंसान ने रस्सी पकड़ी हुई है, ऐसे कुछ है, ठीक है। मैन का मास है 60 kg, 60 kg, बॉक्स का मास है 30 kg, द बॉक्स इज हैंगिंग फ्रॉम द पुली, द अदर मैन मैन मैनेजेस टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट, व्हाट इज द शोन वेट शोन द मशीन। यहाँ एक मशीन लगा रखी है इसने, वेइंग मशीन, तो यहाँ पे वेइंग मशीन का वेट कितना होगा? तो मैं बता चुका हूँ, वेट की बात करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, मास की बात करेंगे तो केजी आएगा, बट इसमें आंसर केजी में दे रखा है, तो हमको वही निकालना है मास कितना आ रहा है। बेसिकली हम बोलते हैं ना वेट वेट कितना आया अपना, बट हम केजी में बोलते हैं उसको। तो हमको यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है, और नॉर्मल रिएक्शन को हम जी नॉट से डिवाइड कर देंगे। ये बात समझ में आ गई पहली बार। तो दूसरा क्या पूछा है? व्हाट फोर्स शुड बी एग्जर्ट ऑन द रोप टू गेट इट्स करेक्ट वेट ऑन द मशीन। दूसरा पूछा है कि टेंशन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे जिससे उसका वेट करेक्ट 60 आ जाए। दो चीज हम निकालने वाले हैं, तो मैन का एफबीडी बना लेते हैं। मैन का एफबीडी क्या क्या आएगा देखो, ऊपर टेंशन टी, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एन, नीचे एम जी, और ये पूरा की पूरा रेस्ट पे, इसलिए क्या लिख देंगे? टी प्लस एन माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, मतलब टी प्लस एन इज इक्वल टू एम जी। एम कितना है? 60। एक तो ये आ गया। डब्बे की बात करते हैं, डब्बे पे क्या होगा देखो, डब्बे पे एक तो नॉर्मल रिएक्शन एन आ रहा होगा, क्योंकि मैन का जो नॉर्मल रिएक्शन है वेइंग मशीन पे आ रहा होगा, वेइंग मशीन डब्बे पे फोर्स लगा रही होगी एन। एक डब्बा यहां से ऊपर टेंशन टी आ रहा होगा, देख लो और कुछ है क्या? डब्बे पे एक तो मैन का कनेक्शन है टी, एक नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ है, एक डब्बे का खुद का वेट है 30 इंटू जी। तो एक इक्वेशन यहां से बनेगी, टी टी माइनस एन माइनस 30 जी इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन आ गई, एक तो टी प्लस एन इज इक्वल टू 60, एक टी माइनस एन इक्वल टू 30। तो बेसिकली टी माइनस एन इक्वल टू 30 जी आ गया, और टी प्लस एन कितना आ गया? 60 जी आ गया, मतलब टी का वैल्यू कितना आ गया? टी इक्वल टू 45 जी हो गया, और जो एन है वो 15 जी के बराबर हो गया। टी जो हो गया 45 जी हो गया, और जो एन है वो 15 जी के बराबर हो गया। तो पहला आंसर तो एन अपॉन जी चाहिए हमको, तो पहला आंसर तो क्या आ गया? नॉर्मल रिएक्शन 45 जी है, तो इस पे जो रीडिंग आएगी वो कितनी आ जाएगी? 15 जी के बराबर इसकी रीडिंग आ जाएगी। तो बात समझ में आ गई, तो पहला तो अपना हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है वो? दूसरा वो बोल रहा है कि यहां पे मुझे रीडिंग चाहिए 60, मतलब नॉर्मल रिएक्शन 16 टू जी बन जाएगा। तो जब मैं मैन का एफबीडी बनाऊंगा, ऊपर टेंशन टी लग रहा है, नीचे 60 जी लग रहा है, और ऊपर 60 जी लग रहा है, कि नहीं? सॉरी, हाँ सही है ना? तो यार फिर तो टेंशन 0 आ जाना चाहिए इसमें, आंसर इसमें आंसर 0 नहीं है शायद, इसमें 1800। व्हाट इज फोर्स टू बी एग्जर्ट ऑन द रोप टू गेट इट्स करेक्ट वेट ऑन द मशीन। अच्छा, एक्सीलरेशन भी होगा ना कुछ? हाँ ठीक है। अब ये चीज समझो,
करेक्ट वेट लगाने के लिए, नॉर्मल एक्शन क्या आ रहा था, 15 आ रहा था, 15 kg, इसको अपना वेट बढ़ाना है, तो दोनों चीज हो रही है। अगर ये खींचेगा तो रोप ऊपर आएगी, दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा, तो इसके अंदर हमको पता नहीं होगा करना क्या है। तो हम क्या मान लेंगे कि किसी फोर्स से खींच रहा है ये और ऊपर एक्सिलरेट कर रहा है, ये एक्सिलरेट करेगा उसी से ऊपर ये डब्बा एक्सिलरेट करेगा, मतलब डब्बे का अगर मैं एफडी बनाऊंगा तो डब्बे पे एक एन आ रहा होगा, एक 30 g नीचे आ रहा होगा, एक ऊपर टेंशन टी आ रहा होगा, इसका एक्सिलरेशन ए मान लेते हैं। मैन का अगर एफडी बनाऊंगा तो मैन पे 60 g आ रहा होगा, ऊपर एन आ रहा होगा, एन की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, ऊपर टी आ रहा होगा और इसका एक्सिलरेशन टी, दोनों का एक्सिलरेशन सेम क्यों होना चाहिए, बिकॉज मैन का पैर हमेशा कॉन्टेक्ट में रहेगा, कॉन्टेक्ट में रहने के लिए दोनों को साथ साथ मूव करना पड़ेगा, नहीं तो मैन ऊपर रह जाएगा डब्बा नीचे रह जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, टी माइनस 30 g माइनस एन इज इक्वल टू 30 into 8, टी माइनस एन माइनस 30 g इज इक्वल टू 30 into 8, और यहाँ क्या लिखेंगे अपन, टी माइनस 60 g, टी माइनस टी प्लस एन माइनस 60 g इज इक्वल टू 60 into 8, टी प्लस एन माइनस 60 g इज इक्वल टू 60 into 8, टी माइनस एन माइनस 30 g इज इक्वल टू 30 into 8। अब हमको क्या निकालना है, हमको तो टेंशन निकालनी है, और नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना है, 16 2g, तो नॉर्मल का वैल्यू कितना है, 16 2g, तो यहाँ तो 16 2g 16 2g कैंसिल ही हो गया, तो टी कितना गया, 16 2a, टी को अच्छा टी निकालना है 16 2a, तो 68 टी के बराबर है, मतलब 30 कितना हो गया, टी बाई टू हो गया, 68 टी के बराबर है, मतलब 30 कितना होगा, टी बाई टू, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, टी माइनस नॉर्मल कितना है 60 g माइनस 30 g इज इक्वल टू टी बाई टू, टी माइनस 60 g, नॉर्मल कितना है 60 g, 60 g क्यों है, बिकॉज नॉर्मल का वैल्यू 60 g होगा तभी मैन का जो वेट है वो 60 कहलाएगा, माइनस 30 g इज इक्वल टू 30 कितना है 60 60 टी के बराबर है, 30 कितना होगा, टी बाई टू, तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, टी बाई टू कितना आ जाएगा, टी बाई टू आ जाएगा 90 g, तो टी आ गया 180 g, 180 g मतलब 1800, ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन ही था, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब लास्ट तीन सवाल बचे हैं, 40 क्वेश्चन देखते हैं, 40 सवाल। द ब्लॉक ए कैन स्लाइड ऑन ए फ्रिक्शनलेस, पढ़ो सवाल को, द ब्लॉक ए कैन स्लाइड ऑन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन ऑफ एंगल थीटा एंड लेंथ एंड कैप्ड इनसाइड एन एलिवेटर बोन ऑफ द डिपेंडेंट, ये कर चुके हैं सवाल अपन, ये एग्जांपल्स में कर चुके हैं अपन सवाल, वापस से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये थीटा एंगल है, सेम सवाल तो था, पता नहीं क्या दिक्कत है इसके अंदर, ये एलिवेटर के अंदर रखा हुआ है और इसका लेंथ एल है, इसका लेंथ एल है, इंक्लाइन का ही लेंथ एल है, इसका लेंथ एल है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू स्लाइड डाउन द लेंथ ऑफ इट इज रिलीज फ्रॉम द ड्रॉप ऑफ इंक्लाइन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है यार एलिवेटर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, तो एक्सेलरेशन जीरो है, तो जी इफेक्टिव जी के बराबर ही रहेगा, इस तरफ पता है तुमको जी साइन थीटा लग रहा होता है, क्या फालतू का क्वेश्चन है, बिल्कुल जी साइन थीटा लग रहा होता है, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, जी साइन थीटा के बराबर आ गया, अलोंग दिस डिस्टेंस कितना है इसके अलोंग, डिस्टेंस एल के बराबर है, यू कितना है, जीरो है, तो तीनों इस तरफ पॉजिटिव एक्स मान लो, तो क्या लिखेंगे, टाइम निकालना है, तो एल इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर, तो एल इज इक्वल टू जीरो टी प्लस हाफ ऑफ जी साइन थीटा, थीटा पता है क्या, थीटा नहीं पता, जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, तो टी कितना आ गया, 2l अपॉन जी साइन थीटा का अंडर रूट, टी कितना आ गया, 2l अपॉन जी साइन थीटा का अंडर रूट, क्या है इस सवाल में, कुछ नहीं फालतू का सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, ए कार इज स्पीडिंग अप ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड विद एन एक्सीलरेशन, कंसीडर द फॉलोइंग, बॉल इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को, ए ब्लॉक इज कैप्ड ऑन सुल्फान एंगल, ठीक है, फाइंडिंग, तो फर्स्ट वाला तो अपन कर चुके हैं, मैं एग्जांपल बता चुका हूं तुमको, फर्स्ट वाला था एक कार है जो कि ए एक्सीलरेशन से जा रही है, यहां पे एक बॉब लटका हुआ है, ये एंगल कांस्टेंट है, ये एंगल का थीटा होगा, सूडो फोर्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर जो पर्सन होगा वो क्या देखेगा, ब्लॉक आगे मूव कर रहा है ए एक्सीलरेशन से, तो यहां पर टेंशन टी होगा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये बन जाएगा टी कॉस थीटा, ये बन जाएगा टी साइन थीटा, ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये बन जाएगा टी कॉस थीटा, ये बन जाएगा टी साइन थीटा, इसका एक्सेलरेशन ए है, मैं बाहर से देख रहा हूँ ऑब्जर्वर को, तो बाहर से देखेगा कि पूरा पूरा ब्लॉक स्लेंट है, बहुत स्लेंट है लेकिन आगे तो मूव कर रहा है ना, तो ए तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए मास इनटू एक्सेलरेशन, दूसरा क्या होगा, टी साइन टी कॉस थीटा
माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन इन वाई विच इज इक्वल टू जीरो। तो टेन ऑफ थीटा निकालोगे अगर इधर से, मैं बता चुका टेन ऑफ थीटा हमेशा ए बाई जी के बराबर आता है। जब भी कोई सवाल पूछे टेन थीटा ए बाई जी बोल दिया करो फटाफट से। तो टेन थीटा कितना आ गया, ए बाई जी आ गया पहला आंसर। तो दूसरे का आंसर भी यही होगा। दूसरा आंसर क्या है, ए ब्लॉक इज केप्ट ऑन स्मूथ इंक्लाइन एंड डज नॉट स्लिप ऑन द इंक्लाइन। तो एक ब्लॉक है ऐसे रखा हुआ है एम मास का, थीटा एंगल पे रखा हुआ है। तो अपन ने दो क्वेश्चन पहले करा था यहाँ पे, टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी आ रहा था, वही सवाल है। तो इसका एक्सप्रेशन ए है, ए का वैल्यू कितना होगा, टेन इनवर्स ऑफ ए बाई जी इज इक्वल टू थीटा। कर भी सकते हो, वापस से कर सकते हो सॉल्व, कर लो, करना है तो सॉल्व कर लो। ब्लॉक का एफडी बना लो, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगा, नीचे एम जी आएगा, इस तरफ एक्सीलरेशन ए है। नॉर्मल कंपोनेंट्स क्या बनेंगे, इस तरह बनेगा एन कॉस थीटा, इस तरह बनेगा एन साइन थीटा, इसको हटा दो। तो एन साइन थीटा इज इक्वल टू एन ए, एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी। लास्ट क्वेश्चन है 42। ए ब्लॉक इज क्लैप्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर एट रेस्ट, द एलिवेटर स्टार्ट डिसेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो फिर ग्रेविटी से भी ज्यादा है। ब्लॉक हवा में छूट जाएगा तो ब्लॉक तो जी से नीचे आ रहा होगा, लेकिन एलिवेटर उससे भी तेजी से नीचे आ रहा है, तो एलिवेटर का जो रूफ है वो टकरा जाएगा। बात समझ रहे हो, अगर दो चीजें हवा में जी से जा रही है, 10 से जा रही है, तो जाती रहेंगी, लेकिन एक 12 से आ रही है, एक जी से आ रही है, तो जो 12 का रूफ है वो टकरा के ब्लॉक से टकरा जाएगा। तो ये पूछा होगा, द एलिवेटर स्टार्ट डिसेंडिंग विद एक्सीलरेशन 12, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक ड्यूरिंग द फर्स्ट 0.2 सेकंड आफ्टर स्टार्ट, टेक जी इज इक्वल टू 10। तो ब्लॉक यहाँ पे था, ब्लॉक यहाँ पे था, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक ड्यूरिंग द फर्स्ट 0.2 सेकंड आफ्टर, तो डिस्प्लेसमेंट हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, इसमें क्या पूछा है। तो अब देखो इसमें क्या पूछा है कि जो ब्लॉक है, ब्लॉक का अगर एफडी बनाओगे तो ब्लॉक तो नीचे एम जी एक्स फोर्स से एक्सीलरेशन जी है, तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ पॉजिटिव मानेंगे, तो हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ इंटू जी इंटू 0.2 का स्क्वायर, तो हाफ इंटू 10 इंटू 0.2 इंटू 0.2, तो 0.2 इंटू 10 तो कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 0.2 मीटर आ गया, मतलब 20 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ब्लॉक के रेस्पेक्ट में लगेगा ब्लॉक, सॉरी एलिवेटर के रेस्पेक्ट में लगेगा ब्लॉक ऊपर जा रहा है, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नीचे आ रहा है, समझ रहे हो। एलिवेटर के रेस्पेक्ट में लगेगा ब्लॉक ऊपर जा रहा है, बट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ब्लॉक तो नीचे आ रहा है। ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट पूछा है, इसमें ये नहीं पूछा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, इसमें ये नहीं पूछा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर पूछते तो अपन को क्या करना पड़ता है, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सीलरेशन ऑफ एलिवेटर। एक्सीलरेशन ब्लॉक कितना है, नीचे की तरफ जी, एक्सीलरेशन ऑफ एलिवेटर कितना है, नीचे की तरफ 12। तो मतलब ये आंसर क्या था, माइनस ऑफ 2 नीचे की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ 2। ये स्टील भी आ रही है कि ब्लॉक को एलिवेटर के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ब्लॉक ऊपर जाता हुआ दिखेगा, मतलब ये एलिवेटर था, ब्लॉक तो 10 से नीचे जा रहा है, एलिवेटर और तेजी से, तो एलिवेटर के रेस्पेक्ट में ब्लॉक ऊपर चला गया ना। तो ब्लॉक का अगर डिस्प्लेसमेंट निकालते विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर तो क्या आता, हाफ इंटू 2 इंटू 0.2 का स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल होता, मतलब 0.04 मीटर। ये क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ब्लॉक तो ऊपर जाना चाहिए, ब्लॉक ऊपर थोड़ी जाएगा यार, ब्लॉक के ऊपर कौन सा फोर्स है, एमजी का फोर्स है नीचे की तरफ, ब्लॉक के ऊपर कौन सा फोर्स है, एमजी का फोर्स नीचे की तरफ, तो ब्लॉक जी से ही नीचे आएगा, तो हाफ इंटू जी इंटू टाइम स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर एलिवेटर के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ब्लॉक ऊपर जाएगा, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर कितना हो जाएगा, 0.04 मीटर। एलिवेटर के रेस्पेक्ट में ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0.04। नेक्स्ट हम चालू करेंगे फ्रिक्शन। अगेन फ्रिक्शन एक बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग मतलब हार्ड भी हो जाता है जितना इंटरेस्टिंग होता है फिजिक्स के अंदर। फिर सर्कुलर मोशन होगा, वर्क एनर्जी पावर का, काफी फिजिक्स बची हुई है अभी अपन ने चालू की है, और मेरे हिसाब से वी आर डूइंग गुड। तुम लोग सबसे पहले समझ लो कि फिजिक्स में एससी और के सारे सवाल देखो बस कैसे करे हैं मैंने, उसके बाद अटेम्प्ट करा करो। फिजिक्स में सवाल प्रैक्टिस से इंपॉर्टेंट होता है थ्योरी, फिर सवाल के एग्जाम्पल्स देखना। कुछ लोग बोलते हैं थ्योरी पढ़ो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा, थ्योरी पढ़ो और एग्जाम्पल्स देखो बहुत सारे। तो एस सी वर्मा मैंने पूरी एग्जाम्पल बना दी, मतलब कि पूरी की पूरी एस सी वर्मा को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, इसलिए जिसे तुम लोग देखो और फिर उसको देख के उतना देख लो और फिर नया सवाल सॉल्व करो। मतलब एस सी वर्मा तुम खुद से सॉल्व करने बैठोगे कभी नहीं होगी, लेकिन एस सी वर्मा के तुम सारे सॉल्यूशन देखो पहले, मतलब वीडियो सॉल्यूशन देखो, उसके बाद तुम नए सवाल सॉल्व करो, फिर तुमसे हो जाएंगे सवाल, ठीक है। तो टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय, एंजॉय, बाय।